आदरणीय प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, सभी संकाय के वरिष्ठ आचार्यगण, सभी प्रतिभागी और मातृशक्ति, जैसा कि मुझे बताया गया कि आज का विषय आरोग्य और आयुर्वेद विषय है और जितने भी प्रतिभागी हैं उनके लिए मर्म चिकित्सा एक विषय है जिसको मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम लोग कहते हैं कि भाई आज तक कोरोना से पहले हम लोग स्वास्थ्य को एक बहुत ज़रूरी अपने जीवन का उपादान नहीं मानते थे, एक टेक इट इजी या एक ऐसा मानते थे कि एक सामान्य एक विषय है जिसपे बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोरोना ने हमको सिखाया कि कैसे जब तक हम शरीर को ठीक नहीं रखेंगे तब तक और चीज़ें भी किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। और कोरोना ने और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाई और पूरा वैज्ञानिक जगत और पूरा विश्व चमत्कृत है कि कैसे भारतवर्ष ने ऐसी विभीषिका में भी अपनी पूरी जनता को बचाया और पूरे विश्व में एक विशेष स्थिति पैदा की। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो हमसे करीबन हम लोग 20 वर्ष पीछे हैं। मैं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों की बात कर रहा हूं। वहां वैक्सीनेशन की स्थिति भी समझिए कि वैक्सीन सबसे ज़्यादा वहीं बना, सबसे ज़्यादा वहां उत्पादन हुआ, सबसे ज़्यादा लोगों को दिया गया। और जब जबकि हमारे पास कोरोना से लड़ने के लिए मास्क और पीपी किट की भी सुविधा नहीं थी, ऐसे में पूरा विश्व इन चीज़ों से जितने भी विकसित देश थे उनके पास सारी की सारी सुविधाएं थी, यहाँ तक कि कंसंट्रेटर और जितनी भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर जितनी भी औषधियाँ थी वो उनके पास थी। लेकिन स्थिति की को यदि हम तुलना करें तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी वैदिक चिकित्सा पद्धतियाँ, योग, आयुर्वेद और इससे जुड़ी हुई हमारी जितनी भी संस्कृति और हमारा खान पान और हमारी जो पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति, उसका एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। आज भी हम देखते हैं कि पूरे विश्व की स्थिति यदि हम देखें कोरोना के संदर्भ में, आज का डेटा मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 15,000 केसेस हमारे भारतवर्ष में आज की तारीख में हैं, लेकिन आज भी हम बिना मास्क के यहां बैठे हैं और इस ढंग के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जबकि पूरा विश्व आज भी भयावह स्थिति में है और कहीं ना कहीं डरा हुआ है। चाइना की स्थिति बताऊं तो वहां कुछ ऐसे अभी भी जगह है कि जहां कंप्लीट टोटल एक तरह से उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है और बहुत सारी स्थितियां जो कि समाज के सामने या पूरे विश्व के सामने नहीं आ रही, ऐसी स्थिति भी अभी भी है। लेकिन भारतवर्ष में यदि ऐसी स्थिति है तो इसका श्रेय निश्चित रूप से हमारी वैदिक चिकित्सा पद्धतियों को जाता है और हर व्यक्ति ने स्वीकार किया कि भाई यदि हम बचे हैं तो अपनी इन चिकित्सा पद्धतियों की वजह से बचे। उसमें मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद का जो योगदान है उसमें पतंजलि का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और कोरोनिल के रूप में भी हम लोग कहते हैं, हम तो सरकार का हिस्सा है उसके बावजूद भी हम लोग कहते हैं कि जो अवेयरनेस पतंजलि के माध्यम से दी गई उसने भी बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रक्षा की है। और उसमें हम लोगों ने भी एक सरकार की हैसियत से, विश्वविद्यालय की हैसियत से हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइव चलाए, बहुत सारा काम किया और बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस का एक संदेश पूरे सरकार को देने का की कोशिश की कि जिससे कि हम लोग ये बता सकें कि भाई कैसे ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ पूरे के पूरे चिकित्सा परिदृश्य को बदलने के लिए अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं और कितनी समर्थ हैं ये भी आपको जानना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मुखर होकर इन चिकित्सा पद्धतियों को समझने और इनके विषय में बोलने की आवश्यकता, हर व्यक्ति को इन चिकित्सा पद्धतियों के विषय में बोलने की आवश्यकता। हम इन चिकित्सा पद्धतियों के विषय में कब बोल पाएंगे, जब हम इन चिकित्सा पद्धतियों के मूल स्वरूप को समझ सकें, उनके सिद्धांतों को समझ सकें कि भाई ये कैसे लाभकारी होती हैं, कैसे ये समर्थ हैं और कैसे पूरा चिकित्सा का परिदृश्य बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के परिवर्तित कर सकती हैं, ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि हम 135 करोड़ की जनता के लिए 200 एम्स खोलें, बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटीज खोलें और बड़े बड़े अस्पताल खोलें तो क्या हम पूरे सबको निरामय कर सकते हैं, सबको रोग मुक्त कर सकते हैं? एक प्रश्न चिन्ह है और इसको अल्मा अटा डिक्लेरेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम लोगों ने परख कर भी देख लिया। जब सन 1978 में अल्मा अटा डिक्लेरेशन हुआ
और उन्होंने कहा कि भाई सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना हम 2000 तक सिद्ध कर लेंगे और सबको स्वास्थ्य प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के माध्यम से देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 2000 की स्थिति क्या है और 2022 की या 19 की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि वो डिक्लाइन ही है, बहुत सारी चीजों का डिक्लाइन है। और हम कहीं ना कहीं इनके जो शोध है, तथाकथित शोध है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से दिग्भ्रमित होते हैं, एक मृग तृष्णा की तरह इनकी शोध है। और मैं कुछ चीजों को बताकर अपनी मुख्य विषय पर आऊंगा कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी शोध होती है, कोई शोध होता है, और यदि वो सत्य होता है तो वो तीनों कालों में सत्य होता है। पहले भी सत्य होना चाहिए, अब भी सत्य, और आगे भी वो सत्य होना चाहिए। मीन्स उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई आग है, आग पहले भी जलाती थी, अब भी जलाती है और आगे भी जलाएगी। वो गर्मी पहले भी देती थी, आज भी देगी, आगे भी देगी। वो प्रकाश आज भी देती है, पहले भी देती थी, आज भी देगी और आगे भी देगी। यदि कोई ऐसा सिद्धांत होता है तो उसको हम सार्वभौमिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि मेडिकल साइंस में कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है। मैं आप लोगों को 1976-75 की बात बताता हूँ। जब हम लोग ये इसमें ग्रेजुएशन में पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारी शोध जो उन दिनों नवीन शोध हुआ करती थी, और बहुत सारी ऐसी औषधियाँ जिनका उपयोग हम लोग किया करते थे, उनके विषय में हम लोग ये मानते थे कि भाई ये एक तरह से अचूक दवाइयाँ हैं, और इनके शोध से बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती थी, वो ठीक हो सकती हैं। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में आपने सुना होगा कि पेंसिलिन का नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम सुना हो, और बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक नाम सुने होंगे जो टेट्रासाइक्लिन है, रोलीटेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। और आज के संदर्भ में जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी फार्माकोलॉजी में, या जो हम लोगों ने मेटेरिया मेडिका में हम लोगों को पढ़ाया गया था उस समय, आज आउटडेटेड है। कहीं भी उन औषधियों की हम बात नहीं करते क्योंकि उनके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हैं और वो आज मार्केट में नहीं है। यदि हम कोई एंटीबायोटिक आज इस्तेमाल करते हैं तो उस एंटीबायोटिक के विषय में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, हमें आता ही नहीं, हमने उसके विषय में बेसिक चीजें नहीं पढ़ी। लेकिन हम आज उनका उपयोग करते हैं। तो उपयोग कैसे करते हैं कि जब भी कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आता है और कहता है कि भाई आज ये औषधि इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करती है, तो हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं, या किसी CME के माध्यम से, या किसी किसी साइंटिफिक जर्नल के माध्यम से हम उस चीज को या उस टेक्निक को उसको फॉलो करते हैं, जबकि हम लोगों ने वो पढ़ी नहीं होती। ऐसा ही पैथोलॉजी के क्षेत्र में हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुआ करते थे उस समय, जो टेस्ट हुआ करते थे वो आज आउटडेटेड है, उनकी आवश्यकता नहीं होती, और नए नए हमारे पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और हम उनसे रोग निदान की बात करते हैं कि भाई हम उनसे डायग्नोसिस बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर सजेस्टिव ऑफ द डायग्नोसिस, दे आर नॉट द गोल्डन टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस। आज भी जितने भी हम टेस्ट करते हैं वो एक निर्देश तो करते हैं कि ये बीमारियां हो सकती हैं। 10-15 आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई टेस्ट करते हैं, आजकल एक प्रोफाइल है कि बहुत सारे टेस्ट का आप बॉडी प्रोफाइल करते हैं, तो जो टेस्ट की रीडिंग होती है उसके नीचे एक समरी जैसी होती है, उसमें लिखा होता है कि ये टेस्ट क्या करता है कि ये इस बीमारी में 20-25 बीमारियों के नाम लिखेगा कि इसमें उसका इंडिकेशन है कि इफ इट इज पॉजिटिव देन दीज डिजीजेस कैन बी देयर, मे बी देयर। आप समझते हैं उसको, तो वो डायग्नोसिस नहीं करता कि वो ये बीमारी है, वो 100% कह रहा है कि ये बीमारी है, ऐसा नहीं है। वो सजेस्टिव एक क्राइटेरिया है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही एक तिलिस्म बना है जिसमें हम लोग फंसते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जब हम वैदिक साइंसेस की बात करते हैं, तो जो हमारी पंच निदान के लक्षण है, जो पंच निदान है हमारा, उसमें हम निदान है उसका जो पूर्व रूप है, रूप है, हेतु है, उसके जितनी भी संप्राप्ति है, वो सारी चीजें जब देखते हैं तो रोग का निदान वहीं पे हो जाता है। उसमें लिखा है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी बीमारी है, जैसे लिखा है कि यदि स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणस्थ था, जिस बीमारी में स्वेदावरोध हो मीन्स पसीना आना बंद हो जाए, फिर सर्वांग ग्रहण हो मीन्स पूरा बॉडी एक हो जाए, मैलेज हो जाए, और फिर क्या है, तीसरा क्या है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसको ज्वर कहते हैं, उससे पहले ज्वर नहीं कहते। तो ज्वर की परिभाषा कौन, फीवर कैसे होगा यदि सिंपल बॉडी टेम्परेचर रह जाए, यदि हम किसी को व्यक्ति को किसी ऐसे टेम्परेचर पर रखें जिसमें पानी की कमी हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर रेज हो सकता है, लेकिन वो ज्वर की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। जब पसीना बंद होगा तभी सर्वांग ग्रहण होगा, जब इंटरनल जो हमारे टॉक्सिन है वो नहीं निकलेंगे, बॉडी में रिएक्शन करेंगे, और उसके बाद जब बॉडी टेम्परेचर रेज होगा तो उस तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम ज्वर कहते हैं। तो आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद का निदान की प्रक्रिया को जब हम समझ जाते हैं तो हम इसको लगता है कि भाई ये सारी चीजें एक तरह से एक
कहीं ना कहीं उलझन पैदा करती हैं, कोई सही एक डायग्नोसिस नहीं बनाती हैं। हजारों की संख्या में आज नए टेस्ट हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक कोरोना के समय में ही एक पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट, अरबों खरबों रुपए का व्यवसाय सिर्फ भारतवर्ष में हुआ, 2,000, 1,500, 2,500, 4,000 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर मिला। आज वो आपने फेंक दिया होगा, उसकी क्या जरूरत थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम उस दुष्चक्र में फंसे, वो तब फंसे जब हमें पता नहीं था कि भाई हम लोगों के पास क्या चीज है। और आप कैसे ये समझ सकते हैं कि भाई हमारी जो फेफड़ों की क्षमता, हमारे हृदय की क्षमता, हमारे शरीर की क्षमता क्या है, व्यायाम की परिभाषा क्या है। देखिए व्यायाम की परिभाषा की बात करें तो आज तक किसी को, यदि हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कोई डोज, कोई 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 कैलकुलेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम में बहुत सारी डेथ आपने देखी है, एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद तुरंत कार्डिक फेलियर हो गया। एक बहुत प्रसिद्ध एक तरह से हीरो हमारे साउथ इंडिया के थे, मैं नाम उनका नहीं मुझे याद है, लेकिन अभी उनकी थोड़े दिन पहले, 2-4-6 महीने पहले उनकी डेथ हुई। तो आप समझ सकते हैं कि परिभाषा क्या, व्यायाम की परिभाषा हमारे यहाँ लिखा है कि बल का आधा, बलार्ध को हम व्यायाम कहते हैं। यदि आप दौड़ सकते हैं 10 किलोमीटर, लेकिन यदि आपको व्यायाम करना है तो 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना है, तो उसको उसकी परिभाषा, उसकी मात्रा, उसका परिमाप, वो कैसे करनी है, कब करनी है, ये सारी की सारी चीजें हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है। मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने शास्त्रों को, अपने आयुर्वेद के विज्ञान को, योग के विज्ञान को नहीं समझते, तब तक हम ये नहीं जान पाते कि भाई ये कैसे हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। जब हम समझ जाते हैं तो हम ये अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे ही एक विज्ञान है जो मर्म चिकित्सा का विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं, और अभी तक मैं समझता हूँ कि ये हमारी यात्रा 1991 के बाद की प्रारंभ की, जिसमें हम लोग इस यात्रा को आज हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत सरकार के स्तर पर हम लोग इसको एस्टेब्लिश कर पाए हैं। और आज ये पूरे भारतवर्ष में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको मान्यता दी है, भारत सरकार ने दी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ जो आयुर्वेदिक रिसर्च, आयुर्वेदिक जो साइंसेज है, उन्होंने इसको मान्यता दी है। और भारतवर्ष के करीबन कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से इसको योग के साथ हम लोगों ने जोड़ के इसको प्रारंभ किया। जब हम लोगों ने इसको पढ़ा तो ग्रेजुएशन में, हम बहुत सारे आयुर्वेद के लोग होंगे कि वो भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मर्म चिकित्सा को के नाम से कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, और मर्म विज्ञान के नाम से एक अध्याय है जिसमें हम लोग एनाटॉमिकल जो आस्पेक्ट है उसको देखते हैं। महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंगों का वर्णन शारीरिक स्थान में किया गया, लेकिन जो चीजें छूट गई हैं वो विशेष हैं, और मर्म के माध्यम से हम उनका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो ये मर्म को हम एक एनाटॉमिकल कंसेप्ट ऑफ जो आयुर्वेद था उसको हम लोग मर्म मानते थे। लेकिन जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो इसमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया जाता था कि यदि शरीर के 107 मर्म बिंदु होते हैं जो प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, और ये वाइटल पॉइंट्स भी हम लोग इनको कहते हैं, और यदि इन पर कोई आघात होता है, यदि चोट लगती है, तो इससे इस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास शास्त्र में नहीं थी, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो सिर्फ 30 नंबर का एक प्रश्न आता था, इसलिए पढ़ते थे, और प्रैक्टिकल में इसको पूछा जाता था कि इसका वर्गीकरण क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसमें आघात की इसका रिएक्शन क्या है। तो वही दो परीक्षा से 2-3 दिन पहले ही इस चैप्टर को पढ़ते थे, क्योंकि डर लगता था कि भाई इसमें मरने मारने की बातें होती, इस पे लगाएंगे तो इतने दिन में मर जाएगा, इसका ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, डर लगती थी। ऐसे ही जो चरक संहिता का इंद्रिय स्थान है उसमें भी यही सारे के सारे वर्णन है कि यदि ऐसा रोगी आएगा तो ये इतने दिन में मर जाएगा, इसकी यदि नासा टेढ़ी हो जाएगी तो ऐसा होगा, यदि सिर से एक राख जैसी झड़ने लगेगी तो उसमें मृत्यु हो जाएगी। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डर के मारे पढ़ते थे, और क्योंकि इसमें से एक प्रश्न आता था इसीलिए पढ़ा जाता था, सामान्य रूप से इस विषय में कोई रुचि नहीं होती थी। लेकिन जब हम लोगों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पुनः शल्य चिकित्सा में इसका अभ्यास करना शुरू किया, तो पुनः हमारे गुरुजनों ने कहा कि भाई ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन यू हैव टू सेव दीज पॉइंट्स, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज पॉइंट्स डेफिनेटली ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस मे बी देयर, एंड दे हैव इन्यूमरेटेड ए लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा ओवर दीज पॉइंट्स। तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये चीजें हैं, यहाँ पे इंसिजन नहीं देना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना। तो लगा कि कहीं ना कहीं यदि इस विषय में ऐसी चीज महत्वपूर्ण है कि भाई इसके करने से ये चीज होती है, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कोई ना कोई चीज अच्छी भी होनी चाहिए, अच्छाई होनी चाहिए। तो इसको हम लोगों ने रिट्रोग्रेड स्टडी की। रिट्रोग्रेड स्टडी का मतलब क्या था कि जब हमें पता लगा कि यदि यहाँ पे क्रिकाटिका मर्म है और क्रिकाटिका मर्म पर आघात होने से चलमूर्धा होती है, मींस मूर्धा हमेशा घूमती रहती है, सिर स्टेबल नहीं होता, मूवमेंट होता है,
और इसका एक मुख्य जो हम मेरे जो सूत्र मुझे लगा, बचपन में हम लोगों को हमारे पिताजी के द्वारा एक सूचना दी गई, क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उन्होंने ये मुझे बताया था बचपन में 6-7 साल के रहे होंगे कि श्री गोविंद बल्लभ पंत, जो भारत के गृह मंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, उनके साथ उन्होंने कभी काम किया होगा स्वतंत्रता संग्राम में, तो कहते थे कि भाई उनका सिर हमेशा हिलता रहता था। तो उनसे पूछा, भाई उनका सिर हिलता क्यों रहता था? कहने लगे कि अंग्रेजों की लाठी जब उनकी गर्दन के जोर पे पड़ी, यहाँ पे सिर पे पीछे लाठी लगी, तो उससे उनका सिर हिलने लगा। तो ये एक सूचना हमारे पास बचपन की थी। जब शास्त्र पढ़ा 76-77 में, हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिकाटी का मर्म पे आघात होने से चलमूर्दा होती है, तो कनेक्टिविटी उसकी बनी, और ये लगा कि हमारे जो शास्त्र में लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। और तब फिर हम लोगों ने दोबारा सोचा कि यदि इससे सिर हिल सकता है, तो जो जिसको सिर हिलता रहता है, यदि हम उस पॉइंट को स्टिमुलेट करें तो फायदा होना चाहिए। ठीक समझ रहे हैं हमारी बात? यदि मैं कहूँ कि इससे ये पॉइंट से यदि माइक को यदि ये डिस्टर्ब हो जाए तो माइक बंद हो जाएगा, तो यदि हम इसको ठीक करेंगे तो माइक फिर चालू भी होना चाहिए ना, यही तो बात है। तो ऐसा ही रिट्रोग्रेड स्टडी हम लोगों ने सारे मर्मों के विरुद्ध की और देखा कि इसमें आश्चर्यजनक लाभ हुआ। और जब 1991 के बाद इसको काम को करना शुरू किया तो बहुत सारा उपहास हम लोगों ने इससे झेला, क्योंकि मैं शल्य विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, शल्य चिकित्सक रहा हूँ, और लगभग सारे के सारे शल्य कर्म मैं करता रहा। ऑपरेशंस एब्डोमेन के किए होंगे मैंने, सारे गॉल ब्लैडर किए होंगे, सारी चीज़ें स्टोन के किए होंगे, हर्निया, हाइड्रोसील, पाइल्स, फिशुला, ऑनले प्लेटिंग, नेलिंग सब किया होगा। लेकिन जब इस काम को करने लगे तो लगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो उन कामों में थोड़ा सा हम लोगों में व्यतिरेक आया, व्यवधान आया, तो लोगों ने उस उपहास भी किया कि देखिए क्या अच्छा सारा काम अच्छा खासा छोड़ के पता नहीं कैसी चीज़ों पे। और फिर विरोध बहुत हुआ, पहले तो उपहास किया गया, फिर विरोध किया गया आयुर्वेद के लोगों के द्वारा कि भाई हम लोगों को सिखाया गया कि ये मर्म है, मर्म पर अभिघात होने से व्यक्ति की मृत्यु होती है, तुम इसको दबा रहे हो, मारोगे क्या आदमी को? ठीक, ये भी हम लोगों ने सहा। लेकिन इसके साथ हम लोगों ने कहा कि भाई यदि मैं आयुर्वेद के लोगों के साथ इस बात को शेयर करूंगा या मॉडर्न मेडिकल साइंस के लोगों के साथ बात को शेयर करूंगा तो वो मुझे स्वीकार नहीं करें, क्योंकि मेरे साथ ही तो पढ़े हैं सब लोग, एक ही वही चीज मैंने भी पढ़ी है, वो उन्होंने भी पढ़ी है, यदि मैं उनको समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अपने नवीन विद्यार्थियों के साथ, जो नए बच्चे हैं जिनको किसी चीज का कोई एक्सपोजर नहीं है, उनको साथ लिया, और साथ में योग के विद्यार्थियों को साथ लिया। उसमें सबसे पहले हमने गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है उसके छात्रों को साथ लिया, और ये एक समन्वय स्थापित किया कि कैसे जब भी हम कोई योग का पोषण करते हैं तो कैसे ये शरीर पर कार्यकारी होते हैं, इसका किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन ना तो पहले था ना आज है। यदि हम पद्मासन पे बैठते हैं तो कैसे प्रभावित करता है, तो इसका ना तो कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास आज है ना पहले था। लेकिन जब हम लोगों ने इसके मर्म के पक्ष को समझा कि यदि हम पद्मासन में बैठते हैं तो जो हमारी एड़ियां हैं वो विटप मर्म को स्पर्श करती हैं, और महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि विटप मर्म पे आघात होने से व्यक्ति में नपुंसकता हो सकती है, शांड्य हो सकता है, तो ये चीज हम लोगों ने पता चली कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी एड़ियां हमारे शरीर के स्पिक प्रदेश के कटिक तरुण मर्म को प्रभावित करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं। जब हम एड़ियों को, जैसे हम योग में बैठते हैं तो योग में तो हम एड़ियों को आसपास फैला लेते हैं, लेकिन जब हम मर्म की चर्चा करते हैं तो मर्म में हम लोग क्या करते हैं, एड़ियों को खड़ी रखते हैं और उसके ऊपर हम बैठते हैं, तो उस स्थान पर कौन सा मर्म होता है, उसको कटिक तरुण कहते हैं। कटिक तरुण का मतलब होता है कटिक कमर को कहते हैं, तरुण का मतलब होता है जवान। यदि हमें अपनी कमर जवान रखनी है, जिसकी कमर जवान, तो इसका मतलब उसका पूरा शरीर जवान। यदि हमें अपनी तरुणाई को बरकरार रखना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कटिक तरुण मर्म को स्टिमुलेट करना चाहिए, और वो स्टिमुलेट कैसे होगा, वो हमारे वज्रासन से होगा। और जब हम लोग वर्षों से कई बार, मैं लगभग 5 बार मुझे जापान जाने का अवसर मिला, 10-15 दिन, और वहां देखा कि जापान का हर व्यक्ति प्रतिदिन उसी आसन में नियमित रूप से बैठता है, वो हमेशा जब बैठेंगे तो इसी में वज्रासन में ही बैठेंगे और एड़ियां ऊपर करके बैठेंगे उसी पे। और वहां की जो हमारी जो एक तरह से जीवन, उनका जो जीवन है वो 80 साल, 100 साल, 100 साल से ऊपर के भी लोग वहां सबसे ज्यादा होते हैं, और तब लगा कि ये निश्चित रूप से कटिक तरुण मर्म का ये प्रभाव होता है। और हम यदि ये कहें योग और मर्म में क्या अंतर है, एक समन्वय तो है, हम ये कहते हैं कि ये योग और मर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन एक खासियत है मर्म चिकित्सा के साथ कि यदि जैसे हम योग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता, यदि किसी को योग का फायदा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको योगाभ्यास करना पड़ेगा।
यदि प्राणायाम का फायदा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन हम यदि कहें कि आपको बिना योग और प्राणायाम के अभ्यास के योग का फायदा मिल सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, यदि हम कहें कि एक 80 साल के व्यक्ति को हम यदि कहते हैं कि आपको वज्रासन में बैठना है, तो क्या वो बैठ सकता है? यदि जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस नी ज्वाइंट है, जिसका नी ज्वाइंट में चोट लगी है, उसको यदि हम कहें कि वज्रासन में बैठे, तो वो संभव नहीं है। लेकिन हमें पता है कि वज्रासन में बैठने से कौन कौन से मर्म प्रभावित होते हैं, और हम यदि दूसरे व्यक्ति को उन मर्मों को स्टिमुलेट करा दें, तो हम सारे के सारे वो जो बेनिफिट है वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो मर्म जो योग के माध्यम से हो सकते हैं। तो ये एक एडिशनल चीज जो हमें योग के विद्यार्थियों को जब मिली, तो हमने वहां से अपनी ये मर्म की यात्रा प्रारंभ की, और एक बहुत बड़ा उत्साह हमारे योग के विद्यार्थियों में रहा। और मैं समझता हूँ कि हमारे योग के हजारों विद्यार्थी पूरे देश में, पूरे विश्व में मर्म के साथ साथ योग के साथ साथ मर्म भी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक 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 टूल एक हमारे पास मिला कि जो जिसको कहते हैं कि इंटेंस और एक तरह से बहुत तेज उपाय हम लोगों को मिला। आज जितने भी योग के लोग हैं, जितने योग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको एक दो बार मर्म देते हैं, उसके बाद वो योग का अभ्यास करने लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घुटने में तकलीफ है और वो क्रॉस लेग नहीं बैठ सकता, पद्मासन में नहीं बैठ सकता, सुखासन में नहीं बैठ सकता, सिद्धासन में नहीं बैठ सकता, यदि हम उसको गुल्फ मर्म का उत्प्रेरण करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको थोड़ी देर के बाद वो अपनी चौकड़ी लगाने लगता है, तो उससे उसको लगता है कि भाई ये कितनी अच्छी चीज है, कितने अच्छे ढंग से उसको करते हैं कर सकता है। तो निश्चित रूप से जो मर्म चिकित्सा ने आयुर्वेद को भी और योग को भी एक नई संजीवनी दी है। और इसी संदर्भों के साथ मैं आपको कुछ स्लाइड्स शेयर करना चाहता हूं, और मैं समझता हूं कि ये जो हमारी मर्म की यात्रा हुई है उसमें योग के विद्यार्थियों का, योग के इंस्टीट्यूशंस का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके द्वारा जब हम लोगों ने इसको किया, बड़े और कैंप्स किए, और साथ साथ चिकित्सा के भी कैंप किए, शिविर किए, उनमें भी देखा कि बहुत सारे ऐसे रोगियों में जिनमें कहीं भी कुछ फायदा नहीं हो सकता था, मर्म चिकित्सा के माध्यम से आश्चर्यजनक रूप से फायदा हुआ। तो उन्हीं कुछ स्लाइड्स के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं कि जब भी मैं यदि किसी चीज के विषय में बताऊं, वो तब तक अधूरी है जब तक कि उसके प्रभावों का वर्णन हम न करें कि भाई ये फायदा करती है। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये माइक है, ये डंडा है, काला डंडा है, इसके बोलने से मैं इसको बंद कर दूं और इसके विषय में आपके डिस्क्रिप्शन करूं कि इससे माइक से बहुत दूर दूर तक आवाज जा सकती है, या ये मोबाइल है इससे मैं अमेरिका बात कर सकता हूं इस काले प्लास्टिक के टुकड़े से, जब तक बात करके ना दिखाऊं तब तक कोई फायदा नहीं। पहले कोई आज से 20 साल पहले, यदि कोई 50 साल 30 साल पहले कोई कहे कि इस प्लास्टिक के टुकड़े से आप कहीं दूसरी जगह से बात कर सकते हैं, तो आप उसके मुंह पे मारते इसको प्लास्टिक के टुकड़े को, झूठ बोलता। ऐसे ही हम लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने ये प्रस्तुतिकरण दिया और लोगों ने इसके परिणामों को देखा, तो सहर्ष स्वीकार किया। और आज पूरा विश्व देखिए, एक ग्लोबल विलेज है, कोई भी अच्छाई है, कोई भी बुराई है, उसको स्वीकार करने के लिए या उसको डिस्कार्ड करने के लिए वो तैयार है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग पहले जाते हैं कि जो जो व्यक्ति इनको देखे और इसके परिणामों को महसूस करे और फिर इसका प्रैक्टिस करे या इसको और स्वीकार करे। देखिए, ये एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स। तो पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर्स के केसेस में जब भी कोई जलता है या कहीं चोट लगती है, तो किसी व्यक्ति में एक टेंडेंसी होती है कि वहां पर एक गांठ बन जाती है जिसको हम कहते हैं, एक तो स्कार होता है जो कि सामान्य रूप से चोट लगने के बाद वहां पे एक निशान बनता है, उसको हम स्कार कहते हैं। यदि ये हाइपरट्रॉफिड होता है तो इसको हम इसको कीलॉइड कहते हैं। तो ये जो कीलॉइड होते हैं ये अपने में बहुत परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। इसमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, जलन होती है और एक तरह का मेंटल स्ट्रेस होता है। और उस जगह पे जहां पे ये बन जाते हैं उस स्थान की मोबिलिटी को कम करते हैं, परेशान करते हैं, वहां पे गांठ सी बन जाएगी, उसको हिलाने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट इसको दिखाइए, एक ऐसा ही पोस्ट बर्न कॉन्ट्रैक्चर का केस है जो नेक में है और तारकोल इनके गिर गया था तो पूरा का पूरा जल गया, गर्दन नहीं हिल सकती थी। और इसमें ये सारी चीजें आदमी सह लेता है, लेकिन इसके साथ साथ जो एपिसोडिक एक तरह से इरिटेशन और ईचिंग, बर्निंग और बहुत परेशानी होती है, उससे आदमी परेशान रहता है। नेक्स्ट, इसी व्यक्ति में हाथ में एक अंगुलिया जल गई तो एम्पुटेशन करना पड़ा और ये जो स्किन ग्राफ्ट किया गया, देखिए यहाँ पे जब भी कोई चीज होती है तो उसके लिए स्किन ग्राफ्ट किया जाता है, यदि कहीं स्किन खत्म हो गई तो स्किन ग्राफ्ट करते हैं, और स्किन ग्राफ्ट भी शरीर के किसी दूसरे हिस्से से लिया जाता है। तो इस व्यक्ति के हाथ में स्किन ग्राफ्ट करने के लिए, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, द ग्राफ्ट वॉज टेकन फ्रॉम द थाई। नेक्स्ट दिखाइए, ये थाई से लिया गया, लेकिन किसी व्यक्ति में
टेंडेंसी होती है कि कीलॉइड फॉर्मेशन की, तो क्या हुआ, यहां से स्किन ली गई और यहां भी कीलॉइड फॉर्मेशन हो गई और परेशानी हो गई। वहां का उपचार तो हुआ नहीं, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जहां से स्किन का ग्राफ्ट लिया वहां से भी इनको कीलॉइड फॉर्मेशन हो गया एंड ईचिंग एंड ईच एंड बहुत सारी परेशानियां। अब इसका भी यदि इलाज क्या है, इसका इस कीलॉइड का इलाज है सिर्फ स्किन ग्राफ्ट, कि कहीं से इसको हटाएं, इस पूरी स्किन को काट के निकालें और इसकी जगह नई स्किन लगा दें, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो वो बहुत परेशान थे, हम लोगों के पास आए, तो हम लोगों ने पैर का गुल्फ, इसको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट, इस स्थान विशेष पर जहां पर ये लीजन है इसके आसपास के मर्म बिंदुओं को स्टिमुलेट करने के लिए हम लोगों ने उसको कहा और देखा कि वो उसको फिर न तो औषधियों की आवश्यकता रही, एंटी एलर्जिक मेडिसिन या स्टेरॉइड की, और वो बहुत सारा फायदा उसको हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे ये मर्म चिकित्सा ऐसे भी केसेस में फायदा करती है जिसमें हम कल्पना नहीं कर सकते कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से इन बीमारियों में कुछ लाभ दिया जा सकता है। नेक्स्ट एक या दूसरा केस है, यह अभी यह तो पुराना केस था, यह अभी एक और केस है। ऐसे सैकड़ों केसेज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेज होते हैं जिनको दिखाकर हम लोग बता सकते हैं कि कैसे प्रभाव होता है। इस ये आप समझिए कि एक हाथ में है और यदि इसका उपचार कराया जाएगा तो वही है, इसमें भी क्या संभावना है कि यदि इसको काट कर निकालेंगे तो 50,000 तो खर्चा प्लास्टिक सर्जरी में लगेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे दोबारा से कीलॉइड फॉर्मेशन ना हो। यदि टेंडेंसी है तो हो सकता है कि जैसे पैर से स्किन ले, पेट से स्किन ले, कहीं से भी ले, हिप से स्किन ले, तो उसमें जहां से स्किन लेंगे वहां पे भी कीलॉइड फॉर्मेशन की संभावना हो सकती है। तो उसने कहा कि भाई कैसे किया जाए, तो इसमें हम लोगों ने कांचनार, गूगल और आरोग्यवर्धिनी, क्योंकि इसलिए देनी पड़ती है, जरूरी इसलिए होता है, सिर्फ कांचनार आरोग्यवर्धिनी से कभी कीलॉइड ठीक नहीं होता, कभी नहीं होता, सालों खाएंगे तो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि इसको हम लोगों ने पहले से देखा है। लेकिन जब हम लोगों ने क्यों देते हैं, देखिए मर्म चिकित्सा के साथ सामान्य रूप से हमें अश्वगंधा, कोई गुगुल, कोई औषधि इसलिए देनी पड़ती है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी बीमारी के लिए मर्म चिकित्सा के लिए बताते हैं, अब तो नहीं है वो स्थिति हम लोगों के साथ, अब तो लोग प्रायोरिटी पे आते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो आता है, लेकिन पहले पहले हम लोगों को इनके साथ औषधियों का सेवन भी इसलिए कराना पड़ता था कि व्यक्ति को लगे कि हमारे हम कुछ औषधि का सेवन कर रहे हैं तो ये कुछ होगा। तो कहते थे कि जैसे औषधि खानी है, इसके साथ साथ जितनी बार औषधि खाएंगे उतनी बार आपको मर्म चिकित्सा करनी है। तो एक सामान्य प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने इस पे भी ये आरोग्यवर्धिनी और कांचनार गुगुलू का इस्तेमाल किया। यदि आरोग्यवर्धिनी कांचनार गुगुल से सारी चीज ठीक हो सकती तो सभी लोग ठीक कर लेते इस चीज को, फिर प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट आप देखें, अब इसके बाद जब यह औषधि का उपयोग किया गया और मर्म चिकित्सा का उपयोग किया गया तो आप इसका परिवर्तन देखेंगे, और परिवर्तन देखेंगे इसको हम लोगों ने करीबन 1-1.5-2 साल तक इसको हम लोगों ने फॉलो किया, और आप यदि उसको देखेंगे कि भाई ये कई वर्षों से उसको था लेकिन इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप इसको स्क्रोल कीजिए आगे, अब आप देख सकते हैं कि इसका क्या परिवर्तन है 1 महीने में 2 महीने में। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप इसकी कल्पना कीजिए, ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज है क्योंकि मैं एक शल्य चिकित्सा का विद्यार्थी हूं और मैं जानता हूं कि इसको बिना स्किन ग्राफ्ट के इसको इस इतने थिकनेस ऑफ स्किन को खत्म नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इसको ठीक कर सकते। लेकिन जब होता है ये ऊपर वाले की देन है, अपना इनहेरेंट पावर ऑफ हीलिंग है बॉडी में, होता है तो उसको स्वीकार करने में भी हमें देर नहीं लगानी चाहिए, और हम लोगों ने उसको स्वीकार किया कि भाई हाँ, और इससे सीखने को भी मिला कि भाई जब ये ठीक हो सकता है तो सारी चीजें वो भी ठीक हो सकती है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आप इस स्थिति को देखिए, जिस व्यक्ति को पता है कि इसमें कहीं चोट लगी थी या यहां पे कीलॉइड था वो इसको एसेस कर सकता है। सामान्य रूप से वो व्यक्ति क्या करता था, अभी पहले फुल स्लीव्स की कमीज पहन के रखता था, अब वैसे भी घूमता, अब हाफ स्लीव की भी पहन के घूमता, उसको पता नहीं चलता, और हाथ में जो ऐंठन होती थी, अकड़न होती थी, खुजली होती थी, जलन होती थी, उससे भी उसको छुटकारा मिला। तो ये समझिए कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से कैसी कैसी बीमारियों को हम लोग सामान्य रूप से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, से वो लास्ट वाली स्लाइड है सबसे अंत में, यदि आपको पता नहीं है तो ऐसा नहीं लगेगा कि यदि पहला केस आपने नहीं देखा तो सामान्य रूप से आप इसकी त्वचा के कुछ विवर्णता को देख सकते हैं, थोड़ा सा हाइपोपिगमेंटेशन है लेकिन कहीं पे भी एलिवेशन ऑफ स्किन नहीं है और कहीं पे भी कोई एक हाइपरट्रॉफी डिस्कार नहीं। नेक्स्ट दूसरी चीज एक हम लोगों ने ट्राई की, देखिए इसको भी वैज्ञानिक रूप से यदि हम देखें तो हम लोगों ने यह सोचा कि भाई कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों के पास आती है जो असाध्य है, जो किसी चीज से ठीक नहीं हो पा रही, उसमें मर्म चिकित्सा को जरूर हम लोगों को प्रारंभ करना चाहिए।
और जब हम लोगों ने मर्म चिकित्सा को प्रारंभ किया तो देखा कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। ये एक लड़की है, 20-22 साल की एक बच्ची, उसको फ्रैक्चर हुआ ह्यूमरस सेफ्ट का, और उसमें ऑनले प्लेटिंग की डाली गई, ऊपर से प्लेट डाली गई, और देखा गया कि जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं उसके बीच में फ्रैक्चर लाइन बनी रही और हीलिंग नहीं हुई। तो दूसरा ऑपरेशन उन्होंने किया गया कि इलियक क्रेस्ट से बोनी चिप्स लिए, यहां से कूल्हे की हड्डी से हड्डी के टुकड़े लेकर उसमें डाले, उसके बीच में किसी बोन ग्राफ्ट लगाया, और फिर भी देखा कि फिर भी उसके बाद उसकी हीलिंग नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि भाई अब इसके बाद इसका एक उपाय बचता है कि इसको हम लोग फिर पुनः इन प्लेट्स को निकालें, स्क्रू को निकालें, उसको दोबारा से दोनों मार्जिन्स को रॉ करें, उसके बाद उसको फिर उसका एक तरह से पास लाकर उसको दोबारा से उसको नेलिंग कर, दोबारा से उसको फिक्सेशन करना, इंटरनल फिक्सेशन करना पड़े। लेकिन उस बच्ची ने हम लोगों को दिखाया और उसको फिर लाक्षादी गुगुल दिया। क्या दिया? लाक्षादी गुगुल, एक एक गोली 3 बार, पहले भी खा चुकी थी, पहले भी जब वो 1-1.5 साल से ठीक नहीं हो रहा तो खा चुकी थी लाक्षादी गुगुल। पुनः लाक्षादी गुगुल दिया कि एक एक गोली 3 बार इसको खानी है, इसके साथ साथ अश्वगंधा की एक गोली खानी है, क्योंकि इसको दिया वो 2-3 बार सब सारे इंस्टीट्यूट देख चुकी थी, मेडिकल कॉलेजेस एम्स देख चुकी थी। उसके बाद उसको यदि हम ये कहते कि भाई तुरंत इससे ऐसा ऐसे दबाओगे तो ठीक हो जाएगा तो विश्वास नहीं। उसको फिर ये किया गया और उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, जस्ट यू कैन सी कि 100% वो नाम भी देख सकते हैं, उसके नाम और उसकी डेट भी देख सकते हैं कितने समय में, लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद उसका जो दोनों फ्रेगमेंट्स हैं वो अपने आप जुड़ गए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि जो मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकती है, और ये इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ हीलिंग, पावर ऑफ हीलिंग इन द ह्यूमन बींग। और ये प्रकृति जो प्रदत्त हमारी रोग निवारण की क्षमता हमारे शरीर में है, उसको हम मर्म बिंदुओं के माध्यम से उत्प्रेरित कर सकते हैं और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आप दूसरी प्लेट देखिए, ये तीसरा जो फाइनल फेज है उसको आप 100% देख लीजिए और उसकी डेट्स को देख लीजिए, जो पहली थी उसके इंटरमीडिएट और लास्ट फिल्म को देखिए, एंड देन यू कैन अप्रिशिएट कि कैसे ये बीच की हड्डी भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से जुड़ सकती है। ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोगों ने पता नहीं कितने केसेस और किए जिसमें हमें लगता था कि ये ठीक नहीं हो सकता, उसको कहा कि भाई इसको, या एक अभी हमारे पास अभी एक केस और है, उसमें लोअर एक्सट्रीमिटी के टिबिया फिबुला दोनों फ्रैक्चर हैं, लेकिन उनकी उम्र 70-72 वर्ष है, और उनको एक कार्डियक लीजन है जिसमें उनको ऑपरेशन करने के लिए मना किया कि भाई इसको ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, इंटरनल फिक्सेशन नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में भी हम लोगों ने जो प्लास्टर किया उसके आसपास के जहां पे मर्म बिंदु, उनको उनके जगह का प्लास्टर काट के उन लोगों को कहा कि इसको स्टिमुलेट कीजिए और उसके बाद उसके परिणामों को और देखने हैं। नेक्स्ट, एक ये तीसरी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कंजनाइटल इक्थियोसिस। बहुत सारे आपने देखा होगा, रेयर है, लेकिन ऐसी बीमारी है कि इसको जैसे अजगर की छाल होती है, खाल होती है, स्किन होती है, और उसके शरीर से आपने देखा होगा जैसे केंचुरी उतरती है, ऐसा ही पूरे शरीर पर निशान होते हैं, पूरे पूरी कमर में, चेहरे पे, हाथ पे, कमर में, पैरों में। ये भी बच्ची 15-16 साल की एक बच्ची, इसको ऑटोसोमल रिसेसिव कंजनाइटल इक्थियोसिस, और इसको बहुत सारे स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट और पता नहीं क्या क्या दवाइयां दी गई, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। बच्ची पूरे कपड़े पहन के रखती थी, गले तक इसको ढक के रखती थी, हाथ पैरों को बिल्कुल ढक के रखती थी, और लगभग ये 6 महीने के बाद आप देखिए उसको कुछ नहीं किया गया, उसको भी आरोग्यवर्धनी और 2-4 ये पहले भी खा चुकी थी कुछ औषधियां, निम्बादी चूर्ण, आरोग्यवर्धनी, इसलिए कि भाई तुम कुछ खाती रहो, नीम की पत्ती पी लो, इसको लगा लो ये, और साथ साथ उसके मर्म बिंदुओं को उत्प्रेरित करने के लिए, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव कंजनाइटल इक्थियोसिस कभी ठीक नहीं होता। ठीक समझ रहे हैं? इसको आप यदि सर्च करेंगे तो आपको इसको पता चल जाएगा कि ये सामान्य रूप से ठीक होने वाली बीमारियां नहीं। इनमें भी मर्म चिकित्सा के माध्यम से वो इतनी खुश है कि बस वो आप बिल्कुल, आप पैरों की स्थिति देख सकते हैं कि वो कैसे ये उसके जीवन में परिवर्तन मर्म चिकित्सा के माध्यम से आया। नेक्स्ट, ये तीनों को हम लोगों ने इकट्ठा लगाया कि जस्ट यू कैन कंपेयर बिटवीन ऑल दीज थ्री। इसको हम लोग अभी भी एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, और कई केसेस तो हम लोग 18-18, 20-20 साल से कर रहे हैं, 20-20 साल से हम लोग उस इन केसेस को फॉलो कर रहे हैं कि एक बच्चा है हमारे पास स्कंद, उस बच्ची के ही इसी बच्ची का है ना, उस बच्चे में जो एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ द फ्यूमर, जब वो 8-10 साल का बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा था, उसका जो कूल्हा है, कूल्हे की हड्डी सूख गई, जो गोला जिसको कहते हैं हेड ऑफ द फीमर को, और उसको ये कहा गया कि भाई इसको
रिप्लेस किया जाना चाहिए, ये ठीक नहीं हो सकता, इसका पैर छोटा हो जाएगा और इसका गोला बदला जाएगा। लेकिन गोला क्यों इसलिए नहीं बदला जा सकता, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, एसिटाबुलम बड़ा होगा, गोला छोटा रह जाएगा। इस समय जो उसका सॉकेट है उसमें यदि आप इसको डालेंगे तो छोटा रह जाएगा। तो इंतजार करना होगा 17-18 वर्ष का, जब ये इसका पूरी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद इसको चेंज किया जा सकता है। उससे पहले एक ब्राजील में कोई टेक्निक होती थी, वहां उसको रेफर किया गया, लेकिन मर्म चिकित्सा उसको नियमित रूप से हम लोगों ने कुछ आयुर्वेदिक औषधियां दी छोटी मोटी इसी ढंग से, जिससे कि ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो जाए, कोई गुगुल कुछ और चीज दिया होगा, अश्वगंधा या कोई चीज दी गई होगी, लेकिन मर्म चिकित्सा निरंतर की गई। और आज हम उसको करीबन 10 या 12 साल से फॉलो कर रहे हैं, एक्सरे उसके लेते हैं, और आज नॉट इवन ए सिंगल मिलीमीटर ऑफ द लेग इज शॉर्टेंड उसकी पैर में, और वो बास्केटबॉल भी खेलता है, सब कुछ खेलता है। जबकि उसको यह कहा गया था कि इसको लिटा के रखिए, कंटिन्यूस इसका ट्रैक्शन दिया जाएगा, पैरों में ट्रैक्शन दे के रखिए इसको, एक लेग में टांग में इसको खींच के रखिए, जिससे कि वो गोला अपनी जगह से हटे और उसको भरने का समय मिले उसको। वो भी यदि कोई इसमें लगी होंगी, मैंने 22 वाली जो एक प्रेजेंटेशन तैयार किया था उसमें लगा रखा था, लेकिन इसमें है नहीं है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन होगी तो मैं दिखाऊं। नेक्स्ट, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस का एक केस है। ये एक सामान्य बताने के लिए कि आप देख सकते हैं कि दायां कूल्हा और बायां कूल्हा, आप जो गोले होते हैं जिसको हम हेड ऑफ फीमर कहते हैं, ये एसिटाबुलम में घूमते हैं और इसी से हम चल सकते हैं, हम अपने पैरों को मोड़ सकते हैं, अपने पद्मासन लगा सकते हैं, वज्रासन लगा सकते हैं, इसमें सब में यही जो ज्वाइंट है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारी कूल्हे की गतिविधियों को करता है। और सामान्य रूप से कोरोना के बाद जब ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत सारा इस्तेमाल हुआ, तो अचानक से बाढ़ आ गई इन केसेस की, ये एवास्कुलर नेक्रोसिस की, इसीलिए इसको लगाया। इतने सारे केसेस हैं इस समय, और जवान लड़के जो मुश्किल से कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 30 साल का, और इसमें सब में एक ही उपाय है कि इसका हिप रिप्लेसमेंट किया जाए। और दर्द भी होता है, आदमी चल नहीं सकता, पैरों को मोड़ नहीं सकता, और यहाँ तक कि जो पैरों के बीच का गैप है, यदि हम उससे कहें कि भाई ये 1 फीट पैरों को फैला सके, तो ऐसे फैला नहीं सकता, और इसकी मूवमेंट इसको उठा नहीं सकता। ये सारी की सारी चीजें होती है, चलने में दिक्कत होती है, एंड अल्टीमेटली देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ द लेग इज देयर, उसकी शॉर्टनिंग होने लगती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक बायलेटरल, एक दोनों कूल्हों में होने की संभावना होती है, एक में हुआ फिर दूसरे में भी हो जाता। तो ऐसे इस समय कोरोना के बाद, और कुछ इन्फेक्शन से हुआ, कुछ स्टेरॉइड के एक्स्ट्रा यूज से हुआ, और ये सबसे ज्यादा एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ जो हेड ऑफ फीमर है, इसके केसेस हम लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारे केसेस इस समय हमारे करंट में है, बट ईच एंड एवरी केस इज इम्प्रूविंग वेरी वेल विद द मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी। सबको दर्द में फायदा और सबको चलने फिरने में सब में सुविधा है। तो उसको अभी हम लोग 3rd, 4th, 6th महीने इसको एक्सरे कराते रहते हैं और उसको देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट इसमें हो रहा है। और आप इसको, आपको मैं बता दूं कि यदि जब हम किसी का भी हिप रिप्लेसमेंट करते हैं, तो इसकी ये माना जाता है कि 10 से 15 वर्ष के बाद पुनः आपको इस हिप रिप्लेसमेंट को दोबारा से करना पड़ता है। तो जीवन में यदि कोई 20 साल का या 15 साल का व्यक्ति है, तो उसको जीवन में कई बार इसको रिप्लेसमेंट को कराना पड़ेगा। लेकिन यदि मर्म चिकित्सा करता है, तो जितने जब तक वो चल सकता है उसको आप लिंगर ऑन कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं, उसको हील कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट व्यू, ऑब्लिक व्यू हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि उसका हेड देख सकते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस है, उसकी जो गोलाई है वो खत्म हो गई है, इररेगुलरिटी इज देयर एंड नेक्रोसिस इज देयर, एवास्कुलर नेक्रोसिस इज देयर। नेक्स्ट, ये सब केसेस। नेक्स्ट, और आगे चलिए। तो ये 3 केस सिर्फ इसलिए दिखाया कि भाई ये डुगडुगी बजाते हैं, जैसे आपने देखा कि मदारी पहले डुगडुगी बजाता है, ठीक है, तो ये डुगडुगी बजाने का मतलब है कि आप जान पाए कि ये उपयोगी है, इसलिए इसको सुनना चाहिए। यदि किसी चीज का उपयोग नहीं हो, सिर्फ भाषण ही भाषण हो, कोई थ्योरी हो, तो उसको समझने की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हम लोग मानते हैं कि क्यों मर्म के विषय में जानना चाहिए, इसलिए मर्म के विषय में जानना चाहिए कि क्योंकि ये हमारे शरीर के वो महत्वपूर्ण स्थान है जिन पर प्राण की ऊर्जा का केंद्र होता है, और इसमें पूंजीभूत जो प्राण है वो केंद्रित होते हैं, मीन्स कंसंट्रेशन है इसमें इन बिंदुओं पर। और आज हम जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, अनमा, मॉक्सीबस्टन, सेस्टू, कैंपू, जितने भी ओरिएंटल मेडिकल साइंसेज की बात करते हैं, वो तो चाइनीज सिस्टम है और उसमें कहीं भी एक रूपता नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी एक्यूप्रेशर में कोई कहता है यहां पर दबाना चाहिए, कोई कहता है यहां दबाना चाहिए, कोई कहता है यहां दबाना चाहिए, लेकिन
जो मर्म चिकित्सा है, देखिए हम बार बार कहते हैं कि मर्म चिकित्सा अपनी वैदिक चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का एक अवसर है। हम क्यों दूसरे की बात करें, हम ये बात मान के चलें कि भाई यदि अधिपति है, यदि हमने यहाँ पे तिलक लगाया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज है, यदि हमने यहाँ पे चोटी रखी है तो यहाँ पे कुछ चीज है, यदि माताएं यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं सिंदूर लगा रही तो यहाँ पर कोई चीज है, यदि हम किसी अंगन्यास और करन्यास के माध्यम से यदि अपने अंगों का स्पर्श कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कोई चीज है। भले ही वो एक सूत्र रूप में रही, लेकिन जब हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर किया तो देखा कि यही तो चीजें हैं, कोई नई चीज थोड़े। तो उस चीज के लिए भी लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेफिनेशन द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर वेरी वल्नरेबल टू द ट्रॉमा नोन एज मर्म, जो चोट लगने पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी व्यक्ति की आपने देखी है कि कोई चोट लगती है तो किसी को तो देखते हैं कि कई हड्डियां टूट गई हैं, मांस फट गया है, सिर फट गया, खून निकल रहा है, लेकिन वो जिंदा रहता है। और कई आपने देखे होंगे कि थोड़ी सी चोट लगी, पता लगा मर गया, और कहीं कोई बाहर से कोई चोट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, उसके मर्म बिंदु पर आघात हुआ। और मर्म यदि आघातित होते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। ये हम लोगों ने पता नहीं 200 बार देखा है, और हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन यहाँ पे चोट है, तो निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हम लोग मान के चलते हैं। ऐसे कई केसेस हमारे गुरुकुल गांगड़ी विश्वविद्यालय में, एक हमारे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति था, हाथ में हीलिंग सब चीज ठीक ठाक हो गई लेकिन उस जगह पे चोट थी। उसका उपाय क्या था कि यदि लिखा है कि यदि तल हृदय मर्म पर आघात होगा तो व्यक्ति की मृत्यु होगी, यदि यहां पर यदि बिल्कुल आर पार हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु होनी। तो बचेगा कैसे, बचने का साधन लिखा है महर्षि सुश्रुत ने लास्ट अपने पूरे जो उत्तर तंत्र है उसके लास्ट में लिखा है कि यदि व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए या पैर काट दिया जाए तो तल हृदय जो मर्म है उसके आघात से व्यक्ति की मृत्यु को बचाया जा सकता है। तो उसका भी उपाय लिखा है उन्होंने। और मर्मों की चिकित्सा, हम लोग कहते हैं मर्म के आघात की चिकित्सा मर्म के माध्यम से ही हो सकती है। यदि किसी मर्म पर चोट लगी है तो मर्म के दूसरे मर्मों को उपचारित करके हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा विज्ञान हम लोगों को समझ में आया। तो नेक्स्ट आप दिखाइए। तो एनी ट्रॉमा टू दीज प्लेसेस मे लीड टू डेथ और मेनी अदर कॉम्प्लिकेशंस रिगार्डिंग द फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड द एनाटॉमिकल कॉन्फिगरेशन। देखिए जब भी कोई चोट लगती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो बच्चे कभी पैदा होते हैं, जो छोटा बच्चा पैदा होता है, फोर्सफुल डिलीवरी होती है, बच्चे को घर में पैदा करते हैं तो दाई या जो खींचते हैं तो उसका कभी कभी हाथ खींच जाता है, तो आपने देखा होगा कि एक हाथ उसका चलता नहीं, इसको हम अर्व्स पेरेसिस कहते हैं। ये ब्रैकियल प्लेक्सस में एक पॉइंट होता है जिसको अर्व्स पॉइंट कहते हैं, और यदि उस पर इंजरी होती है तो अर्व्स पेरेसिस होती है उसका, ये हाथ बिल्कुल ठीक होता है, इतना हाथ चलता है, लेकिन जो एबडक्शन है, एडक्शन है, सर्कमडक्शन है और इसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये बिल्कुल हाथ काम नहीं करता, ऐसे ही रहेगा उसका हाथ। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये हाथ तो बिल्कुल ठीक है, एनाटॉमिकली तो ठीक दिख रहा है, शरीर के रूप में तो ठीक दिख रहा है कि हाथ बिल्कुल ठीक है, उसकी ऊपर बाहु ऊपरी जो अग्रबाहु है वो भी ठीक है, जो उसका कुरपर है संधि वो भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं करता, तो इसका मतलब उसकी कैसी डेथ है, फिजियोलॉजिकल डेथ है। तो डेथ को भी हम लोगों ने डिफाइन किया दो तरह से, एक में तो बिल्कुल हाथ सूख गया, हाथ काम नहीं कर रहा, मुड़ गया, एकदम लुंज हो गया, उसको हम एनाटॉमिकल डेथ कहते हैं, और यदि फंक्शनल डेथ है तो उसको हम फिजियोलॉजिकल डेथ कहते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं मर्म पे आघात से, इसलिए आपको समझना चाहिए कि यदि शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा तो निश्चित रूप से उस स्थान के मर्म प्रभावित हुए हैं और उससे ये जो कॉम्प्लिकेशन हुए उससे हुए। नेक्स्ट, तो हम लोगों को ये सिखाया जाता था, बार बार पढ़ाया जाता था, सो ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन और द पैरा सर्जिकल इंटरवेंशन वन हैज टू टेक केयर ऑफ दीज वाइटल पॉइंट्स। जब भी हम ऑपरेशन करते हैं कि चीरा कहाँ पे देना है तो इसको बचा के देना है, कभी भी जहां पे कोई चोट लगनी है तो इसको बचानी। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, जब आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग के लिए आदमी जाता है तो सिर पे हेड गार्ड पहनता है, और नाक पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक मर्म होता है जिसको सिंघाटक मर्म कहते हैं, और ये सिरा मर्म है, और ये कहा गया है यदि सिंघाटक मर्म पे चोट लगेगी तो सद्य मृत्यु होगी उसकी। तो आपने देखा होगा कि नाक के ऊपर भी आपने गार्ड एक यहाँ पे पहनते हैं, सिर पे गार्ड पहनते हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं वो क्या करते हैं, सिर पे हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं, यदि उन पर चोट लगती है तो मृत्यु हो जाती है। आपने देखा है कि जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं, मोटरसाइकिल बाइक ड्राइव करते हैं, तो डेफिनेटली क्या पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। नहीं पहनते तो क्या है, नहीं पहन सकते थे, क्या दिक्कत है, जब सारा शरीर नंगा तो सिर भी रहे तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि वहां पे मर्म बिंदु होते हैं, उन पे चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट, ये कुछ आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि भगवान राम और रावण के युद्ध में
तीर से कहां पे निशाना मारा गया? नाभि पे मारा गया। और यह कहा जाता है कि नाभि एक मर्म स्थान होता है, और विशेष रूप से योग में तो नाभि जीवन का केंद्र है। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि इसी में से सारी नाड़ियों का 72,000 जो नाड़ियां हैं वो नाड़ी से ही, ये नाभि से ही होती हैं। और ये माता के गर्भ में जब हम लोग रहते हैं तो इसी से हमें पोषण मिलता है, और यही हमारी ऊर्जा का केंद्र है। सोलर प्लेक्सस भी हम इसको कहते हैं, नाभि का केंद्र भी कहते हैं, मणिपुर भी कहते हैं, और बहुत सारे संदर्भ इसके संबंध में है, बहुत सारे रेफरेंसेस इसमें मिलते हैं कि कहां ये महत्वपूर्ण होती है। इसको यदि मैं आपको एनाटॉमिकली या सर्जिकली डिफाइन करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, जो हमारी ये सामने की जो पेट की जो दीवार होती है, इसमें बहुत सारी मसल्स होती है, और इसमें रेक्टाई मसल्स होती है, दो मसल्स होती है, ये मोटी मोटी ये मसल्स होती है, और ये दे आर इनकैप्सुलेटेड विद द एंटीरियर रेक्टस सीथ एंड द पोस्टर रेक्टस सीथ। सीथ होती है इसमें एक चमड़े एक एक तरह से बिल्कुल एकदम मोटी सी झिल्ली होती है जिसके अंदर एक रेक्टाई इधर होती है, एक रेक्टाई अदर होती है, बीच में लीनिया एल्बा होता, एक रेखा होती है, और उसी के बीच में नाभि होती। जब भी हम देखें कि भाई यदि यहां स्टैब हो गया, यदि कोई या चाकू लगे या कोई चोट लगे अंदर, तो क्या होगा? सबसे पहले स्किन होगी, फिर उसके नीचे फेशिया होगा, उसके नीचे हमारी रेक्टस सीथ होगी, फिर मसल होगी, फिर पोस्टर रेक्टस सीथ होगी, देन वी आर एबल टू एंटर इनटू द सिलोमिक कैविटी और द पेरिटोनियम, और उसमें तब हम एंटर हो पाएंगे। लेकिन यदि नाभि में भी आप छोटी सी सुई भी आप यदि नाभि में ऐसे घुसाएंगे तो डायरेक्टली वी आर एंटरिंग इनटू द सिलोमिक कैविटी, आंतों तक सीधे पहुंच जाएंगे। जब भी हम लोगों को इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है तो हम लोग ये राइट पैरामीडियन इंसिजन से नहीं खोलते, या लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन से नहीं खोलते। सामान्य रूप से जब हमें गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है तो या तो हमें काउचर ये क्या कहते हैं सबकॉस्टल इंसिजन देना होता है, या राइट पैरामीडियन इंसिजन से करते हैं। यदि हमें स्टमक के या दाई तरफ के बाई तरफ के करने हैं तो लेफ्ट पैरामीडियन से इंसिजन देते हैं। लेकिन यदि हमें इमरजेंसी में करना है तो क्या करते हैं, जीफी स्टर्नम पे चाकू रखते हैं और नीचे से सीधे नीचे तक खोल देते हैं, जिसमें क्योंकि वो इट इज ए ब्लडलेस फील्ड, और उसमें हमें ना तो मसल्स को हटाना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, सीधे हम बीच में खोल के तुरंत हम एब्डोमेन में जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इफ यू आर पेनिट्रेटिंग द अम्बिलिकल पार्ट, अल्टीमेटली जस्ट यू आर एंटरिंग इनटू द सिलोमिक कैविटी और द पेरिटोनियल कैविटी इंस्टेंटली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये एक मर्म स्थान है, और इसका प्रमाण लगभग 4 अंगुल प्रमाण बताया गया, एक मुष्टि का प्रमाण बताया गया। ठीक है, एक मुट्ठी प्रमाण इसका होता है। तो आप लोगों ने देखा कि मर्म के माध्यम से हम औषधियों को भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। आप ये जो हम जो बाहर के मार्ग है, जैसे आंखों से दवाई हम देते हैं, देखा आपने आंखों से दवाई देते हैं, कान से दवाई देते हैं, नाक से दवाई देते हैं, मुंह से दवाई देते हैं, टट्टी के रास्ते से दवाई देते हैं, गुदा के रास्ते से देते हैं, मूत्र के रास्ते से देते हैं, और वैजाइना के रास्ते से देते हैं, योनि मार्ग से देते हैं। ये सारे मार्ग जो नवद्वार है इनसे औषधियां दी जाती हैं। लेकिन मर्म के माध्यम से भी दवाई दी जा सकती है, ये भी अपने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है तो माता क्या करती है, हींग का लेप लगाती है, तो नाभि पे और नाभि के चारों तरफ। तो कितना लगाती है, जहां पे 4 अंगुल प्रमाण है, जहां नाभि के चारों तरफ, सिर्फ नाभि पे लगाएंगे तो फायदा नहीं होगा। यदि आप नाभि पे तेल लगाते हैं तो क्या करते हैं, योग में हम नाभि पे तेल लगाते हैं, नाभि के चारों तरफ लगाते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम मर्म के माध्यम से भी औषधि का प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे ही जहां पे हम यह तिलक लगा रहे हैं, यह तिलक कहां पे है, ये आज्ञा चक्र पे है, और यह स्थपनी मर्म है। स्थपनी मर्म पर के माध्यम से भी आप ये औषधि का या इसमें रेज का, जो हमारी सूर्य की किरणें होती हैं, इनको हम शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो ये मर्म के माध्यम से भी औषधियों का प्रवेश हो सकता है, तो ये भी अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नेक्स्ट, दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, और ईश्वर ने भी जो है मर्म के महत्ता को स्वीकार किया और शरीर छोड़ दिया। तीर कहां पे लगा देख रहे हैं, ये फोटो मेरा नहीं बनाया हुआ, ये कहां बना हुआ, ये किसी भी पिक्चर बुक का एक फोटो है, और आप देख सकते हैं कि पैर में जहां पे लगा यहां पे एक तल हृदय मर्म होता है। कौन सा मर्म होता है, तल हृदय। और तल हृदय मर्म कितने होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, 2 हाथों में होते हैं, 2 पैर में होते हैं, और एक हृदय हमारे उरु प्रदेश में होता है। और महर्षि कश्यप ने कश्यप संहिता में कहा कि मनुष्य के शरीर में 5 हृदय होते हैं, और ये जो 4 हृदय हैं वो क्या है, ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक से इन हृदयों के इनके माध्यम से आप जो हृदय है, और हृदय कैसे आयुर्वेद में या योग में हम 2 चीजों का बोध करते हैं, एक हृदय का बोध करते हैं और एक मस्तिष्क का बोध करते हैं। हृदय उसको कहते हैं जो किसी चीज को ग्रहण करता है, रोकता है और छोड़ देता है, उसको हम हृदय कहते हैं। हृदय का क्या काम है, हम खून रिसीव करते हैं, गंदा खून लेते हैं,
थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, फिर उसके बाद उसको इंजेक्शन वापस वापस भेज देते हैं, दूसरे चैनल में भेज, एक चैनल से लेके दूसरे चैनल में भेजते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हृदय। हाथ का काम क्या है? हम कोई चीज लेते हैं, रोकते हैं, उसको फिर दे देते हैं, तो इसलिए इसको हृदय कहा। पैर को हृदय क्यों कहा? पैर से हम जमीन का कोई हिस्सा थोड़ी देर के लिए एक कदम लेते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो इसको हृदय कहा। तो इसे ये जो चार हृदय हैं, इनको रिमोट सेंसिंग टेक्निक हम लोग कहते हैं, कि दूर से हमने रिमोट के माध्यम से अब हम इसको कंप्यूटर को डील कर सकते हैं, यहां से हमने बटन दबाया और वहां से स्लाइड आगे पीछे हो गई। ऐसे ही इन चार तल हृदयों के माध्यम से हम हृदय और मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित भी कर सकते हैं, इसको उत्प्रेरित भी कर सकते हैं, और इसमें यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नासा में यदि जो हमारे जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, उनका प्रबंधन या उनका नियंत्रण कहां से होता है? थुम्बा से होता है या फिर वहां नासा से होता है, ठीक है, वो वहीं से उसको ठीक कर लेते हैं। अब मुझे पता चला है कि यहाँ जो बहुत सारी मशीनें हमारे पतंजलि में लगी, आचार्य जी बता रहे थे कि भाई यदि कोई खराब होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है, इनको ये वहीं से वो ठीक कर लेते हैं, ठीक है, पता चल जाता है कि इसमें कौन सी गड़बड़ी है, इसमें क्या ठीक करना, तो ये पता चल जाता है। तो ऐसे ही ये क्या है? रिमोट सेंसिंग टेक्निक है कि हमारे हाथ पैरों में वो मर्म स्थान होते हैं और उनके माध्यम से हम हृदय की गतिविधि को भी प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क की गतिविधि को भी प्रभावित करते हैं, और उनमें जो गड़बड़ी हो रही है उसको भी ठीक करते हैं। तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ये मर्म की जो प्रधानता है उसको सिद्ध करने के लिए ये एक भगवान श्री कृष्ण का एक उदाहरण आप लोगों को दिया। नेक्स्ट, तीसरा उदाहरण जो जीसस क्राइस्ट का, इनमें क्रूसिफिकेशन कहते हैं कि सूली पर चढ़ा दिया था, और सूली पर चढ़ाने का मतलब क्या? चारों हाथ पैर पे उन्होंने कील ठोक दी और लटका दिया इस पे, और खत्म हो गया शरीर, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि तल हृदय मर्म पे चोट लगी तो शरीर ठीक, तो चार चारों की चार तल हृदय खत्म हो गए, तो उस मृत्यु हो गई। तो ये हमारी जो शास्त्र की अवधारणा है उसको पुष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण है, क्योंकि हम समझ सकें कि भाई हाँ, ये हमारे शास्त्र में लिखा है कि तल हृदय मर्म पे आघात होगा तो मृत्यु होगी, तो ये उसके जीवित उदाहरण, एक तरह से प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसलिए इनको आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया। नेक्स्ट, ये देख सकते हैं कि ये जो तल हृदय है इससे कितने इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रक्ट होते हैं, डैमेज होते हैं, और ये कैसे पूरे शरीर की जो कार्य प्रणाली है उसको बाधित करते हैं और कैसे मृत्यु का कारण बनते हैं, ये उसको दिखा रहा है, इंजरी टू द तल हृदय। अब इसके ऊपर जो दूसरा है, इससे ऊपर एक और मणिबंध होता, जो मणिबंध, मणि किसे कहते हैं? मणि कहाँ होती है? मणि सिर पे ही होती है। मस्तिष्क को भी मणि कहा गया है। यदि मणि के मस्तिष्क के कार्यों की को संचालित करना, सुचारू रूप से चलाना, यदि उसको बांधना है, बांधने का मतलब है कि नियंत्रित करना, मणि बंध का मतलब क्या? उसको बांधना। बांधने का मतलब यह नहीं होता कि उसको उसका दम घोट दीजिए, ऐसा नहीं, बांधने का मतलब होता नियंत्रित करना। यदि हम मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करना चाहते हैं कि वो कार्य अपने से, गुस्सा ना आए, बहुत ज्यादा गुस्सा ना आए, गुस्सा आना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा ना आए, उससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े, कोई बहुत ज्यादा जो मेंटल एक्साइटेशन ना हो, बहुत ज्यादा वो तकलीफ ना हो, उन सभी के लिए मणिबंध मर्म होता है। और आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे कैसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। अल्टीमेटली जो भी चीज नर्व है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो किसी ना किसी नर्व से संचालित होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि लगभग 72 करोड़ नाड़ियां होती हैं, सुना है आप लोगों ने, आप तो जानते हैं, लेकिन किसने गिना और कैसे, क्या क्या कल्पना हो सकती है कि हो सकती है 72 करोड़? निश्चित रूप से हो सकती है। देखिए, ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हैविंग इट्स ओन ब्लड सप्लाई, बिना खून की नली के कोई भी ऑर्गन नहीं है, एक एक मसल का रेशा रेशा उसकी ब्लड सप्लाई होती है, तभी जाके वो जिंदा रहता है। और जो खून की नली है वो बिना नर्व सप्लाई के जिंदा नहीं है, समझ लीजिए मेरी बात, और वो जो छोटी छोटी नर्व सप्लाई है वो भी बिना खून की नली के जिंदा नहीं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक माइन्यूट सिस्टम है, और उस सिस्टम को ही में प्राण की ऊर्जा चलती है, जो हमारी वाइटल एनर्जी चलती है, उसी से दोष संतुलित होते हैं, उसी से हमारे जो पंच महाभूत है वो संतुलित होते हैं, और वही हमारे जितने भी पंचवायु हैं, आयुर्वेद में हम 5 वायु की बात करते हैं, योग में हम 10 वायु की बात करते हैं। जैसे हम षोडश मातृका का पूजन करते हैं, इसमें 8 मातृकाएं होती हैं, षोडश मातृका का पूजन होता है, जब भी हम यज्ञ हवन करते हैं तो षोडश मातृका का पूजन करते हैं, लेकिन जब हम मातृका की बात मर्म के रूप में करते हैं तो 8 मातृकाएं होती हैं। जैसे कि
योग में 10 वायु होती है, तो आयुर्वेद में हम कितनी वायु मानते हैं? 5 वायु मानते हैं, 5 मुख्य वायु मानते हैं, उसकी 5 उपवायु मानते हैं, और उपवायु को भी उन्हीं वायु के माध्यम से एक तरह से ठीक किया जा सकता है शरीर के। और इसी ढंग से जो हमारा पंचकोश है वो भी इसी मर्म की ऊर्जा के माध्यम से इसको भी हम लोग उपचारित कर सकते हैं विभिन्न कोशों को। ये एक अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, ये आयुर्वेद और योग के मध्य की एक कड़ी है, और मैं समझता हूँ कि ये इतनी महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद के पक्ष से देखें तो स्थूल दिखाई देती है, और यदि हम योग के पक्ष से देखें तो बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दिखाई देती। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि हम मर्म की बात करें तो हमारे पास कुछ मर्म स्थान होते हैं जो 6 चक्रों के स्थान पर होते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे चक्र दिखाइए तो आप दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, आप अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, अपने अपने चक्रों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं दिखा सकते। लेकिन आप मुझे कहिए कि इसके सापेक्ष मर्म दिखाइए तो मैं दिखा दूंगा तुरंत। ये बताऊंगा सबसे पहले ये क्या है, अधिपति है, ये क्या है स्थपनी है, ये क्या है श्रृंगाटक है, जहां जाए ये क्या है इसमें, यहाँ मातृका मर्म है, ये क्या है हृदय मर्म है, इसके बाद नाभि मर्म है, इसके बाद ये हमारा जो वस्ति मर्म है, इसके बाद गुदा मर्म है, तो सारे के सारे एक दूसरे के सापेक्ष है, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। हम जब स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा कर रहे हैं तो ये मर्म बीच में खड़ा है, इधर से देखेंगे तो सूक्ष्म दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखेंगे तो स्थूल दिखाई देगा, लेकिन ये बीच की एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जो आयुर्वेद और योग को ऐसे जोड़ती है कि दोनों एक दूसरे का हिस्सा बन जाते हैं, तो ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, तो दूसरा ये एक और विषय है जिसमें आपने श्रवण कुमार को देखा होगा और ये भी सुना होगा कि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के तीर के लगने से हुई थी, और कहां पे हुई थी, जहां पे आज्ञा चक्र है लिखा है उसमें फोटो में बनाई, ये भी फोटो मेरी बनाई हुई नहीं है, ये भी फोटो हम लोगों ने कहीं से ली। तो ये कहां पे है, यहां पे चोट लगी थी, देखिए इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे मरे कैसे, हे राम कहा या जो भी इनके मुंह से निकला, और उसके बाद तुरंत उनका क्या निकाल दिया गया, तीर को तुरंत निकाल दिया गया, तुरंत मृत्यु हो गई। इसको कहा जाता है विशल्यग्न मर्म। देखिये ये सारी की सारी चीजें हमें विज्ञान सिखाती हैं, हमारे अपने शास्त्र के प्रति श्रद्धा पैदा कराती हैं। विशल्यग्न मर्म उसको कहते हैं कि जब जिस स्थान पर यदि शल्य लगा हो यदि हम उसको निकालें तो तुरंत वायु के क्षय से मृत्यु तुरंत हो जाती है, और यदि वहीं पर लगा रहे और अपने आप धीमे धीमे भर के निकल जाए तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। तो यदि इस स्थिति में तीर को वहीं छोड़ दिया जाता तो श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यह विशल्यग्न मर्म है। इससे हमें क्या सिद्ध हुआ कि हमारे जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य लिखा है, और इससे हमें अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होती है और उस पर आगे कार्य करने का एक हमें एक मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, अभी तक हमने आपको बहुत बात बताई हजारों साल पुरानी, आप कहेंगे तो पुरानी बातों को बदल लेके पीट रहे हो, नई चीज बता रहे हैं हम आपको। फिलिप ह्यूज, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, कनपट्टी पे यहां पे चोट लगी, बाहर कोई चोट नहीं है और डेथ हो गई उसकी, क्यों, क्योंकि वहां पे शंख मर्म होता, यहां पे एक वाइटल पार्ट होता है, मर्म पे चोट लगी, मर्म पे चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई वहीं क्रिकेट ग्राउंड पे, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंडियन क्रिकेटर रमन लांबा, इनकी भी मृत्यु ऐसे ही हुई, ढाका में बॉल लगी और बॉल लगने से उनकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये महत्वपूर्ण मर्म बिंदु है, यदि इन पर आघात होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा। नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी चोट लगी होती है, फ्लायर चेस्ट होती है, या पसलियां टूट गई या हाथ की हड्डी टूट गई, पैर टूट गया, को लटका दिया, लेकिन व्यक्ति जिंदा रहता। लेकिन कई स्थिति में क्या होती है, सम पीपुल गेट एक्सटेंसिव आउटसाइड इंजरीज, दे बिकम हेल्दी आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, इलाज करेंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन कई चीज क्या होंगे कि हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत छोटी चोट है, और एक छोटी चोट और कॉमन है, जैसे कहीं कोई ऊपर हार्ड सर्फेस है कोई चीज है, व्यक्ति नीचे ऐसे उठे, तेजी से टकराए, जो जिसको हम सहस्त्रार कहते हैं, जिसको हम अधिपति मर्म कहते हैं, उस पर चोट लगेगी, आदमी पता लगा खत्म हो गया तुरंत, ठीक है, उसी समय मर गया, या थोड़ी देर के बाद उसको ले गए तो बाहर से कुछ नहीं लगता, इंटरनल हेमरेज होता है, इंटरनल डैमेज होता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या, ये मर्म सुरक्षित तो शरीर सुरक्षित। और ये कहा जाता है कि यदि हम किसी पेड़ के पत्तों को तोड़ लें, फलों को तोड़ लें, पुष्पों को तोड़ लें, उसकी शाखाओं को काट लें तो पेड़ सूखता नहीं है, यदि हम उसकी जड़ को काट दें तो पेड़ सूख जाता है। ऐसे ही यदि शरीर का अंग अंग भी टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, व्यक्ति जिंदा रहता है, यदि उसके मर्म सुरक्षित है तो व्यक्ति सुरक्षित है, और यदि मर्म आघातित है
तो और चीजों को जरूरत नहीं, आपको पेड़ के पत्तों को काटने की जरूरत नहीं, उसके जड़ को काट देंगे तो पत्ते भी सूख जाएंगे, पत्ते भी मर जाएंगे, उसके फूल भी मर जाएंगे, उसके फल भी खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये मर्म जो है हमारे पूरे जो शरीर है उसकी एक मूल है और बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हम लोग कहते हैं कि जो मर्म चिकित्सा जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, मर्म चिकित्सा के नाम से सामान्य रूप से कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी, तो मर्म चिकित्सा ही इसको नाम दिया क्योंकि मर्म के माध्यम से की जाने वाली चिकित्सा को मर्म चिकित्सा कहा। और लोगों ने कहा यह चिकित्सा कैसे है, कैसे तुम नई चिकित्सा बता सकते हो? तो हम लोगों ने कहा कि या क्रिया व्याधि हरणी सा चिकित्सा निगद्यते, जो भी क्रिया व्याधि का हरण करती है उसको चिकित्सा कहते हैं। तो यह चिकित्सा इसके माध्यम से यदि हम किसी व्याधि को ठीक कर रहे हैं तो चिकित्सा की परिभाषा के अंतर्गत आती है, इसलिए यह चिकित्सा है। ठीक है, इसको कोई और नाम दिया जा सकता था। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि भाई इसका बहुत सारा नाम, कुछ नाम दे दीजिए, इसके सेंटर खोल लीजिए और कुछ पैसे कमा लीजिए, बहुत सारी बहुत इसका पोटेंशियल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़े, इसको अपने नाम से पेटेंट करा लीजिए। तो जैसे आग का, पानी का, धूप का, हवा का पेटेंट नहीं, तो इसलिए मर्म चिकित्सा का पेटेंट नहीं है। तो क्या है कि जैसे आपने एक टेलीविजन खरीदा और मोबाइल एक आप रिमोट आपके पास आ गया, रिमोट से यदि आप उसका बटन दबा रहे हैं और उसमें कोई चीज दिखाई दे रही, तो उसमें कुछ उस बच्चे का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं है ना? वो तो बटन दबा रहा, तो ना तो उसकी टेलीविजन बनाने में उसका कंट्रीब्यूशन है, ना उसकी टेक्नोलॉजी में उसका वो है। तो ये तो चाहिए, तो इनहेरेंट पावर ऑफ हीलिंग है शरीर के, मनुष्य के शरीर में उसकी पावर है, उसको आप दबाएंगे तो ठीक होगा और नहीं दबाएंगे, गलत जगह करेंगे तो ठीक नहीं होगा। चाबी को यदि ताले में सही जगह लगाएंगे तो ताला खुलेगा, अन्यथा ताला खराब हो सकता है लेकिन ताला खुलेगा नहीं। ऐसे ही मर्म का आइडेंटिफिकेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम ये मान के चलते हैं कि मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ द हीलिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति यदि है औषधि विहीन, इसको नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग भी हम लोग कहते हैं, यह आयुर्वेद से भी पहला है, योग से भी पहला, सबसे पहला। जब कुछ नहीं था तब यह शरीर था, और कौन सा शरीर था? षडंग शरीर। यदि हम अष्टभुजा की बात करें, पंचमुखी की बात करें, यदि हम दशानन की बात करें, उसमें इन मर्मों की चर्चा नहीं की गई। किसमें की गई है? जो षडंग शरीर है जिसमें चार हाथ पैर हैं और एक सिर है और एक धड़ है, उसके 107 मर्मों की चर्चा की गई है। और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, दुनिया की, यूनिवर्स की सबसे। और इसको हम लोग कहते हैं इट इज द यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम का मतलब सार्वभौमिक और सार्वकालिक दोनों। सार्वभौमिक का मतलब क्या, सारे यदि अमेरिकन है उसमें भी इतने ही मर्म है, यदि चाइनीज छोटा है तो उसमें भी इतने ही मर्म है, पाकिस्तानी से हमारा झगड़ा है, ये थोड़ी कि उसमें दो चार मर्म कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसमें भी उतने ही मर्म है। तो ये सार्वभौमिक है कि एक ही तरह से, और सार्वकालिक का मतलब पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। चिकित्सा पद्धति खत्म नहीं होगी, और चीज खत्म हो सकती है, योग नहीं खत्म होगा, आयुर्वेद खत्म नहीं होगा, मर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो हम कंपेरिजन करते हैं, ये यदि मैं आयुर्वेद को 5 से 10 हजार वर्ष का कह रहा हूं तो ये किसके हिसाब से कह रहा हूं? अंग्रेज अंकल के हिसाब से कह रहा हूं। ठीक है, ये अनंत काल से आयुर्वेद है, अनंत काल से योग है, ये तो इन्होंने लिखा है तो ये लिखना पड़ता है, नहीं तो आदमी कहता है कि भाई ये तो प्रेजेंटेशन हर जगह देने पड़ते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं। जो अरेबियन मेडिकल सिस्टम है वो कितना साल का? पूरा इस्लाम 1400 वर्ष का है, तो इसका मेडिकल साइंस को भी हम कहें 1400 साल से पहले की तो हो ही नहीं सकती, उसके बाद की विकसित हुई होगी। एलोपैथिक साइंस की बात करते हैं तो नॉट मोर देन 300 ईयर्स, 200-300 साल पुरानी। होम्योपैथिक भी हम 150 साल का मानते हैं। और ऐसे ही दुनिया की बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां होती रहती हैं, आपने देखा होगा कभी कुछ होती है उसके बाद कुछ दिन चलती है उसके बाद खत्म हो जाती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट करिए, उसको हम लोग कहते हैं कि मैनी अदर फोक मेडिकल साइंसेज सिस्टम्स वर प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ग्लोब टाइम टू टाइम बट दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस टूडे। आज वो चिकित्सा पद्धतियां हमारे उसमें नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा गौरव है कि आज हमारे पास पूरे विश्व की जो सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, चाहे वो योग के रूप में है, आयुर्वेद के रूप में है, मर्म के रूप में है, वो हमारे साथ है और आज वो प्रचलित है। देखिए, कोई भी चीज ऐसी होती है कि जैसे हमारे पास, यदि आपने देखा हो कि यदि हमारे पास कोई दाल बनाने की पुरानी वो रखी है, बटोही रखी है, बड़ी बड़ी सी पीतल की, बहुत भारी है, आपके किसी काम की है वो? आपने कहाँ रखी है वो? ऊपर किसी जगह टांड में डाल के रखी है। ठीक है, आप किस में खाना बना रहे हो? या तो कढ़ाई में बना रहे हो या फिर आप कुकर में बना रहे हो, तो आपके किसी काम की नहीं। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, योग की चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं कि हमने कहीं सिर्फ नामचारे के लिए रखी है, ये प्रैक्टिसाइज की जाने वाली चिकित्सा पद्धतियां हैं। इसलिए हमें गर्व से कहना चाहिए कि ये मेडिकल साइंसेस आज भी उपयोग में है और
बिना राजाश्रय के भी आज जिंदा हैं, तो इसका मतलब क्या, इनका पोटेंशियल इनको जिंदा किए हुए, समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हजारों वर्ष की जो हमारी दास्ता थी उसके बाद उन्होंने उसको पूरी तरह से नष्ट करने का प्रयास किया, योग को हो चाहे आयुर्वेद को हो। और दूसरी चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई मेडिकल साइंस होती है, कोई साइंस होती है, तो उसकी कुछ बेसिक साइंसेज होती हैं और कुछ अलाइड साइंसेज होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। बेसिक साइंसेज का मतलब होता है जिन पर वो विज्ञान आधारित होता है उनको बेसिक साइंस कहते हैं। जैसे यदि हम एलोपैथी की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसके साथ साथ जो हम बायोलॉजी है, ये इसकी क्या, कौन सी साइंसेज है, इसकी बेसिक साइंसेज है। एलाइड साइंसेज क्या है, उसकी फार्माकोलॉजी है, इसकी पैथोलॉजी है, इसकी रेडियोलॉजी है, ये सारी की सारी क्या है, एलाइड साइंसेज है। देखिए एक्सरे मशीन कोई एलोपैथी है क्या, स्टेथोस्कोप क्या कोई एलोपैथी है? देखिए आयुर्वेद का व्यक्ति होने के साथ साथ मैं इस माइक का प्रयोग कर सकता हूं, तो एक्सरे का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है, एमआरआई का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? तो बेवकूफी की बात है जो लोग बेवकूफों की जैसी बातें करते रहे और उनको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। भारत सरकार हम लोगों का पूरा समर्थन करती है, हम लोगों को अधिकार देती है और हम उसका उसी ढंग से ज्यूडिशियस यूज करते हैं, उसका मिसयूज नहीं करते कि भाई हम एमआरआई सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि हम उसका अपने लिए कोई उपयोग करें, उसका कमीशन लें, उसको गलत ढंग से उसका उपयोग करें, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, ज्यूडिशियस यूज करते हैं और उसको उसको करने का अधिकार हमको है क्योंकि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं। सरकार हमको इसका वो देती है और इसका वैसे भी हम लोगों को अधिकार। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ये पैंट कमीज पहन सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करता? देखिए लोग कहते हैं कि भाई आप क्या उद्भव देखते हैं या पराभव देखते हैं, शल्य चिकित्सा में विशेष रूप से हमसे पूछा जाता है। हम लोग कहते हैं कि हम पराभव देखते हैं आज के संदर्भ में। पहले हमारे इंस्ट्रूमेंट सोने चांदी के होते थे, आज प्लास्टिक के और स्टील के हो रहे हैं। ये हमारी पहले क्या कह रहे हैं आप, हम ये टेरिकॉट पहने, पहले हम रेशम पहनते थे और बढ़िया खादी पहनते थे, आज हम उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे इसलिए ये वाले पहन रहे, सस्ते पहन रहे। तो ये ऐसा नहीं कि हमें कोई बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। डॉक्टर साहब के कपड़े मेरे कपड़ों से ज़्यादा महंगे और इनको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा वो लगता है, रोज़ धुलने हैं, रोज़ क्लफ होना है, रोज़ बढ़िया से प्रेस होने, ये तो 10 दिन भी पहन लो तो ऐसे ही लगेगा, उतारा टांग दिया उसके बाद पहन लिया। तो हमारा यदि हम कहें कि आधुनिकता के साथ हमारा उद्भव हुआ है पराभव, तो मेरी नज़र में पराभव हुआ है। वो कोई बहुत बड़ी बात हम लोगों ने नहीं की कि भाई हमने बहुत कोई बहुत ऐसी चीज़ कर ली हो कि जिसको हम एक सिग्निफिकेंट माने। जब तक हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते तभी हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ प्रगति की है, लेकिन वो प्रगति के नहीं है। और इसी ढंग से हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट आप दिखाइए, मर्म चिकित्सा को हम लोग यदि हम कंक्लूड करें तो ये यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम है। और ये कब से है, इट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, जब से मनुष्य का इस धरा पर उद्भव हुआ है तब से ये सिस्टम मनुष्य को ईश्वर ने दिया है। तो ये हम क्या कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त हमारी रोग निवारण की क्षमता है मर्म चिकित्सा के माध्यम से। नेक्स्ट, और मर्म चिकित्सा के माध्यम से अब हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी तक लाखों मरीज तो मैं देख चुका हूं अपने हाथों से विगत 20-25 वर्षों से, और अब हजारों विद्यार्थियों के माध्यम से, हजार सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये मर्म चिकित्सा पहुंची है और उसका लाभ लोगों तक मिला है। और मैं समझता हूं कि ये ऐसी निःशुल्क चिकित्सा पद्धति यदि हम लोग इसको करें तो सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को यदि हम सिद्ध करना चाहते हैं तो क्या करना है, मर्म चिकित्सा, योग और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों को ही हाईलाइट करना पड़ेगा। और इस समय हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका एकमात्र मोटो है कि भाई आयुर्वेद को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करना। और अभी जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रैल में एक तरह से उसका इनॉग्रेशन किया, उस कार्यक्रम में हम लोग भी आमंत्रित थे जामनगर में। और एक ये बहुत बड़ा एक तरह से आयुर्वेद के लिए, योग के लिए और भारतीय विधाओं के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है जो पूरे विश्व के लिए एक निश्चित रूप से एक वो बन पाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि राजाश्रय की कमी थी, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री एक उसके एक व्यक्ति के तौर पे, आपने देखा होगा कि जब भी हम मेडिकल साइंस में या किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं तो किसी नए विद्यार्थी को कहते हैं कि भाई एक बुखार का मरीज है या एक घाव का मरीज है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, करते हैं नहीं करते। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस पूरे कार्यक्रम में, अहमदाबाद के कार्यक्रम में, एक युगांडा के जो राष्ट्रपति उनकी लड़की की आंखों का केस उसको उठाकर प्रेजेंट किया गया कि भाई इसको ये तकलीफ थी और ऐसे ऐसे था, सारी दुनिया की चिकित्सा करने के बाद केरल में कहीं आयुर्वेद की चिकित्सा से ठीक हुई। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के संत लोग, चाहे हमारे स्वामी रामदेव जी हों, आचार्य बालकृष्ण जी हों, ये लोग आयुर्वेद के लिए लगे, तो निश्चित रूप से आप और हम लोगों का भी ये प्रयास बनता है कि हम लोग इसके लिए
अपना जो भी चीज समर्पित कर सकते हैं पूरे इसके विकास के लिए, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। और एक सही समय है कि हम आयुर्वेद के उत्थान को कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों में पोटेंशियल है, हम लोग क्षमता है हम लोगों में, और पूरे विश्व में यदि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना इसके माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं तो वो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग कहते हैं इट इज द नॉन सर्जिकल नॉन मेडिसिनल इंटरवेंशन रीचिंग द पुअरेस्ट स्टेटा एंड क्योरिंग ऑल काइंड्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल बोन एंड द अदर एलिमेंट्स। देखिए, यदि हम बात करें तो पूरे देश भर में, हमारे देश में अमीर लोग भी हैं गरीब लोग भी हैं। अमीर लोगों को वो है कि जिनकी बीमारियां लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं होती, एक तो वो भी पक्ष हमारे साथ है। दूसरा पक्ष क्या है, जो गरीब व्यक्ति जो जिसके पास पैसा नहीं है उसकी भी चिकित्सा होनी है, तो दोनों का उपाय क्या हो सकता है। देखिए, पैसे से तो हो नहीं सकता कि यदि हम संसाधन जुटाएं अस्पताल खोलें तो आप समझेंगे कि भाई अस्पताल है तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको पैसे भी तो चाहिए, तो उससे आप कुछ लेंगे तो सही। मर्म चिकित्सा में कुछ नहीं चाहिए, एक मर्म जिसमें मर्म है, मर्म किसमें है, एक जीवित शरीर में मर्म है, ठीक है। मर्म हम कहते हैं 107 वो प्लस एक आत्मा, मरा हुआ शरीर उसमें भी तो मर्म है लेकिन वो काम नहीं कर रहे क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। 108वां तत्व क्या है, वो आत्मा का तत्व है। तो जिस शिव और शव में, यही तो अंतर है, शिव और शव में क्या अंतर है, यही 107 मर्म उसमें भी है लेकिन 108वां जो है वो नहीं है, इसलिए वो बेकार है। तो एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसमें 107 मर्म स्थान हो, और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको मर्म का ज्ञान हो। दूसरा कोई और इसके लिए कुछ और चीज चाहिए, उपादान कोई चाहिए, कोई ना अस्पताल चाहिए, ना कोई जगह चाहिए, ना कहीं भी आप उसका उपचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसके ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए इट इज द नॉन सर्जिकल, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। इट इज नॉन मेडिसिनल, मतलब इसमें दवाई की जरूरत नहीं है, और ये गरीब से गरीब व्यक्ति की चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधा हो सकती है ये मर्म चिकित्सा। नेक्स्ट, अब इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि जब भी कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, जैसे आजकल हम एक गोबर का गमला खरीदते हैं, तो देखा गोबर का गमला बन रहा है आजकल, तो हम लोग कहते हैं देखिए ये एक तो डिकम्पोज होने में आसानी होती है, फिर कहते हैं कि भाई इससे पॉल्यूशन नहीं होता, इससे हम गोबर का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ ये कहते हैं कि यदि इससे गमले से पेड़ को उखाड़ने की जरूरत नहीं, हम इसको सीधे यदि जमीन में लगा देंगे तो हो जाएगा, तो उसके विषय में बताना पड़ता ना कि भाई ये क्या क्या इसकी सुविधा है। तो ऐसे ही मर्म चिकित्सा, कोई भी चीज़ मोबाइल खरीदेंगे तो आप इसमें मोबाइल भी है, इसमें लाइट भी है, इसमें फलाना भी है, ये कहते हैं ना हर चीज़ का स्पेसिफिकेशन होता, ऐसे ही मर्म चिकित्सा से हम क्या क्या कर सकते हैं ये जानना जरूरी होता है। तो सामान्य बीमारियां वो होती हैं जिनका उपचार सामान्य नहीं होता, सामान्य बीमारियां वो होती हैं जिनका हमारे पास सामान्यतः उपचार नहीं होता, ये समझ लीजिए। मेरी सामान्य बीमारी का मतलब जो ज्यादा बहुत ऐसे हो रही है, बहुत कॉमनली हो रही है, और आज डायबिटीज हाइपरटेंशन इनका कोई उपचार है एलोपैथी में, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सारी की सारी बीमारियां हैं, दीज आर द कॉमन डिजीजेस बट दे डोंट हैव द कॉमन मैनेजमेंट। तो हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं। अब ये कम से कम देखें कि हमारे देश में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लोग घुटने के दर्द से प्रभावित हैं, जितनी भी हमारी जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबके घुटने खराब हैं, और बहुत सारी और ऐसी बीमारियां जो किसी और चीज से ठीक नहीं हो सकती वो भी इससे ठीक होती हैं। कभी आपने देखा होगा कि एलर्जी के लिए कोई उपचार है एलोपैथिक साइंस में, नहीं, प्रतिदिन आपको एंटी एलर्जिक दवाई खानी है। यदि किसी को एसिडिटी है तो प्रतिदिन आपको खाली पेट कैप्सूल खाना है, यदि आपको डायबिटीज है तो प्रतिदिन आपको औषधि का सेवन करना है, यदि किसी को ब्लड प्रेशर है तो नियमित रूप से आपको दवाइयों का सेवन करना। तो वो क्या करते हैं, वो सिम्टम्स को, हम जस्ट वी आर मैनेजिंग द सिम्टम्स एंड वी डोंट केयर अबाउट द क्योर ऑफ द डिजीज। उसका कारण क्या हमें नहीं पता कि नमक खाना खाओ, ये खाना खा लो, कहते हैं हम लोग उसको परहेज की बात नहीं करते, हम लोग उसके क्योर की बात नहीं करते, हम कहते हैं ये दवाई खाई, और फिर क्या होता है यदि उसको ठीक नहीं हो रहा तो क्या करें, आज 5 mg तो कल 10 mg, 15 mg, हम उस पर कहते हैं कि भाई किस चीज से मेंटेन हो रहा है, उसको करते हैं और उससे कोई उपचार नहीं होता, लेकिन ये सारी चीजों का उपचार हो सकता है इसके माध्यम से, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब ये कोई कहे कि भाई देखिए यदि हमने आयुर्वेद से पहले जैसे योग के लिए कहते थे कि भाई ये एक ऐसा विज्ञान है कि जिसको यदि घर में यदि कोई योग करता था तो छिपकर लोग योग करते थे, मुझे पता है, मुझे ध्यान है, बचपन में भी हम लोगों को देखा जाता था कि कहीं ये जोगी ना बन जाए, योग को जोगी कहते थे। स्वामी रामदेव जी ने उसको एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाया, और एक आउटकम के रूप में जैसे कि अमूल वाले मट्ठे का व्यापार नहीं करते, अमूल वाले क्या करते हैं मक्खन का और घी का व्यापार करते हैं, किस चीज का करते हैं, दूध का और घी का व्यापार करते हैं।
लेकिन मट्ठा क्या करते हैं, उनको फ्री में मिलता है। जब दूध से दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, घी बनाते हैं, तो मट्ठा निकलता है। और मट्ठा भी किस भाव बेचते हो? दूध से जरा महंगा बेचते। तो कोई लोग कहते हैं कि भाई पतंजलि वाले 600 रुपये 700 रुपये घी कैसे बेच देते हैं, इतना सस्ता, इतना तो भाई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बेच सकते भाई, दूध की कीमत तो मट्ठे से मिल रही है, तो वो तो फ्री का मिल रहा है, तो फ्री में तो 200 भी बेच सकते हैं, क्या दिक्कत है, उनके पास संसाधन है, क्यों दिक्कत, क्यों कैसे कैसे कहते हैं कि आप नहीं बेच सकते। ऐसे ही यदि हम ये कहें कि भाई मर्म चिकित्सा का जो प्रोसेस है और योग का जो प्रोसेस है, अभी तक ये कहा जाता था कि भाई जिसको साधना करनी है, जिसको वो करना है, उसको योग करना है। अब ये पता है कि जो उसका जो साधना का पक्ष है, उसमें आसन की प्रक्रिया से कितने फायदे फिजिकल बॉडी में होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हर व्यक्ति उसको समझने लगा और उसका इंस्टेंट इफेक्ट है। आज हम लोग तो ये मानते हैं कि एक दोबारा से एक आवश्यकता हम लोग उसको शुरू कर रहे हैं कि जैसे हर चिकित्सालय में एक फिजियोथेरेपी का सेंटर होता है, ऐसे ही हर चिकित्सालय में एक योग और मर्म का एक सेंटर होना चाहिए, जिसका कि हम लोग उपयोग कर सकते हैं पैरेलल। उससे जल्दी फायदा, उसमें ना मशीन की जरूरत है, ना कुछ, एक आदमी, एक योगाचारी की जरूरत है, एक मर्म के आदमी को जानने की जरूरत है, एक मैट की जरूरत है, थोड़ा सा एक साफ वातावरण की जरूरत है, चार पेड़ों की जरूरत है, यही तो आवश्यकता है। तो जब हम इसको बड़े स्केल पर करेंगे कि भाई आप कंपेयर कर लीजिए हमारे रिजल्ट्स को उनसे, 4 मरीज उनके पास भेजो, 4 हमारे पास भेजो, कौन जल्दी ठीक होता है, जो जल्दी ठीक होता है उसको स्वीकार कर लो और वो धंधेबाजी को छोड़ दो, ठीक है। तो एक ये सिस्टम बनना चाहिए कि हर चिकित्सालय में, चाहे वो एलोपैथी का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, हर में एक योग का और एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं। ऐसे ही मर्म चिकित्सा के लिए हम लोगों को आयुर्वेद में कहा जाता था कि जब आयुर्वेद की हम लोग बात करते थे तो जिससे भी बात करो, मेरा तो अक्सर कई जगह बहुत झगड़ा हो जाता, कोई मुझे गाली दे दे तो कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, यदि आयुर्वेद को योग को गाली दे दे तो मुझे बहुत बुरा लगता है और मैं झगड़ पड़ता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है तो कुछ नहीं किया जा सकता, कई बार बुरा भी लगता है। अभी मुझे एक यूनिवर्सिटी में बुलाया था, वाइस चांसलर से झगड़ा हो गया, कभी कभी हो जाता है। तो हम लोगों से अक्सर कहा जाता था कि भाई आपके पास आयुर्वेद में इंस्टेंट मैनेजमेंट नहीं है, क्या आयुर्वेद में तो पुरानी बीमारियां, जो यदि गठिया ठीक नहीं हो रहा, सब जगह से देख लिया तो गुगुल खाता रहेगा, शिकायत करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, परमानेंट नहीं। दूसरी चीज हमसे कही जाती थी कि यू डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ इमरजेंसी, यदि आप कोई तुरंत हार्ट अटैक हो गया, कोई ब्रेन अटैक हो गया, कोई कुछ हो गया, आपके पास तुरंत मैनेजमेंट नहीं है, दो चीजें कही जाती। लेकिन मर्म चिकित्सा के इंक्लूजन से हम लोग सारी चीजों से उभर चुके हैं और ये आज हमारे पास क्या है, इंस्टेंट मैनेजमेंट भी है, परमानेंट मैनेजमेंट भी है, इट इज द नेचुरल वे ऑफ हीलिंग एंड इट इज नॉन इन्वेजिव वे ऑफ हीलिंग। तो मैं आपको सिर्फ इसके इंस्टेंट वे की बात मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इंस्टेंट है और कैसे हम लोगों ने इसको जाना। अभी मुझे एक लखनऊ में एक डॉक्टर्स का परिवार है, उनके पिताजी ने को 2017 में मुझे कभी दिखाया होगा और उनके लिए कुछ मर्मों का हम लोगों ने संयोजन बताया होगा कि ये मर्म करने, उनकी मृत्यु अभी शायद 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले हुई। तो उनकी सूचना का जो पत्रक होता है वो उन्होंने मुझे प्रेषित किया कि पूज्य पिताजी का देहांत ऐसे ऐसे हुआ, उसके नीचे 4 लाइनें और लिखी थी, वो मैंने अपने व्हाट्सएप में सेव किए। उन्होंने लिखा है कि थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जोशी, आई हैव सेव्ड माई फादर सिंस 2017 to 2022 विद द हेल्प ऑफ तल हृदय मर्म, हिज हार्ट वॉज, उन्होंने उसमें फाइंडिंग लिखी कि इतना परसेंट वर्किंग उस समय कहा था और उन्होंने कहा था कि भाई ये जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने उस मृत्यु के जो एक तरह से सूचना थी उसके साथ उन्होंने मुझे धन्यवाद का पत्र लिखा कि 5 वर्ष तक निरंतर वो 70-75 साल के रहे होंगे कि तल हृदय मर्म की सहायता से वो निश्चित रूप से बिल्कुल निरोग होकर उन्होंने देह का त्याग किया। तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है और इसको हम महसूस कर सकते हैं कि ये कैसे ये ठीक होता। दूसरी चीज, एक जॉर्ज, एक ऑस्ट्रेलियन हम लोगों के यहाँ से मर्म चिकित्सा का क्लास लेके गया, एडिलेड उसको जाना था और जब वो एडिलेड जाना था तो क्या हुआ, उसको रास्ते में एक छोटा सा बच्चा, लगभग 1 वर्ष का बच्चा होगा, बहुत तेजी से चीख रहा था, बहुत दर्द से बहुत परेशान था, पता नहीं इसको क्या, पूरा क्रू लगा था कि भाई कोई दूध पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई ऊपर उठा रहा है, कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो यहाँ से ताज़ा तल हृदय मर्म सीख के गया था। तो उसने कहा कि मैं हम लोगों ने उसको, उसने वेबसाइट पे लिखा तो हम लोगों ने उसको एक छापा भी है, उसको प्रिंट किया हमने। उसने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ इसकी बच्चे की, उन्होंने कहा भाई आप क्या करोगे, कहने लगे कि हिज सोल वॉज लेसर देन माई थम, वो तगड़ा आदमी था, कह रहा उसके जो
पैर का तला था मेरे अंगूठे से छोटा था। कहने लगे कि मैंने उसके हाथ और पैर के तलहृदय मर्म को थोड़ा थोड़ा सा कोशिश की दबाया और विद इन सेकेंड्स और मिनट भी नहीं लिखा उसने कहा कि थोड़े मिनट के विद इन वन मिनट जो है वो बिल्कुल काम डाउन हो गया। और उसके बाद वो एडिलेड जाने तक वो बिल्कुल उसको फिर दूध दूध पिलाया, वो सो के आराम से गया। तो कहने लगा इट वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर विद द एफिकेसी ऑफ द तलहृदय मर्म। आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण मर्म बिंदु हैं, ये कैसे कैसे, इसके सैकड़ों हमारे पास उदाहरण है कि जब भी किसी को हार्ट अटैक हुआ तो तलहृदय मर्म से उसको रोका गया, और यदि ब्रेन अटैक हुआ तो उससे इसको दबाना है, दबाते रहिए छोड़ते रहिए, और ऐसे बहुत सारी चीजों में ये इंस्टेंट काम करता है। और इसका ये नहीं है कि भाई ये इंस्टेंट कर रहा है तो इसका असर फिर बाद में नहीं होगा, कि अभी हुआ तो इसका असर खत्म हो गया। द इफेक्ट इज परमानेंट एंड इट इज द नेचुरल वे ऑफ फीलिंग एंड नॉन इन्वेजिव। इसमें ना आप कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, ना कोई सुई घुसा रहे हो, ना कोई नली डाल रहे हो, ना कुछ नहीं कर रहे, कोई दवाई नहीं दे रहे हो। तो ये मर्म चिकित्सा के विषय में शॉर्ट समरी है कि हम इसको क्या क्या मान सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई ये है, इतनी परेशानियां, ये सारी चीजें, हमारे पास कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए। दूसरों को गाली देना तो एक बहुत सरल काम है, लेकिन जब हम समस्याओं के साथ आते हैं तो उसके समाधान की बात नहीं करते तो बेमानी होता है। तो समस्या तो हमने बताया कि भाई लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम उपचार नहीं कर सकते, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो रियल सॉल्यूशन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है? दैट इज मर्म थेरेपी। नेक्स्ट, अब लोगों ने हमसे पूछा कि भैया आपको पता कैसे चला कि ये मर्म बिंदु ये होते हैं, इनसे कुछ काम होता है, ये क्यों आते हैं? तो इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है मर्म साइंस की? ये हम लोग चाइना में भी सिखाते हैं, चाइना के लोग बहुत सारे हम लोगों के पास आते हैं, और ये बहुत सारे लोग हमारे विद्यार्थी भी और चाइना के लोग भी, जापान में, चाइना में, कोरिया में, यूरोप में ये लोग कर भी रहे, विद्यार्थियों के साथ भी कर रहे हैं और अपने भी कर रहे हैं। जापान में कई 5 सेंटर्स में हम लोगों के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो सेल्फ मर्मा थेरेपी का कोर्स भी रन करते हैं। नेक्स्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि मर्मा साइंस एंड मर्मा थेरेपी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अंगन्यास एंड द करन्यास। जब भी हम कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो शिखाबंधन से प्रारंभ करते हैं। कहाँ से करते हैं? शिखाबंधन से प्रारंभ करते हैं। और मुख्य रूप से जब हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयि वंदनान मृत्युर मुक्षी मामृतात्, हम जो इसको समझ पाए। देखिए, इसकी हजारों व्याख्याएं हो सकती हैं, हजारों परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इसको आयुर्वेद और योग के संदर्भ में जानने की कोशिश की तो हमने कहा कि जो सुगंधि के माध्यम से पुष्टिवर्धन कैसे होता है, ये प्राणायाम का माध्यम है, नासा का मार्ग है। उर्वारुकमयि, ये यहाँ पे ककड़ी खीरे की बात हम लोग नहीं करते, ककड़ी का तो कहीं उल्लेख है ही नहीं, खीरे का उल्लेख वेदों में भी नहीं है, और उर्वारुक कहा नहीं जाता, आयुर्वेद में ऐरवारुक और कर्कारुक नाम है, उर्वारुक कहीं नहीं। उरु आरुक मयु, उरु कहते छाती में होने वाली तीव्र जो वेदना है उससे, उसके बंधन से, जो उससे मृत्यु होने वाली, उससे मोक्ष दिलाइए। ये कैसे होगा? ये श्वास के माध्यम से होगा, प्राणायाम के माध्यम से होगा, और तीन तरह का प्राणायाम होता है, कुंभक है, रेचक है, वो पूरक है, रेचक कुंभक है और रेचक है। तो हम लोगों ने ये परिभाषा इसकी अपनी तरफ से की है, क्योंकि ये स्वास्थ्य का संदर्भ है और मृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा रोग निवारण का साधन है, और भगवान शिव को हम इन सब का आदि पुरुष, आदि देवता मानते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, इसका ओरिजिन भी, मर्म चिकित्सा का ओरिजिन भी हम मानते हैं कि उन्हीं से है। नेक्स्ट, जब भी हम देखते हैं कि अंगन्यास इज, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल स्पिरिचुअल रिचुअल्स, वेन एवर वी आर डूइंग एनी स्पिरिचुअल रिचुअल, तो हम लोग सारी की सारी चीजें यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, चोटी रखते हैं, शिखा बंधन करते हैं, शिखा का स्पर्श करते हैं और विभिन्न मर्म बिंदुओं का स्पर्श करते हैं, और आज्य शेष का वो लगाते हैं, आज्य शेष जहां होता है तो गले पे लगाते हैं, कानों पे लगाते हैं, सिर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं। तो ये किन स्थानों पे लगाते हैं? ये सारे के सारे मर्म स्थान है। नेक्स्ट, यस, आपने देखा कि कहां कहां हम लोग क्या कर रहे हैं, नाभि का स्पर्श करते हैं, ककुदी का स्पर्श करते हैं, पृष्ठभाग का स्पर्श करते हैं, आणी उर्वी का स्पर्श करते हैं, कर तल कर पृष्ठाभ्याम, फिर ओम अस्त्राय फट करके इस हाथ के बाएं तल के तल हृदय पे हम लोग ठोकते हैं। नेक्स्ट, शंख ध्वनि करते हैं और लगभग 14 मर्म स्थान जो होते हैं हमारे गले के, उनको उत्प्रेरित करते हैं। गले को सीधे मर्म दबाएंगे तो 307-302 की धारा लग जाएगी, तो इसके लिए अलग विधि है। और ये कहा जाता था कि प्रतिदिन यदि शंख ध्वनि की जाती है तो न तो हमारी जो खून की नलियां जो ब्रेन में जाती हैं उनमें कोई ऑक्लूजन होता था, ना कोई ब्लड सप्लाई ज्यादा होती थी, ना उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता था, ना ब्रेन स्ट्रोक होता था, क्योंकि हम प्रतिदिन शंख ध्वनि करते थे। नेक्स्ट, इट वॉज द की कंपोनेंट ऑफ द सोशल वैल्यूज एंड इंडिकेशन ऑफ कंसर्न शोन फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन
मैन बाय द इंडियन सोसाइटी। जो भारतीय हमारा सभ्यता परंपरा वैदिक हमारी सभ्यता थी उसमें आपने देखा होगा कि हम अस्पतालों को कभी हमने चिकित्सालय नहीं कहा, सारे के सारे पहले अभी तो हमें तो ध्यान है बचपन से या तो सरकारी दो चार अस्पताल होते थे, नहीं तो कोई काली कमली का, कोई किसी जैन का, जैन उसमें समुदाय का, कोई किसी आश्रम का, धर्मार्थ औषधालय होते थे। तो प्राइवेट औषधालय की मैं नहीं समझता कि कल्पना उस समय थी। सारे धर्मशाला भी वो वैसे होती थी, होटल नहीं होते तो धर्मशाला होती थी और ऐसे ही धर्मार्थ चिकित्सालय होते थे। और इससे पहले इनको पुण्यशाला कहा जाता था, इनको चिकित्सालय नहीं कहा जाता था, इनको क्या कहा जाता था? पुण्यशाला। पुण्यशाला का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति उसको बना रहा है, उसका खर्चा कर रहा है, वो अपने पुण्य के लिए कर रहा है, किसी के एहसान के लिए नहीं कर रहा। तो ये हमारी सोसाइटी का एक नियम था। और इसमें मर्म चिकित्सा, यदि मैं किसी व्यक्ति से कहूँ या अपने लिए कहूँ कि भाई मैं एक टीबी के मरीज को अंगीकृत करना चाहता हूँ, उसकी चिकित्सा करने की मेरी इच्छा है कि मैं उसकी सहायता करूँ, तो क्या कर सकता हूँ मैं? प्रतिदिन उसको 100-200 रुपए की दवाई यदि प्रतिदिन देनी होगी, कब तक देनी होगी? मुझे 1-1.5 साल देनी होगी। संभव है मेरे लिए? नहीं संभव है। एक मरीज को भी यदि मैं रोज उसको पैसा दूं या महीने पे दूं तो परेशानी तो कहीं ना कहीं है। लेकिन यदि कोई मुझसे कहे कि मुझे मर्म चिकित्सा आती है, मैं 20 मरीज रोज निःशुल्क देखूं, तो उसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये देखिए कि ये कितनी बढ़िया चीज़ है कि सेवा का सबसे बड़ा माध्यम हमारे पास है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसकी चिकित्सा दे सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के, बिना किसी खर्च के, और उसमें अपने लाभ के लिए। अपने लाभ के लिए क्या कि हमारा क्या लाभ है उसमें भाई? व्यक्ति को तो एक तरह से चिकित्सा का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें आध्यात्मिक लाभ हो रहा है कि यदि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के का हाथ नहीं चल रहा है, पैरालिसिस है, क्या इसका मतलब क्या है? उसमें जीवन नहीं है। और यदि आपके प्रयास से उठ गया तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है कि इसमें भी ऊपर वाला बैठा था। जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरे सुने मुख कुने बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। ये इसका मतलब यहां भी भगवान था तभी तो ठीक हुआ, नहीं तो कैसे ठीक होता? तो हमारी आध्यात्मिक जो धारणा है उसको प्रबल करता है ये, अपना जो मर्म करने वाला उसका व्यक्ति का फायदा है। और एलोपैथिक डॉक्टर्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हमारा क्या फायदा, हम सीखते हैं तो हमसे इससे तो हमारा नुकसान है। क्या नुकसान है कि भाई यदि ठीक हो जाएगा हम पे कौन आएगा? तो हम लोग उनसे कहते हैं यदि आप इसको सीखते हैं तो फायदा आपका ही है। दो ऑर्थोपेडिक सर्जन यदि बैठे हैं बगल में बैठे हैं, रोज वो आप 500 रुपए ले रहे हो, वो भी 500 रुपए फीस ले रहा है, आपका मरीज 2 दिन में ठीक होता है, उसका मरीज 6 महीने में ठीक होता है, तो ज्यादा मरीज किसके पास आएंगे? फीस लेते रहो, उसको फ्री में करते रहो, नुकसान क्या है? तो ऐसे सैकड़ों लोग मोटिवेट होते हैं और उनका फायदा भी है। पैसा का कभी नुकसान नहीं होता, नुकसान हो ही नहीं सकता। ज्यादा मरीज आएंगे, थोड़ा भी लोगे तो भी ज्यादा होगा। तो ये चिकित्सा का और सेवा का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। तो इसलिए ये हमारी सोसाइटी के अनुरूप चिकित्सा पद्धति है, इसलिए ये इसको हम वैदिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि इसमें सेवा का भाव निश्चित रूप से होता है। नेक्स्ट, अब ये मर्मा थेरेपी को हम कहते हैं यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम। ये मर्म चिकित्सा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियों को हम लोग दूर कर सकते हैं। अभी आप देखिए कि यदि किसी को पोलियो हो गया, पोलियो को हम लोगों ने इरेडिकेट कर दिया, पूरे देश भर से पोलियो इरेडिकेट कर चुके, लेकिन जिनको पोलियो हो गया उनका कोई इलाज नहीं। यदि 30-40 साल पुराना भी कोई पोलियो का मरीज है उसको भी इससे बेनिफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में हम लोग सारे अरबों डॉलर्स किस में खर्च कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक टूल्स में, लेबोरेटरी टेक्निक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लेकिन नेट गेन इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज वेरी लिमिटेड। हमने डायग्नोसिस बना दिया, बहुत सारी चीजें कर दी कि ये है वो है फलाना बीमारी ये इस जीन्स की वजह से, इलाज क्या? इलाज कुछ नहीं, यही तो है इसके बाद अल्टीमेट। तो ये सारी चीजें हम लोग खर्च करते हैं लेकिन इसके कंपेरिजन में क्या है? नेक्स्ट, ये इंस्ट्रूमेंट डिपेंडेंट मेडिकल साइंस है, सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट से, डायग्नोसिस भी उससे, सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट से, और ये सारी बिजली से। नेक्स्ट, अब ये सेल्फ डिपेंडेंट जो पावर ऑफ हीलिंग है, ये 107 मर्म स्थान है, ये पूरे शरीर में रहते हैं। नेक्स्ट, ये ईश्वर की प्रदत्त हमारे पास ताकत है जिससे हम लोग, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। अब हम लोग कुछ चर्चा करते हैं मर्मबिंदुओं की, मर्मबिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो 107 मर्म स्थान होते हैं, और यदि हम देखें कि यहां से गर्दन से ऊपर, ये हमारी क्लेविकल होती है, यहां से ऊपर हमारे लगभग 37 मर्म स्थान होते हैं, 23 इसमें होते हैं, 14 मर्म स्थान गले में होते हैं। जो 23 मर्म स्थान होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कहां से कहते हैं? जैसे अधिपति, आपने एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंचर में सुना होगा कि मास्टर पॉइंट कहते हैं, उन्होंने तो मास्टर पॉइंट बनाया, लेकिन हमने मास्टर पॉइंट नहीं बनाया, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, हमारे यहाँ क्या लिखा है? अधिपति। अधिपति किसे कहते हैं? जो राजाओं का राजा होता है उसको अधिपति कहते हैं।
तो ये मर्मों का राजा है, तो इसलिए इस मर्म को क्या कहते हैं, अधिपति कहते हैं। और इसको स्टिमुलेट करने की टेक्निक क्या है, ये पांच तत्वों से बनी हुई मुद्रा, इसको पंच तत्व मुद्रा हम लोगों ने इसका नाम दिया है, इसको ऐसे करते हैं। योग में हम लोग कुछ और अलग अलग कहते हैं, योग से मैं थोड़ा डिफरेंट बताऊंगा, लेकिन उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा ये इसको क्या कहते हैं। योग में कौन सा तत्व है, अग्नि तत्व। ये कौन सा है, ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है, जल। इसके पीछे मैं यदि आपसे कहूं कि इसका मुझे प्रमाण दो, तो आप दे सकते हो क्यों है ये जल, क्यों है प्रमाण, क्यों है, दे सकते हो, है प्रमाण किसी के पास हो तो बताइए, है कोई प्रमाण कि ये है। हाँ, ये मतलब ये हमारा आप्त है। अब मैं आपको आयुर्वेद की और मर्म की व्याख्या देता हूं कि क्यों, अब मैं उसके पीछे प्रमाण दूंगा कि आपको ये कि मेरी बात मत स्वीकारिए। यदि आपको लगती है कि ये वैज्ञानिक रूप से एक तरह से आप्त स्वरूप से ये ठीक है तो ठीक, उसको मानिए, नहीं तो मत मानिए। अब हम लोग कहते हैं ये क्या है, ये आकाश। मैं डिफरेंस बता रहा हूं क्यों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके पीछे आपको प्रमाण दूंगा ना, उसके पीछे नहीं, इसको बिना प्रमाण के नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये सारे मर्मों की चर्चा तो बहुत लंबी होती है, लेकिन कुछ योग से संबंधित बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये इसको हमने क्या कहा, ये आकाश, फिर उसके बाद ये वायु, फिर ये तेज, फिर ये जल, ये पृथ्वी। अब आप ये कहिए कैसे बताए, पूछे कि हम तो नहीं मानते, हम तो ये आप गलत कह रहे हो, ठीक है गलत है ना। अब क्यों सही है इसको समझिए, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम नब्ज देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, वात पित्त कफ होता है, आयुर्वेद के कुछ लोग हैं इसमें, तो जब हम वायु देखते हैं तो वायु किससे देखते हैं, किससे देखते हैं, पित्त किससे देखते हैं, इससे, कफ किससे देखते हैं, इससे देखते हैं, कफ किससे बनता है, पृथ्वी और जल से, आकाश इसमें होता है। एक चीज तो मैंने ये बताइए, इसमें कोई गलत हो तो बताइए, ठीक है। अग्नि से जल नहीं देखा जा सकता, अग्नि से जल नहीं देखा जा सकता, अग्नि किस, अग्नि के पैरामीटर्स किससे देखे जाएंगे, अग्नि से देखे जाएंगे, ठीक है। तो हमने दूसरी चीज, जब हम भ्रामरी करते हैं तो भ्रामरी कैसे करते हैं, पकड़ लीजिए, भ्रामरी कैसे करते हैं, कान बंद करते हैं, ऐसे रख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये कौन सी मुद्रा कहलाती है, षणमुखी। षणमुखी का मतलब क्या होता है, जिसके कितने मुंह होते हैं, छह मुंह होते, 1 2 3 4 5 ही मुख है, षणमुखी कैसे हो गई, षणमुखी का मतलब छठी भुजा, ये छह षणमुखी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोगों ने इसको मर्म भ्रामरी के तौर पे इसको अपनाया और इसके प्रभावों का देखा, इसको कंपैरिजन किया तो देखा कि मर्म भ्रामरी के प्रभाव, मर्म को यदि योग से जोड़ दिया तो उसके प्रभाव। अब कान को हमने बंद किया कैसे, यहां पे कौन सा मर्म है, विदुर मर्म है, कौन सा मर्म है यहां पे, विदुर मर्म, कान के पीछे। अब ये हमने दूसरी उंगली रखी ये अपांग मर्म पे, बीच वाली उंगली रखी हमने स्थपनी मर्म पे, फिर ये जो हमारी अनामिका है इसको कहां रखा, श्रृंगाटक मर्म पे, और इसको रखा हमने फणा मर्म पे। अब इन मर्मों की चर्चा मैं आप लोगों से करता हूं, यहां से अधिपति से शुरू करते हैं, ये अधिपति मर्म है। कान के पीछे मर्म होता है जिसको हम कहते हैं विदुर मर्म, और इसको कहा गया कि यदि इस पर आघात होता है तो क्या होता है, व्यक्ति के सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। कान की इंद्री का, कान का विषय क्या, कान का क्या है, कौन सा, किससे होता है आवाज, किसमें आती है, आकाश, ठीक है आकाश होता ना। अब ये जो आकाश है वो कान से संबंधित है, आकाश कान से संबंधित है। अब इसके बाद हमारी जो ये यहां से नेत्र है, इसको कहा अपांग मर्म, क्या कहा है, अपांग, और अपांग पर आघात होने से व्यक्ति में अंधापन आता है। महर्षि सुश्रुत ने लिखा, ये मेरा वर्जन नहीं, हम उसी को देख के तो सीखे, तो ये क्या है, अपांग, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे क्या है, आज्ञा चक्र, इसको स्थपनी का है, ठीक है, ये आज्ञा चक्र क्या, ये अग्नि का स्थान है। इसके नीचे क्या है, यहां एक श्रृंगाटक मर्म है, और श्रृंगाटक मर्म को कहा गया कि श्रृंगाटक किसको कहते हैं, सिंघाड़े को कहते हैं, देखा, सिंघाड़ा किसको कहते हैं, जो जल में पैदा होता है। सिंघाड़ा दूसरा किसको कहते हैं, नाक से निकलने वाले द्रव को भी क्या कहते हैं, लोक भाषा में क्या कहते हैं, सिनक, श्रृंगाट, ठीक है वो। अब इसके बाद ये नासा के पास ये एक मर्म होता है जिसको हम कहते हैं फणा मर्म, क्या, कौन सा मर्म होता है, फणा मर्म। तो इसको ये किससे, नासा का, इस पे चोट लगे तो व्यक्ति में सूंघने की ताकत खत्म हो जाती है, ठीक है,
सुनने की ताकत खत्म हो जाती है फणों में। अब हमने क्या किया, कान के पीछे क्या रखा, अंगूठा रखा, यहां पे रखा ये जो नेत्र के लिए है, ये दोनों नेत्र के लिए है, यहां श्रृंगाटक और ये कान के पीछे क्या है, अंगूठा है। तो अंगूठा किसके लिए हुआ, कौन से के लिए हुआ, आकाश तत्व के लिए हुआ। ये वाला किसके लिए हुआ, देखने के लिए, वायु तत्व हुआ। अब ये यहां पे जो रखा, स्थापने पे रखा, तो ये क्या है, आज्ञा चक्र है, अग्नि का है। इसके नीचे जल तत्व के लिए है, जो हम क्या खेचरी में और वो ऊपर से जो जल का स्राव होता है उसके लिए इसको किया। इसके बाद ये नाक के पीछे जो हमने छोटी उंगली को रखा, ये किसके लिए रखा, गंध के लिए। गंध किसका गुण है, तो ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसलिए हम लोग इसलिए कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा कि ये, इसको हमने पंच भौतिक मुद्रा, इसको आप पंच महाभूत की मुद्रा की, और इससे हम लोग क्या करते हैं, सीधे जब भी मर्मों का करते हैं, संचालन करते हैं, तो पहले यहां से शुरू करते हैं। जब स्वमर्म चिकित्सा करते हैं तो यहां से, तो क्या करना है, पांचों उंगलियों का बना लीजिए, और जहां पर ये भंवर होता है इसको दबाइए, तो ये हल्का इनिशियली पहले करेंगे तो पेनफुल होगा, पहले दिन करेंगे तो पेनफुल होगा, उसके बाद ठीक हो जाए। 15 से 18 बार इसको स्टिमुलेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी मुद्रा होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन लोटस एंड द क्लोज लोटस। इसको कहते हैं क्लोज लोटस, मींस कमल बंद है तो कैसा रहेगा कमल। अब इसको ये जो हमारा थिनर इमिनेंस है, ये मैं सिर के मर्मों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए इसको कैसे स्टिमुलेट करते हैं इसकी विधि बता रहा हूं सामान्य रूप से। इसको क्या करना है, ये जो थिनर इमिनेंस है, ये हाइपोथिनर इमिनेंस है। तो जो हाइपोथिनर इमिनेंस है उसको हमने इसके अपांग मर्म पे ऐसे, ये देखिए यहां पे यदि हाथ फेरेंगे, ये हमारी आईब्रो है। इसके बाद यदि हम एक यहां पे एक स्थान लेंगे तो यहां पे एक गड्ढा होता है, एक गड्ढा होता है, इसको हम कहते हैं अपांग मर्म। इसके बाद ये आवर्त यहां ऊपर थोड़ा सा ऊपर करके दो अंगुल पीछे आवर्त होता है। तो हमने इसको क्या रखा, ऐसे रखा, ऐसे रखेंगे तो हमारी उंगलियां क्या करेंगी, आपस में मिल जाएंगी, आपस में मिलेंगी। अब हाथ को हमने कैसे रखा, इस स्वरूप में रखा, तो यहां पर जो सिर के मर्म है वो क्या, पांच सीमंत मर्म होते हैं। कितने मर्म होते हैं, पांच सीमंत, कितने होते हैं, पांच। एक मर्म स्थान होता है जहां पे फ्रंटल बोन और दो पैराइटल बोन मिलती हैं, तो इसको हम कहते हैं कोरोनल सूचर, सेजाइटल सूचर, लैम्ब्रोडल सूचर और एस्टेरियन। तो ये पांच हो गए, एक सूचर यहां हो गया जहां पे दो तीन हड्डियां मिलती हैं दोनों तरफ, यहां पे फ्रंटल बोन हो गई, पैराइटल बोन हो गई, पीछे ऑक्सीपिटल हो गई। तो जहां पे ये ऐसे यदि हम रखते हैं तो क्या है, पांचों के पांच जो स्थान है वो आपके हाथ के नीचे। एक मर्म तो ये आ गया, ये जो ऐसे दबाया इसके साथ आ गया, बीच का सेजाइटल आ गया, जो अंगूठों से पीछे का आ गया, और ये जो ये सारे मर्म है ये यहां से आ गए, और इसमें चार मर्म और, चार मर्म इधर और चार मर्म इधर, आठ और, तो 13 मर्म इकट्ठा दबते हैं। कौन से है, अपांग है, आवर्त है, उत्क्षेप है, संख है। तो चारों मर्म के स्थान कैसे आ जाते हैं, इन्हीं के हिसाब का शेप बना हुआ है और यहां पे आते हैं। तो इसको क्या करना, गहरी सांस लेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तो इसको ऐसे दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए इसको दबाइए। तो आपने क्या किया, अपने सिर के 13 मर्मों को आपने तुरंत उपचारित कर दिया। तो सिर की जितनी भी एक्सरसाइज करनी है, जो भी चीज करनी है, तो आपने क्या किया, 13 मर्म जो है आपने एकदम एक बार में दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, पूरी पूरी चीज का दबाइए पूरा ऐसे, तो सब पे प्रेशर इकट्ठा पड़े। तो ये आपने चार मर्म इधर, आठ मर्म तो ये हो गए, और एक जो हमारा सीमंत यहां है, एक सीमंत यहां, दो एक सीमंत यहां, एक सीमंत पीछे, एक सीमंत आगे बीच में, तो आठ और पांच कितने मर्म हो गए, 13 मर्मों को सिर्फ एक पोस्चर से आप दबा सकते हैं। इसको हम लोगों ने कहा सुप्त कमल मुद्रा, इसको नाम दिया हम लोगों ने सुप्त कमल मुद्रा, और दूसरा प्रमुदित कमल मुद्रा, दो जो आजकल खिल रहा है कमल उसकी एक मुद्रा है। उसके लिए क्या करना है कि अब आयुर्वेद में हम लोग कहते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, चार चीजें होती हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, चारों मिलकर आयु बनाती हैं। तो शरीर के लिए तो हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ये मर्म है, ये शरीर के लिए है। इंद्रियों के लिए जो मर्म है वो क्या है, कान के पीछे क्या है, विदुर मर्म है, आंख के पीछे अपांग और आवर्त दो है आंख के लिए, फिर इसके बाद ये श्रृंगाटक मर्म है जो चारों मर्मों को, जो चारों इंद्रियां उनको सबको देखता है, ये चार होते हैं अंदर, तो आंख के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कान के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, रसना के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हमारे गंध के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये तो चारों के लिए, तो इसको कहते हैं श्रृंगाटक। और ये यहां पे जो होता है ये फणा मर्म होता है, यहां पे कौन सा होता है, ये फणा मर्म।
तो चारों इंद्रियों के लिए, और स्किन सब में होती है, त्वचा सब में होती है, तो जो स्पर्श इंद्रिय होती है सब में होती है, आंख के ऊपर भी होती है, नाक के अंदर भी होती है, जीभ के ऊपर भी होती है, कान के अंदर भी होती है, तो उसका समावेश सब में होता है। जैसे आकाश तत्व में, आकाश में सारी चीजें हैं और सब चीज के अंदर आकाश है, ऐसा होता ना, अंतर्भाव हो जाता। तो ऐसे ही जो जो स्पर्श इंद्रिय है उसका सब में अंतर्भाव है या उस सब में समाविष्ट है, इसलिए चारों इंद्रियों की बात करते हैं। तो कान के पीछे क्या है, अब हमने ये एक पोस्चर बनाना है, कमल मुद्रा, ये इसको कहते हैं प्रमुदित कमल मुद्रा, ओपन लोटस पोज। कान के पीछे ये रखा, दो उंगलियां हमने यहां रखी, फिर इसके बाद ये रखा और ये रखा, ठीक है, इसको प्रमुदित कमल मुद्रा। तो कान के पीछे क्या है, विदुर मर्म, यदि हम इसको दबाते हैं रोज, कान के पीछे ऐसे दबाइए तो कान से सुनने की पावर मतलब ठीक हो जाती है। सुबह करके देखिए, सुबह यदि आप कहीं दूर बैठे हो, मैं अपने यहां करता हूं कनखल में, मुझे रेलवे स्टेशन के इंजन की आवाज सुनाई देती है जब इसको कर लेते हैं ऊपर छत में बैठते, तो पहले नहीं सुनाई देती, जब इसको 10-15 बार 20 बार कर लेते हैं और फिर शांत होकर बैठ जाइए तो वो रेलवे स्टेशन की आवाज भी, वहां से रेल की इंजन की आवाज सुनाई दे सकती है, इतना बढ़िया काम करता है इसको कान के। आप देख, आंखों को दबा के देख लीजिए, आपको तुरंत, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप में आंखों में दिक्कत हो रही है, इन दोनों मर्मों को दबा के देख लीजिए और आप देखेंगे कि आपका विजन क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये श्रृंगाटक को दबा के देख लीजिए, ये श्रृंगाटक दबाइए और फिर अंत में ये फणामर्म, ऐसे हाथों को रख लीजिए और ये छोटी उंगली के बराबर का गड्ढा है। देखिए, हर चीज की चाबी की का साइज अलग होता है, ताले चाबी का साइज होता है ना, लॉक एंड की कहते हैं, ऐसे ही क्या होता है कि हमारे जो शरीर में जो हमारी सेल्स होती हैं उनमें एक तरह के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स। तो अलग अलग साइज के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग साइज इसके रिसेप्टर्स होते हैं और उनके उस साइज के मॉलिक्यूल के द्वारा उनको हम लोग ब्लॉक कर लेते हैं। जैसे S2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, B1 ब्लॉकर है, ब्लॉकर्स होते हैं, उनके एनालॉग्स की दवाई देते हैं, वो उनमें भर जाते हैं तो वो उतनी देर के लिए काम करते हैं। तो ऐसे ही हर मर्म के साइज अलग अलग है। कान के पीछे यदि आप ऐसे दबाओगे तो नहीं दबेगा ठीक से। कान के पीछे किससे दबाना पड़ेगा, अंगूठे से दबाएंगे तो ठीक से दबेगा, ऐसे पूरा इसका जोड़ अंगूठे से दबाएं। और किसी भी व्यक्ति को यदि सुनने में दिक्कत हो रही है या टिनिटस है, टिनिटस का मतलब समझते हैं, जिसमें कर्णनाद या कर्णक्षेद, कान में आवाज आती है, सू सू घू घू की आवाज आती है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम कहते हैं विदुर मर्म। और उसके साथ साथ क्या करना, ये प्रिस्क्रिप्शन क्या हो गया, विदुर मर्म के साथ श्रृंगाटक मर्म। अब यदि किसी को आंख की तकलीफ है तो ये दो मर्म है, यहाँ पे अपांग और आवर्त, ये गड्ढा है, इसके साथ दूसरा गड्ढा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इस तरफ दो उंगुल की दूरी पे एक दूसरा गड्ढा दिखाई देगा, तो ये दोनों उंगलियों से, ये दो साइज का, इसको दबाएंगे तो क्या है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत बढ़िया चीज है। किसी बच्चे को यदि स्क्विंट है, आंखों का तिरछापन, तो कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं आंखों से, जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो ये अमृत है, समझिए। तो उनके लिए क्या है, ये नीचे ये इसको दबाएंगे और इसको दबाएंगे तो ये स्क्विंट जो आंखों का तिरछापन है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये इन दोनों को ये क्या है, आंखों के लिए, और ये फिर ये इसको दबाएं नासिका के लिए, फिर इसको दबाएं और इसको दबाएं। विशेष रूप से कोरोना में जब ये नाक से सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती थी उसमें भी हम लोगों ने इस मर्म का उपयोग किया और बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिले लोगों को, बहुत अच्छे। तो इसको दबा सकते हैं और इसको दबा सकते हैं। तो ये मर्म क्या हो गए, आपके सिर के मर्म हो गए, ठीक है। तो लगभग पूरे मर्म हो गए आपके टोटल, यहां से अधिपति से शुरू किया, एक अधिपति हो गया, फिर ये पूरे 13 मर्म ये बताए, फिर कान के पीछे के मर्म हो गए, नास के पास हो गया, ये स्थपनी हो गया, इसके बाद ये फिर ये जो दोनों मर्म हो गए, फणा मर्म हो गए, चार ये हो गए, तो इस कुल मिलाकर 37 मर्म स्थान हो गए। इसके साथ साथ कुछ और मर्म बिंदु है, देखिए एक मर्म के विषय में मैं बताऊंगा सिर्फ अभी, आपको तल हृदय मर्म की बात बताऊंगा। एक मुझे एक मार्कर दे दीजिए और एक वॉलंटियर आ जाए मेरे पास। देखिए मर्म चिकित्सा के लिए यदि उसके रिजल्ट चाहिए तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मर्म पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको जगह ही नहीं पता होगी, यदि आपको पतंजलि नहीं पता है कि आप पतंजलि कहाँ उतरना, आप उतर जाए क्या कहते हैं कहीं दूर, है ना, कहाँ उतरना आपको ये नहीं पता, आप लक्सर उतर जाए कहीं दूसरी उतर जाए, तो फिर आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। ऐसे ही मर्म बिंदु जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझते तब तक इसको कहीं इसका उपयोग नहीं कर सकते, तब तक कोई फायदा नहीं। और इसका कहीं सीधे डिस्क्रिप्शन हमारे पास कहीं टेक्स्ट में नहीं लिखा कि यहां पे मर्म बिंदु ऐसा होता है, उन्होंने लिखा कि ऐसा होता है, तल में इसके बीच उंगली की उसमें ऐसे होता, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए नहीं।
अब यदि हम आपसे कहें कि मुट्ठी को यदि ऐसे बंद करें, बीच की उंगली जहां पर तल का स्पर्श करती है उसको हम क्या कहते हैं? तल हृदय कहते हैं। क्या कहते हैं? तल हृदय। अब ये कोई कहे कि भाई मैं तो ऐसे करूंगा, कोई कहेगा मैं तो ऐसे करूंगा, तो वही होगा? नहीं होगा ना। यदि किसी की उंगली में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो मोड़ा नहीं सकता पूरी उंगली, तो क्या होगा? किसी की उंगली तिरछी यहां जा रही है, किसी की यहां जा रही, तो एक विधि तो हमने बताई क्या है कि यदि इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा? बीच की उंगली जहां तल का स्पर्श करेगी तो उसको क्या कहेंगे? तल हृदय। लेकिन ये पूरी साइंटिफिक नहीं है। अब इसको पूरी तरह से फूल प्रूफ करने के लिए क्या करना है? ये अंगूठा है, ये इंडेक्स है, ये मिडिल फिंगर, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल लाइन स्ट्रेट लाइन खींची। इसको समझ लीजिए, यदि सिर्फ आप एक बिंदु समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत मेरा यहां आना सफल हो जाएगा, एक ही एक बिंदु से। ये क्या है, इसको हम कहते हैं तल हृदय मार्ग। अब हर व्यक्ति का शरीर नपा हुआ है, ठीक है? कैसे नपा हुआ है? ये शरीर कितना है, कितने कितने अंगुल है, है? 96 या 84? 96। कुछ लोग कहते हैं 84 अंगुल, कुछ लोग कहते हैं 96 अंगुल, है? कुछ लोग कहते हैं 120 अंगुल, ठीक? कैसे 84 अंगुल है? जो इससे नापते हैं वो 84 अंगुल है, इस पूरे पर्व से। जो ऐसे नापते हैं वो क्या कहते हैं? वो 84 अंगुल है, ठीक है? ये 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 96 हो गया, ये 84 हो गया। यदि इस पर्व को नापेंगे, देखिए इस पर्व में इसमें क्या लगभग ये 1.5 गुना है, तो ऐसे नापेंगे तो क्या होगा? ये 96 अंगुल होगा, और यदि ऐसे नापेंगे तो क्या होगा पूरा? ये 84 अंगुल होगा, ठीक? और यदि ऊपर करके करेंगे तो क्या होगा? 120। क्यों होगा? क्योंकि यदि हम ऐसे नापें, यदि हम ऐसे नापें, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 26 अंगुल है। कितनी है? 26 अंगुल। यहां से नापें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये आप नापिए 4 अंगुल, ये है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 अंगुल नापिए आप, 4 और 2 6। अब इसमें क्या करना है, जहां यहां से आपके 3 अंगुली कहां आती है, 3 अंगुली नापिए इसमें, इसमें से इसे नापिए यहां से, छोड़ दीजिए। अब मुट्ठी बंद कर लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए, ऐसे देखना नहीं है, बिना देखे मुट्ठी बंद कीजिए। अब बाकी उंगलियों को हटा लीजिए, बाकी उंगलियों को हटा लीजिए, बीच की लगी रहने दीजिए। ये कहां पे आएगी? उसी जगह पे आएगी। कोई बात नहीं, ठीक? वो किया नहीं, कभी किया नहीं ना ऐसा, तो इसलिए ठीक, एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये कौन सा हुआ? इसको तल हृदय मर्ग। अब इसमें कहीं गलती नहीं हो सकती, कोई भी गलती नहीं हो सकती इसमें। तो ये टेक्निक है कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द तल हृदय मर्ग। अब पैर में भी होना चाहिए, तीन तीन ही है वो तो। अब पैर में भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? पैर में भी क्या होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। अब इसमें क्या करना, देखिए जैसे ये हाथ का अंगूठा है, इंडेक्स है, फिर ये एक मिडिल फिंगर, ऐसे ही एक हमारा थंब हो गया, सेकंड टो हो गई, थर्ड टो हो गई, ठीक है? अब थर्ड टो से हमने एक लाइन खींची, थोड़ा सा हमारा पीछा हो सकता है, मैं करूं उधर भी दिखा देंगे। अब यहां से लेके, देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, जैसे आपको बताया मैंने, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 6 अंगुल, और यहां से यहां तक की दूरी है 12 अंगुल। नाप के देख लीजिए सब लोग, किसी का बड़ा छोटा होगा तो अभी ठीक कर देंगे। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? 12 अंगुल। सब नाप लीजिए, घर पे जाके नाप लीजिए, 12 अंगुल। अब क्या करना है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है उसको हमें दो में डिवाइड करना है। इसमें दो डिवाइड करना, जैसे हमने यहाँ किसकी किया, 3 अंगुलियां किया, 3 अंगुलियां। अब ये 6 अंगुलियां, 6 अंगुलियां, देखिए मेरे से कुछ गलती हो सकती है, आपकी साइज का नहीं है, मैं अंदाजे से करूँ, अंदाजे से मैं करूँ, कुछ मैं कर दूँगा। अब आप ये कीजिए कि उंगली तो मोड़ी नहीं, आप ये दूसरी टेक्निक तो हुई नहीं, गलत है नहीं, पैर के लिए भी कुछ है ना, फिर
अब आपको क्या करना है, ये एक जो बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल है, ये पांचवी जो उंगली है, ये पांचवी उंगली, इसका एक गांठ होती है, सत्य होती है गांठ, इस पे क्या करना है, इस पे बड़ी उंगली रखनी है और अब इसको हाथ को इनसर्कल करना है, तो कहां पे आएगा, इसको इसको तो इसको विज्ञान कहते हैं ना, ठीक है। अब जब हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने की टेक्निक आपने पता कर ली कि हाथ में भी वही सिद्धांत है जो पैर में सिद्धांत है। भाई पैर की उंगलियों को आप ऐसे नहीं मोड़ सकते, पैर की उंगली को ऐसे मोड़ के नहीं ला सकते, ला सकते हैं नहीं, तो इसकी कोई टेक्निक होनी चाहिए। देखिए ये फिफ्थ मेटाटार्सल है, पांचवी हड्डी, तो इसमें क्या करना, बीच की उंगली रखनी है इस हड्डी के ऊपर और फिर इसको इनसर्किल करना, ठीक है। फिर घुमा के दिखा दीजिए, आपकी नहीं मुड़ रही है ना, तो इसीलिए तो वो गड़बड़ है, तभी तो दूसरी टेक्निक बताइए कि ये सही। देखिए किसी की उंगली मुड़ी होगी तो इधर चली जाएगी, किसी की इधर चली जाएगी, सीधी करनी है, तभी तो दूसरी टेक्निक है वो। आप इधर गलत हो ही नहीं सकता। देखिए किसी की उंगली तिरछी होगी तो ऐसी चलेगी, ऐसी चलेगी, लेकिन सीधे जाएगी, वहीं जाएगी, कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो ये टेक्निक तो ये मर्म चिकित्सा को जानने के लिए मर्म बिंदु का जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई किया कैसे करते हैं, और बैक के पॉइंट आपको बताते हैं, जहां हाथ लगाएगा वहीं मर्म बिंदु मिलेगा। देखिए जो ये कहीं मर्मों का ऐसा विवेचन नहीं है, लेकिन मर्मों को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए, सबसे पहले जो मर्म है मेरे पास, इधर आ जाइए। यदि हम हाथ को ऐसे रखेंगे, देखिए यहां से ये सीधा सीधा 90 डिग्री पे, ये 45 डिग्री का कोण। देखिए जो पीछे के मर्म होते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि भाई ये जो अंश मर्म होता, अंश कहते हैं बीच की एक्सिस को, शरीर का जो अंश होता है, एक्सल लाइन कहते हैं ना, ये जैसे टायर का अलाइनमेंट, गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं तो उसके लिए है, इसको अंश मर्म कहते हैं। तो कंधे की का दर्द है, और क्या कहते हैं ये जो गर्दन का दर्द है उसके लिए भी बहुत फायदा करता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये तो हो गया, इसको हमने कहा क्या क्या है, ये अंशमर्म, अंशमर्म हो गया। इस तरफ दूसरी तरफ क्या करिए, हाथ उठाइए। अब इसके बाद अब इसको पीछे ऐसे 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 टच कीजिए, सीधे सीधे छोड़ दीजिए। यहाँ योग के विद्यार्थी हैं, ये हाथ कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम ये सामान्य रूप से उन लोगों के लिए करते हैं जो सामान्य व्यक्ति होता है, वो कहाँ हाथ उसका जाता है उसको वो चीज कहीं जाती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये आठवीं होंगे। अब इसके बाद एक तीसरा परीक्षण होता है कि यदि हम हाथ को ऐसे लाए 90 डिग्री पे लाए और जहां पर आप स्पर्श कर सकते हैं इसको, तो मिड लाइन से आठ, ये चार उंगुल की दूरी पे, मेरी उंगली नहीं, इनकी उंगली से चार उंगुल की दूरी, और जहां पे स्कैपुला है होती है, छोड़ दीजिए। हाँ ये स्कैपुला देख रहे हैं, इसका जो इंफीरियर एंगल है
क्योंकि ये योग के विद्यार्थी हैं, इसलिए इनका हाथ जा रहा है, नहीं तो सामान्य रूप से क्या होता है, ये वही वाला स्पर्श होगा जहाँ पे ये तो कहीं, ये तो नीचे और ला सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे आता है, इसको इसको यदि ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा नहीं करना है आप भी, यहाँ योग के विद्यार्थी हैं, ये सामान्य रूप से क्या होगा, यदि क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये इस जगह पे आएगा। अब इसके बाद यदि इस हाथ को ऐसे लाएंगे 90 डिग्री पे, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, ठीक। यदि ये ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखिए हाथ, ऐसे ऐसे रखिए पसलियों के नीचे, पसलियों के नीचे रखिए, तो कहाँ पे आएगा, ये पार्श्व सुनिए, ठीक है। अब ये कुकुंद्रक मर्म जो है, ये जो दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये कुकुंद्रक मर्म हड्डी के नीचे। अब इसके बीच में क्या है कि देखिए, इससे इससे की दूरी कितनी है, आठ अंगुल, इससे इसकी दूरी कितनी है, आठ अंगुल, इससे इसकी दूरी कितनी, आठ अंगुल, इससे इसकी दूरी कितनी, आठ अंगुल। अब इसको ले जाइए, इस पैर को हमने ऐसे मोड़ा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, कटिक तरुण, कौन सा पॉइंट हो गया। अब यदि व्यक्ति कटिक तरुण नहीं तो बैठ सकता, नहीं बैठ सकता, तो हमें क्या करना है, ठीक है, यदि पीछे के व्यायाम नहीं कर सकता तो हमें क्या करना, बैक के पॉइंट से नहीं हो रहे तो अच्छा, तो ये मिड लाइन से चार अंगुल एक दूसरे के बीच में, आठ अंगुल का डिफरेंस, ये वहीं आते हैं अपने, जैसे मैंने ये पकड़ा। अब इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण, एनाटॉमी का कोई व्यक्ति बैठा है, शरीर रचना से संबंधित कोई व्यक्ति बैठा है, आइए आइए। देखिए अपेंडिक्स की पोजिशन कहाँ पे होती है, मैं आपको बताऊँ, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और ये अम्बिलिकस को यदि हम एक लाइन खींचे, इनको नहीं बताऊंगा मैं, ये नहीं देख पाएंगे, मीडियल टू थर्ड और लेटरल वन थर्ड, मतलब एक तिहाई यहां और दो तिहाई इधर, लगभग इधर है ना, ये यहां पे होता है। अब कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इनका पार्श्व संधि मार्ग जहां ये है, यहां पर थोड़ा सा इनका पेट। अब क्या होता है, देखिए ये जो पार्श्व संधि मर्म है, जहां आप आइए, इनके बिल्कुल ठीक मिलेगा, ये देखिए इनका जो पार्श्व संधि मर्म है, ठीक है, और ये ऑब्लिक रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से, ये यहां से इलियक क्रेस्ट से, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, मैकबर्नीज पॉइंट होगा, ठीक है। हमने हाथ कहाँ रखा, यहां से चार अंगुल की दूरी पर पार्श्व संधि मार्ग पे, यदि हम अंगूठा रखेंगे, ऑब्लिक रखेंगे इस मसल, ये क्या कहते हैं, अपने रिब्स के पैरेलल, ये रिब्स है, लास्ट रिब है, तो ये जो बीच की उंगली आएगी कहां पे आएगी, ये मैकबर्नीज पॉइंट पे आएगी। एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जो एक्सटर्नल नोच है, यहां क्लेविकल है, यहां से यदि ये हाथ रखे ऐसे, हाथ रखो आप यहां पे, अंगूठा रखो, योग वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत है हमें, इन लोगों की ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये यहाँ पे क्या, जीपी स्टर्नम, अब ये जीपी स्टर्नम पे रखेंगे तो कहाँ जाएगा, ये नाभि पे, नाभि ये रखेंगे तो ये क्या जाएगा, ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ से रखिए तो ये जीपी स्टर्नम पे, जीपी स्टर्नम पे रखिए तो ये नाभि पे, नाभि पे रखेंगे तो फिर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो ये सारा का सारा शरीर नपा हुआ, एकदम नपा हुआ, ऐसे ये हम लोगों ने इसको ये टेक्निक डेवलप किया कि जिससे कि मर्म में कहीं कोई विभेद ना हो, कोई आदमी कहे मैं तो यहाँ करूंगा, मैं तो वहां करूंगा, ऐसा नहीं। तो जब यदि ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे तो आपको सारे रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो ये क्या है, देखिए यह हमने क्या किया, ये क्या है, अंश मर्म है, फिर अब ये जो बृहति मर्म है, पाप संधि है, ये बृहति मर्म, बृहति मर्म को हम लोग कहते हैं, ये जो स्कैपुला है थोड़ा सा ऊपर है, ये लेट के ठीक होते हैं ना, ये ठीक है ना, आप पैर जो आ गया ना, थोड़ा सा इनको हल्का सा स्टेबिलाइज भी, हल्का सा इनका कर्वेचर भी है, थोड़ा दिक्कत है, थोड़े स्पाइन में थोड़ी सी इनकी दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा, अब ये जो स्कैपुला के नीचे है, अब इसमें क्या है, इसको देखिए, यहाँ पे दो मर्म स्थान होते हैं, ये जो निप्पल है, निप्पल से दो अंगुल नीचे और दो अंगुल ऊपर, ये होता है स्तंभुल और स्तंभुली। अब क्या करेंगे, यदि हम एक रॉड लें और ऐसे पेनिट्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे पेनिट्रेट, तो यदि ये पेनिट्रेट करेंगे तो कहां निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, निकाय मैं शिशु,
कि यदि ये जो दोनों जो हमारा अंश है अंश वाला कहेंगे ब्रह्मी, तो ब्रह्मी से यदि हम एक पूरी रॉड डालेंगे तो कहाँ निकलेगा, इसके नीचे इसका मूल पे निकलना चाहिए। ठीक, तो ये सारी की सारी ये जो टेक्निक हम लोगों ने डेवलप की है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वही पॉइंट होना चाहिए। ये मिड लाइन है, मिड लाइन से चार अंगुल की दूरी पे दोनों होना चाहिए, इनके बीच में आठ आठ अंगुल का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैक के पॉइंट है, और बैक के पॉइंट इन चीजों से क्या होता है कि जो कमर की जितनी भी तकलीफें हैं उनको ठीक किया जा सकता है। एक मर्म और बताना चाहूंगा जो कक्षाधर मर्म है। कक्षाधर मर्म का मतलब क्या है, इसको ऐसा कीजिए, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, इसको हाथ को ऐसे लगाओ, इसमें फंसाइए, इसको नीचे रखिए, अब बीच की उंगली जहां जाती है ऐसे इसको फंसाइए, या इसको ऐसे रखिए अंगूठे को ऐसे, दोनों हाथों को ये रखिए। अब ये जो कक्षाधर है वो कहां होता है, ये बीच में होता है, इस जैसे यहां बिटअप होता है, ये जो एक्जिला होती है जैसे हमने आपको बताया क्रॉस लेग लगाएंगे, तो अब इसको ऐसे करिए जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं, तो जैसे बटरफ्लाई करते हैं इसको ऐसे कीजिए। तो जिन व्यक्तियों में ये कहा जाता है कि हाथ सूखने लगता है, ठीक है, तो एट्रोफी ऑफ द हैंड, उनके लिए ये बहुत बढ़िया होता है। इसको ऐसे रखें, ऐसे रखें, नहीं अलग अलग क्रॉस नहीं करना, अलग अलग ऐसे रखना है, दोनों हाथ कर रखें इसको, ये बीच का अंगूठा जहां घुसता है वो मिड पॉइंट होता है। इसमें पद्मासन लगा के बैठिए, पद्मासन लगा रखा है ना, तो ये एडी है, दोनों एडी है, इसको हम लोग कहते हैं विटअप मर्म, ये दोनों इसी जगह पे आता है। ठीक है, तो जब भी हम कोई योग का पोस्चर करते हैं, जो भी कोई चीज हम लोग आसन कोई करते हैं, तो अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक मर्म पॉइंट। यदि अब उल्टा लेट के कोई भी आसन करिए, भुजंगासन करिए, जरा हम लोगों ने इसके कॉम्बिनेशन बनाए, हर आसन का कॉम्बिनेशन, मर्म का कॉम्बिनेशन बनाया। अब इसको भुजंगासन कीजिए, सबसे ज्यादा किस पे पड़ा, कुकुंद्रक मर्म पे, ठीक है, इस पे कुकुंद्रक मर्म पे, तो इस पे यदि कुकुंद्रक मर्म का उपचारित करना है तो इस पे, वज्रासन कर रहे हैं तो किस पे सबसे ज्यादा पड़ रहा है, कटिक तरुण पे, यदि हम ये क्या कहते हैं शीर्षासन कर रहे हैं या हलासन कर रहे हैं तो ये कंठ के मर्म जितने भी पीछे और बैक के पीछे। सामान्य रूप से एक चीज और होती है जो कूर्च और कूर्च सिर होता है, पैर के यहाँ पे होता है कूर्च, कूर्च ये होता है, कूर्च सिर ये होता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक बीमार हैं और 6 महीने साल भर तक बिस्तर पे पड़े, तो सामान्य रूप से वो मर्म उपचारित नहीं करने चाहिए, जिनका सामान्य रूप से हम लोग चल रहे हैं, तो हाथ के कूर्च और कूर्च सिर ये जो मर्म होते हैं हम इनको स्टिमुलेट नहीं करते, क्योंकि हर चीज में ये इस्तेमाल होते हैं। बैक के मर्म भी सामान्य रूप से हम लोग, क्योंकि हम लेटते हैं बैठते हैं, पैर में ये आणी उर्वी पीछे होते हैं, तो इनको भी हम जब बैठते हैं तो दबते हैं, पैर के कूर्च और कूर्च सिर भी दबते हैं, लेकिन ये तल हृदय मर्म नहीं दबता, क्योंकि ये फुट ऑफ आर्च में होता है, आर्च ऑफ फुट में होता है, तो आर्च ऑफ फुट जो है उसके बीच में तल हृदय होता है, इसलिए इसको उपचारित करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहता है, 6 महीने साल भर तक यदि वो बीमार है, तो उसको एनर्जी लो रहती है, तो उसको लिए क्या करना है, इसको भी दबाना और इसको भी दबाना, तो कूर्च और कूर्च सिर को दबाते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक वो खड़ा नहीं रहता, चलता फिरता नहीं, इसलिए उसको भी यदि इसको करते हैं तो बहुत सारा फायदा होता है। तो आपने समझ लिया कि पीछे के पॉइंट कैसे होते हैं, तल हृदय, कुछ मर्म बिंदु मैंने बताने की कोशिश की कि जिससे कि है भाई कूर्च ये हो गया, कूर्च सिर ये हो गया, मोटे मोटे हो गए ना, कूर्च यहाँ हो गया, कूर्च सिर हो गया, हाथ में कूर्च हो गया, कूर्च सिर हो गया, लिखे हुए, इनको सामान्य रूप से उपचारित हम लोग नहीं करते। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति ना तो हाथ से कोई काम कर रहा ना पैर से कोई काम कर रहा, लंबे से 6 महीने से किसी को फ्रैक्चर है या कोई एडमिट है, तो उसको ये भी पॉइंट करने से एनर्जी जल्दी से आती, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है सारे मर्मों का, जो अभी आप पूछ रहे थे कि भाई मर्म का कोई मॉडल या कोई वो, तो मर्म के पॉइंट्स नेक्स्ट देखिए, मर्म के बिंदु वो नहीं है कि भाई हम इसमें कहीं कोई मेथी का दाना बांध दें या मैग्नेट बांध दें तो उससे फायदा होगा, ऐसा नहीं। ये डीप सीटेड फिजियो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें लिखा है कि मान सिरा स्नायु अस्थि संधि सब, और जब भी हम लोग ये कोई दाना वाना मेथी वेथी बांध देते हैं तो क्या करता है, वो सिर्फ स्किन के ऊपर रहता है, तो उससे मर्म का कोई लेना देना नहीं। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, अनमा, मॉक्सीवस्टन से क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये हम लोगों की अपनी वैदिक साइंस है, इसलिए गर्व से कहना चाहिए कि भाई ये हमारी वैदिक विधा है और इसी से सारी चीजें निकली हुई। तो ये डीप सीटेड हैं, जहां मांस सिरा स्नायु अस्थि और संधि सब मिले होंगे तभी मर्म कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो ऊपर
कोई मैग्नेट लगाने से या हम कोई कोई एक दाना बांध देते हैं तो सिर्फ स्किन का हिस्सा ही टच होता है, लेकिन मर्म उसको हम मर्म नहीं कहेंगे। नेक्स्ट फटाफट ये देखिए, ये जहाँ जहाँ ये टाइप्स मर्म की चिकित्सा तीन तरह से होती है। एक सेल्फ मर्मा थेरेपी होती है, क्यूरेटिव होती है, फॉलो अप मर्मा थेरेपी। सेल्फ मर्मा थेरेपी का मतलब होता है कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें, अपने मर्म बिंदुओं को कैसे दबाएं, उसका एक प्रोसेस होता है 2 मिनट का, उसको कर लेते हैं, सारे मर्म अपने दबा लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि यदि किसी को डायबिटीज है उसके पॉइंट बता दिए, किसी कोई बीमारी है तो उसके रेंडमाइज वे में करते हैं कि तुरंत उसको करते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि उसको बता दीजिए कि भाई तल हृदय है, इसको रोज आपको दिन में 3 बार करना, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, वो ठीक है, तो उसको फॉलो अप मर्मा थेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट फटाफट चला लीजिए और चला लीजिए, इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये डिफरेंट यूरिनरी सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में, और चलाइए। ये डिफरेंट मर्मा के पॉइंट्स हैं कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट 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 चलाइए। देखिए सब सारे के जितने भी मर्म होते हैं, ये स्टिमुलेशन ऑफ मर्मा ट्रेवल्स थ्रू द नर्व। कोई भी यदि हम कहें कि मर्म कैसे है, नर्व के माध्यम से ही जाता है, लेकिन क्या होता है कि मल्टीफोल्ड होता है, कैलकुलेटेड है स्टिमुलस फ्रॉम PNS टू CNS। जब भी हम मर्म का स्टिमुलेशन करते हैं तो स्किन है, फेशिया है, ब्लड वेसल है, बोन है, सबका स्टिमुलेशन इकट्ठा जाता है, इसलिए इसका मल्टीफोल्ड इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में जितने भी केसेस होते हैं जिनमें नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, उनमें भी मर्म चिकित्सा से बहुत फायदा होता है। AVN का दिखता है तो एक केस है। हाँ ये देखिए, ये एक केस दिखाना चाहते हैं जिसकी बात मैं कर रहा था, जो बच्चा हम करें 10-15 साल से स्कंद है, ये बच्चा सन 2006 से हम लोग इसको डील कर रहे हैं। नेक्स्ट दिखा दीजिए, इसका देख सकते हैं, जस्ट यू कैन कंपेयर विद बोथ द हेड्स ऑफ फीमर के दोनों हेड्स देख सकते हैं, एक डिजनरेट हो रहा है, एक दूसरा दिखाइए। नेक्स्ट हाँ ये देखिए, आप डेट भी देख सकते हैं 2006 का है। नेक्स्ट 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 ये देखिए, और डिजनरेट हो गया, आप हेड जो है बिल्कुल ऐसा ब्रेड पीस की तरह से दिख रहा है, बिल्कुल हेड गोला खत्म हो गया, सीवियर इपिफिजियोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट अब ये देखिए, हीलिंग का प्रोसेस है विद मर्मा थेरेपी। नेक्स्ट नेक्स्ट अब ये देख सकते हैं, अब इससे पहले दिखा दीजिए, सिर्फ इतना ही कह के मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी का और सभी फैकल्टी मेंबर्स का, कि आपने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी अजय जी, इसमें एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा में क्या अंतर है? देखिए एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा, एक तो दोनों की जो दोनों विधाएं वो अलग अलग है, ठीक है। इसको हम एक छोटी सी बात से मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग बार बार एक बड़ा एक हंसने वाला एक उदाहरण देते हैं। यदि मुझे एक एप्लीकेशन माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है तो उसकी 2 विधियां हैं। मैं उत्तराखंड के एक बहुत दूर के गांव में रहता हूं और मुझे वहां तक प्रधानमंत्री जी तक एप्लीकेशन देनी है तो सबसे पहले मैं वो एप्लीकेशन किसको दे सकता हूं? सरकारी तंत्र में वहां पटवारी होता है, किसको दूंगा मैं? पटवारी को दूंगा, पटवारी के लेखपाल को, लेखपाल पटवारी को देगा, पटवारी किसको देगा? SDM को देगा, SDM किसको देगा? ADM को देगा, ADM सीधे किसी को नहीं दे सकते, कमिश्नर को नहीं दे सकते, वो फिर DM को देगा, DM किसको देंगे? कमिश्नर को देंगे, और कमिश्नर फिर वो ऊपर कहीं भेज सकते हैं, PMO में भेज सकते हैं जो उस लायक हो। लेकिन यदि आपको एप्लीकेशन देनी है और सीधे आप PMO में रिसीव करा के आएं तो दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे पहुंचेगी, ठीक है। तो मर्म चिकित्सा के जो मर्म बिंदु हैं वो टारगेटेड पॉइंट हैं और तुरंत एकदम आपने एप्लीकेशन कहाँ भेज दी, आपने सीधे जहाँ टारगेट पे देनी है वहाँ पे पहुँच गई, वो बाया मीडिया नहीं है इसमें। दूसरी चीज, ये जो मर्म चिकित्सा है वो सभी जो ओरिएंटल मेडिकल साइंसेज है उनकी जननी है, सब उनकी। जब बौद्धिज्म के साथ जब ये साइंस, ये बुद्ध धर्म गया, इसके साथ साथ सारी की सारी कुछ मेडिकल साइंसेज भी ये ट्रेवल की गई। क्योंकि मैंने जब जापान में गया हूँ तो कोबे और क्योटो में देखा, कोबे में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें बहुत सारे मंत्र हैं संस्कृत के और उसमें कुछ संस्कृत के लिपि, फिर उसके बाद वो जापानीज में, उस पूरी की पूरी एक वहाँ एक बहुत बड़ा उनका एक मंदिर, उसको क्या कहते हैं, बौद्ध स्तूप है, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो जो भी साइंस हमारे यहाँ पार्शली गई वो उन परिस्थितियों में कैसे डेवलप हुई वो उसके रूप में। जब आप कंपेयर करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को, कोरियन स्कूल है, जापानीज स्कूल है, साउथ ईस्टिया के जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया के डिफरेंट कंट्रीज है, चाइनीज है, जापानीज है, इनमें सब में डिफ्रेंशिएशन है। उनके नंबर भी अलग है, उनके मेरिडियन अलग है, उनके इफेक्ट अलग है, उनका कहीं सारी चीज़ों का अंतर है। लेकिन जो महर्षि सुश्रुत के मर्म है वो सिर्फ 107 मर्म है और कहीं कोई ये नहीं कि इसका ये है उसका वो, कहीं कोई वो दिक्कत नहीं।
यदि हम 10 जगह दबाएंगे तो अल्टीमेटली जो जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स तले हृदय मर्म ही है, तो ये जो मर्म है वो टारगेटेड पॉइंट है और उन पर दिया गया कोई भी आघात है, कहीं इसमें कहीं एक्यूप्रेशर में लिखा है कि यदि इस पे पॉइंट पे चोट लगेगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मर जाएगा, ऐसा कहीं है? नहीं, नहीं है। लेकिन ये टारगेटेड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जानते थे कि इसकी एफिकेसी क्या है। और चिकित्सा के रूप में लिखने न लिखने का ये मेरे ही कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं कि मैं उसको समझ पाया, वो आचार्य हमारे सब जानते थे, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो, उसको वो ठीक से उपयोग नहीं होगी तो वो निरापद नहीं रह सकती, नुकसान उसका हो सकता है, इसलिए उसको चिकित्सा के रूप में उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र उन्होंने उसको लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कहाँ पे क्या करने से क्या होता है। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब भी हम नश्य देते हैं, नाक में कोई भी चीज डालते हैं, तो वो श्रृंगाटक मर्म के माध्यम से फैलकर समस्त इंद्रियों को बल देता है, लिखा है उन्होंने नश्य के कर्म में लिखा। फिर उन्होंने लिखा है कि जब क्षवतु और दवतु लिखा है कि छींक कैसे आती है, कि जब प्रकृत वायु है वो श्रृंगाटक मर्म को दूषित करती है और वेगपूर्वक नाक से निकलती है, तो हम उसको क्षवतु कहते हैं, छींक कहते हैं। तो यत्र तत्र उन्होंने मर्म को इससे जोड़ा है। और जब हम लोगों ने सारी चीजों को, मर्म को विभिन्न ग्रंथों में, पुराणों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में, उसके क्या कहते हैं उसकी टीकाओं में देखा, तो ये पूरा विज्ञान समझ में आया। तो ये एक अपने से पूर्व मूल रूप से वैदिक विज्ञान है और इसको हम लोग मानते हैं कि अंगन्यास और करन्यास के माध्यम से ही ये था। और इसको हम जब भी कोई भी काम करते हैं, तिलक यहीं पे लगाते हैं, तिलक यहाँ पे कभी नहीं लगाता कोई आदमी, तिलक यहाँ लगाता हो तो बताइए, कोई लगाता है तिलक? नहीं, नहीं लगाता तिलक, नहीं तो यहाँ भी लगा सकते थे हम, भाई शौक है, फैशन है, आप यहाँ लगा लीजिए, ये फैशन के लिए नहीं था। तिलक हम सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाते हैं? स्थपनी मर्म पे ही लगाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं लगाते। माताएं आजकल भले ही मांग यहाँ से भरने लगी हैं, लेकिन मांग कहाँ पे भरी जाती है? मांग सिर्फ सीमंत मर्म पे ही भरी जाती है, ठीक है। इसी ढंग से हम जब खड़ाऊं पहनते हैं तो क्षिप्र मर्म, पैर का पाद क्षिप्र पे प्रेशर आता है, जितने भी हमारे आसन है वो निश्चित रूप से किसी स्पेसिफिक मर्म को ही उत्प्रेरित करते हैं। तो ये टारगेटेड पॉइंट, इसको क्या करते हैं, देखिए इसमें जो इसके परिणाम है, इनके परिणामों को आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, अनमा, मॉक्सीबस्टन, सेस्तु कैंपू, इनके परिणामों से के सापेक्ष कहीं नहीं आते। देखिए जब गर्व से हम कह सकते हैं भारतीय चिकित्सा विधि, तो हम लोग, मैंने अपनी किताब में लिखा है, दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में एक हमारा कोर्स चलता है ज्योतिष अलंकार में, एक करीबन 400-500 लोग प्रति 6 माह में उसमें एडमिशन लेते हैं, वो भारतीय विद्या भवन उसको संचालित करती है ऐसे देश भर में। तो हम लोगों ने उसमें किताब में लिखा है कि जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, अनमा, मॉक्सीबस्टन ये सब करते हैं, इनको वैदिक विधा से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है मर्म चिकित्सा। मर्म चिकित्सा आपकी मेरी अपनी चिकित्सा पद्धति, वो तो बाहर की चिकित्सा पद्धति, आज हम विरोध कर रहे हैं ना, हम एलोपैथी का भी विरोध कर रहे हैं, हम चाइनीज सिस्टम का भी विरोध कर रहे हैं, तो ये चिकित्सा पद्धति उतने परिणाम नहीं देती जितना मर्म चिकित्सा देती। आप इसको करके देख लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि आप जब भी करते हैं, यदि जो भी मर्म चिकित्सा करता है वो मर्म चिकित्सा, 4 मरीज मर्म चिकित्सा से कर ले और 4 एक्यूप्रेशर से कर ले, जिसके रिजल्ट अच्छे उसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। हम नहीं कहते कि भाई आप मत कीजिए, आप कंपेयर करो ना कि हमारे हमारे विज्ञान में कितना दम है, ये आपका विज्ञान है तो ये वैदिक विधा है, इसमें कितना दम है। इसमें दूसरी चीज, इसमें कहीं भी कोई वो डिस्क्रिप्शन नहीं, वो है, उन्होंने लिखा है कि कूर पर कहाँ पे होगा, इंद्रवस्ती कहाँ पे होगा। देखिए इंद्रवस्ती मर्म कहा है कि इस पर आघात लगने से व्यक्ति की रक्त क्षय से मृत्यु होती है, रक्तस्राव से नहीं होती। क्या लिखा है? रक्त क्षय से मृत्यु होती। रक्त क्षय का मतलब क्या होता है? खून बनने की प्रक्रिया कम होना, खून नहीं बनना, चाहे वो प्लेटलेट नहीं बन रहा हो, चाहे आरबीसी नहीं बन रहा हो, चाहे डब्ल्यूबीसी नहीं बन रहा है, चाहे कोई उसका फ्रेगमेंट नहीं बन रहा, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं? रक्त क्षय। तो इंद्रवस्थी मर्म से समझ में नहीं आता था कि भाई यदि यहां पे दबाएंगे, उसको दूसरे सिस्टम से तो हमने और चीजों से जोड़ा है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि इस पे दबाने से कैसे रक्त क्षय होगा। तो इंद्र किसके देवता है? जल के देवता है। वस्ती किसको कहते हैं हमारे आयुर्वेद में? जितना यूरिनरी सिस्टम है उसको वस्ती कहते हैं, मूत्राशय को या पूरी मूत्र की जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? वस्ती कहते हैं। तो वस्ती का मतलब क्या है? कहीं पेशाब के बनने की प्रक्रिया से संबंधित जो अंग है उसको हम इंद्रवस्ती कहते हैं, मर्म उससे संबंधित है। तो संबंध जोड़ने की बात हुई, जब भी किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है तो उसका खून नहीं बनता, क्योंकि उसको इरिथ्रोपोएटिन एक सब्सटेंस होता है जो बनता है, किसमें बनता है? किडनी में बनता है, और इरिथ्रोपोएसिस के लिए जरूरी होता है, आरबीसीस को बनने के लिए जरूरी होता है। और जब वो किडनी खराब होती है तो हमें इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो दिमाग में तुरंत आया कि ये इंद्रवस्थी है और इससे गुर्दा खराब हुआ, तो इसलिए इसमें रक्त क्षय से व्यक्ति की मृत्यु होगी, इसमें यदि आघात होगा तो। जब यदि ऐसा व्यक्ति जिसमें आया जिसमें रक्त क्षय हुआ, उसमें इंद्रवस्थी मर्म दबाना शुरू किया तो उसमें फायदा हुआ। इसी ढंग से बहुत सारे जो केसेस जिन बच्चों में बराबर खून चढ़ाना पड़ता था,
पॉलीसाइथीमिया और बहुत सारी ऐसे वेरिएंट थे जिनमें खून की जरूरत होती थी। उनमें एक काशीपुर का बच्चा है, एक काशीपुर से आते हैं डॉक्टर भंडारी, सीएम भंडारी जी को आप लोग भी जानते होंगे, जो पोलैंड के राजदूत थे, वो उनके पास कोई आदमी काम करता है, उसका बच्चा है। उसको करीबन कई वर्षों से सिर्फ क्या दे रहे हैं, जेरी फोर्ट का सिरप आता है हिमालय ड्रग का, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ देना है, इसलिए पता नहीं कितने टॉनिक, कितने सीसी और कितना ब्लड उसको चढ़ता था हर दूसरे महीने महीने उसको ब्लड। सिर्फ उसको क्या कहा गया, तलहृदय मर्म दबाया और इंद्रावस्थी और कुरपर। उसको अब साल भर, दो साल से उसको खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो जिंदगी भर होती है। ऐसे कई व्यक्ति हैं। तो ये नॉलेज कहाँ से मिली? नॉलेज भी हमें शास्त्र से मिली या इन चीज़ों को कोरिलेट करने से मिली, वही तो की। और बाकी फीडबैक, जब भी हम लोगों ने पहले मर्म चिकित्सा शुरू की तो डर के शुरू की, कि मतलब कि भाई हम टोहने के चक्कर में, बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे किया तो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं तो कि नस कौन सी ठीक है। बाद में उस मरीज क्या कहने लगा कि जब आपने इसको किया था तो इससे तो ये भी ठीक हो गया। एक ऐसा ही प्रसंग भारतीय विद्या भवन का है, एक व्यक्ति गुड़गांव के, उनकी मिसेज ने वहां हम लोगों का एक कार्यक्रम अटेंड किया, तो हम लोगों ने उनको बताया कि ये जो कुरपर संधि है, कुरपर मर्म है, ये संधि मर्म है और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को काम करने को ठीक करने के लिए काम करता है, कुरपर संधि जो होती है। तो इसको हमने जैसे आपको बताया कि 1, 2 और 3, ये ऊपर का हिस्सा किसके लिए, प्राणवायु के लिए, बीच का हिस्सा समान वायु के लिए, नीचे का हिस्सा अपान वायु के लिए, ठीक है, कंठ से ऊपर उदान वायु के लिए, और पूरा शरीर किसके लिए, व्यान वायु के लिए। तो पांच हिस्सों से, पांच वायु से सारी के सारे हमारे तंत्र पूरा चलता है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग मर्म पॉइंट की एक तरह से संरचना की, वो एक तरह से सोचा और उसको स्टिमुलेट किया तो फायदा हुआ। जब ये आणी और उर्वी है वो क्या है, वो प्राणवायु के लिए ठीक करते हैं। जब भी अभी एक डॉक्टर अभिषेक आपके यहाँ काम करते थे, अभी है नहीं है डॉक्टर अभिषेक, उन्होंने मुझे आपके लिए सजेस्ट भी किया, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे, वो गए आयुर्वेद में है, आयुर्वेद में अभी किसी और जगह प्रिंसिपल हो गए हैं, अच्छा, यहाँ से छोड़ गए। उन्होंने मुझे आपके पास जाने के लिए कहा था, अच्छा, किसी चीज़ के लिए। हाँ, उनके पिताजी मेरे सीनियर है, उनको कोरोना हुआ था तो वो यही उसके पास आए हुए थे। तो कोरोना के ही टाइम में मैं उनके पास आया, मुझे भी कोरोना हुआ था, सारे परिवार को हुआ था, लेकिन हम लोग तो 24 घंटे काम करते रहे, अस्पताल भी जाते रहे, सब कुछ करते रहे। तो उनके पास मैं गया तो उनकी स्थिति ये थी कि उनको कोरोना हुआ था, तो पोस्ट कोविड जो उनको डिस्निया था, वो एडमिट भी रहे, आईसीयू में भी रहे थे, और मेरे सीनियर हैं, मेरे 4 साल सीनियर हैं और बहुत मेरे प्रिय हैं, मैं उनका बहुत प्रिय हूँ समझिए। तो उनको देखा कि भाई उनको सांस फूलता है, वो चल फिर नहीं सकते, तो वो मुझे लेने नहीं आए थे, मैं सीधे गया था। तो लौटते हुए जब मैंने कहा भाई ये ऐसी तकलीफ है, तो उनको वहीं पे आणी और उर्वी मर्म मैंने दबाए, ऐसे दबाए 10-20 बार दबाए, और उसके बाद वो चले तो कहने लगे, फिर मुझे वहां तक गेट तक, वो वहां तक बाहर तक छोड़ने आए, कहने लगे मैं अब सांस लेने में बहुत अच्छा महसूस। पूरे कोविड के समय में हम लोगों ने क्षिप्र मर्म, आणी उर्वी मर्म, इन मर्मों के माध्यम से सैकड़ों लोगों को, जिनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन थे, उनको फायदा होने का, बहुत सारा लोगों को फायदा किया। इसी ढंग से चिकनगुनिया एक बीमारी होती है, चिकनगुनिया बीमारी होती है, इससे एक आर्थराइटिस हो जाती है, बहुत भयंकर आर्थराइटिस होती है। और ये कैसे सामान्य रूप से ठीक होती है, इसको इससे, ये चिकनगुनिया की बीमारी के बाद होने वाली आर्थराइटिस से पूरे के पूरे गांव और हरियाणा में तो इसका बुरा हाल था। एक हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ट्रांसपोर्टर हैं, वो शराब वराब भी पीते हैं, तो क्या करते हैं, मर्म दबाते हैं, और सब जब 10-20 ट्रांसपोर्टर मिलते हैं तो कोई दवाई निकालता है, कुछ निकालता है, बोतल भी निकालता है, सब पीते हैं। और उसके बाद वो क्या, वो पहले क्या करते हैं, इसको दवा लेते हैं, फिर दारू पीते हैं। उनको 456 के लगभग क्या कहते हैं, वो थी ब्लड शुगर थी, तो वो कहते हैं जी वो तो पहले तो कुछ दिन छोड़ ही रही, कह रहे हैं मैं इसको 1-2 बार और दवा लेता हूँ जी, और लेकिन फिर पी लेता। उनकी मिसेज, उनको चिकनगुनिया हुआ, उनके घर में सबको, पूरा परिवार होता, 4 सास हैं, 3 देरानी हैं, जेठानी है, सब होता परिवार। उनको जब चिकनगुनिया हुआ तो यहाँ मेरे पास आई, तो उनको गुल्फ मर्म, आर्थराइटिस में क्या किया हमने, पैर का गुल्फ मर्म, आप लोग देखेंगे यदि वीडियोस देखेंगे या इसमें देखेंगे तो mrityunjaymission.org पे वीडियोस भी हैं, तो उस पर यदि देखेंगे गुल्फ मर्म, उनको हमने गुल्फ मर्म बता दिया और सिखा दिया। हम लोगों का ट्रेंड क्या होता कि जब भी कोई व्यक्ति मरीज हमारे पास आता है तो उसको ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आए, उसको एक बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी, टेलीविजन यदि आपने उसको खरीदवा दिया तो रिमोट दबा के रोज उसका चैनल चेंज करने आप जाओगे क्या, तो रिमोट भी उसी को देते हैं और बता देते हैं कि भाई इसको दबाओगे तो ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, तो ये तो हम लोगों की भी ये ट्रेनिंग होती है कि हम लोग उसको बताते हैं कि भाई ऐसे मर्म को दबाना, ऐसे ठीक करना। तो उन महिला को, उनकी मिसेज को हमने बता दिया कि भाई इसको गुल्फ मर्म को दबाना, तो उसको, उनको बहुत आराम हुआ। जब वो अपने घर गई, गाँव गई,
तो पूरे गांव में 250 महिलाएं जो परेशान, उन्होंने सबके जो है गुल्फ कि ऐसे ऐसे कर और सब सब ठीक, तो आके बोली मुझसे कि जी मैंने तो जो है, तो एक व्यक्ति को यदि किसी चीज का थोड़ा सा ज्ञान होता है तो जैसे मैं लाभान्वित हुआ, हमारी मानव की संवेदना होती है कि जैसे यदि मुझे लाभ हुआ तो सबको उसका लाभ मिले, ऐसी भावना होती है। उस भावना से उन्होंने काम किया, कहने लगे मैंने जितनी थी सब, जितने मेरी रिश्तेदार थी सबको फायदा हुआ इस गुल्फ मर्म से। तो ये ऐसी चिकित्सा विधा है कि इसको हम कहते हैं मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस। ये कहा कि मान, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि, जब तक पांचों चीजें नहीं होती तो मर्म नहीं होता, ठीक है। उस पांचों के संयोजन को मर्म कहते हैं। जैसे दो चीजें मिलती हैं तो उसको संधि कहते हैं, तीन चीज मिलती है तो उसको संधान कहते हैं, संघात कहते हैं, चार चीज मिलती है तो उसको चक्र कहते हैं। चारों चीजें जब तक नहीं होगी तो चक्र नहीं होगा, और जब जहां पांच होती है तो उसको मर्म कहते हैं। तो ये मर्म जो होता है जो पांचों चीजें होती हैं। और देखिए जब भी हम ऐसे स्पर्श कर रहे हैं, जैसे हम हल्का स्पर्श कर रहे हैं तो बाल छू रहे हैं तो उसका अलग एक स्टिमुलस है। माँ का स्पर्श, माँ के हाथ का स्पर्श आप जानते हैं कैसा होता है, और मास्टर जी का थप्पड़ का स्पर्श कैसे होता है अंदर पता है। इसमें पांचों चीजों का परिणाम इकट्ठे मिलता। जब हम स्किन को टच करते हैं तो एक अलग स्टिमुलस ब्रेन में जाता है, यदि हम उससे थोड़ा डीप स्टिमुलस देते हैं तो उसका एक अलग स्टिमुलस जाता है। तो जब पांचों तरह का स्टिमुलस जब ब्रेन में जाता है तो पांच तरह का एक्शन, उसका रिएक्शन होता है बॉडी में। इसलिए मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस फ्रॉम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसका फॉर्मूला है। तो इससे हम लोग तुरंत देते हैं, तुरंत उसका फायदा इतनी तेज होता है। यदि जितनी तेज बीमारी होगी उसका परिणाम उतना ही तेज हो। यदि कोई कहेगा हल्का सा दर्द है, जी मेरे दर्द होने वाला है, थोड़ा सा दर्द है, कभी होता है, उसको मर्म करेंगे तो उसे फायदा नहीं होगा। लेकिन जो उठ बैठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, बिल्कुल भयंकर रूप से पेन है, वो उसको तुरंत फायदा होगा। इंस्टेंट हमने किया, दो तीन मिनट में, दो तीन सेकंड में, तीस सेकंड में उसको फायदा हो जाना चाहिए। तो जितनी तेज बीमारी होगी उसमें इंस्टेंट फायदा होगा, और जितना डिले होगा, जितना सामान्य होगा, उसमें आप लक्षणों को देख नहीं सकते कि भाई वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये इसका महत्वपूर्ण है। तो इसके परिणाम भी अलग है, इसका देश भी अलग है, इसका काल भी अलग है, इसके परिणाम भी अलग है, इसकी विधि भी अलग है। तो वहां कहीं नहीं लिखा। अब आप देख रहे हैं कि पेंसिल से करते रहते हैं, पहुंचते रहते हैं, करते हैं ना कि प्रश्न में कई बार। तो हमने पूछा, जापान में लगभग हम लोगों ने 165 से ज्यादा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर वाले और एलोपैथिक डॉक्टर्स को ट्रेंड किया, ठीक है। वहां बड़े एनपीओज हैं और बहुत सारे अच्छे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। तो उनसे हमने कहा कि भाई कितना टाइम आप एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में लेते हैं, तो उन्होंने लिखा कि भाई लगभग 40 से 45 मिनट, और पहली सिटिंग में तो डेढ़ घंटा, लगभग सवा घंटा डेढ़ घंटा जब पहली सिटिंग देते हैं तो एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर में सवा घंटा डेढ़ घंटा लगता है, और दूसरी सिटिंग्स में 30-35 मिनट में हम लोग सिटिंग देते हैं, वो सारी सिटिंग देते हैं। और मैंने कहा भाई यदि हम 2 मिनट में कर दें ये काम, तो कहने लगे 2 मिनट वाला ठीक है, क्यों 30-40, लेकिन 30-40 मिनट में वो ये पैसा 2 मिनट में कोई नहीं देगा आपको। 2 मिनट का पैसा लोगे तो ठीक नहीं लगता है, तो 2 मिनट का पैसा तो ऊपर वाले को समर्पित है, उसी भाव से करना चाहिए। पैसे करने के लिए आप आधा घंटा डेढ़ घंटा आप अपना भी टाइम बर्बाद करो, उसका भी करो, कोई फर्ज नहीं, लेकिन ठीक करने के लिए क्या करना, 2 मिनट में आप उसको ठीक कर दीजिए, और उसको कहिए कि भाई हमें एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, चलिए वो भी मंजूर है हमें, लेकिन ठीक इससे जरूर कर लीजिए। तो ये जरूरी चीज है। तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के रिजल्ट्स भी अंतर है, उसका काल, उसका देश, उसका उसकी विधि और उसके परिणाम में सब में अंतर है ना। और ये हमारी वैदिक विधा, इसमें ठीक 107 पॉइंट होते हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि 110 होंगे, कोई मैं कहूँगी 112। हम लोगों ने कुछ कल्पना की है, हमने अनुक्षिप्र भी उसमें लिए, लेकिन वो क्षिप्र के सापेक्ष ही लिए कि यदि क्षिप्र करना तो उसमें अनुक्षिप्र भी उसको नाम दे दिया, लेकिन उसको लिखा नहीं, उसको बताते हैं शास्त्र में परिवर्तन करने का अधिकार मेरा नहीं है, ठीक है। यदि शास्त्र के साथ मैं छेड़छाड़ करता हूं तो मैं उसका अपराधी हूं, ठीक है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, ये हम लोगों का कर्तव्य भी है, धर्म भी है। तो शास्त्र में शास्त्र के विपरीत कभी नहीं करना। यदि हमारा विज्ञान शास्त्र सम्मत है और विज्ञान सम्मत है तभी स्वीकार कीजिए, मत नहीं तो मत कीजिए। तो हम तो कहते हैं, एक दुकानदार की बात हमें याद आती, जब हम छोटे थे तो 2 पैसे की गोली लेने जाते थे, वो कंचे की गोली होती थी, तो उसके एक डब्बे में, टीन के डब्बे में अलग अलग तरह की गोली होती थी, कभी नीली पसंद आ गई तो नीली दे दे, फिर कहते थे नहीं ये पीली वाली दे दे, तो फिर नीली वाली दे। तो उसका कहना था लेनी ते ले, नहीं लेनी तो गंगा पार जा। वो गंगा एक किनारी थी, उसके बाद आगे था, तो वो कहता था लेनी ते ले, नहीं लेनी तो गंगा पार जा। तो ऐसा ही हम लोगों का भी कहना है, जिसको इसका लाभ लेना है तो वो ले, नहीं तो गंगा पार जा, हमें क्या लेना देना उसे, ठीक है। तो कभी किसी की आप चिरौरी मत कीजिए कि नहीं जी मर्म चिकित्सा कराए लो जी, ये करो, जिसको फायदा लेना ले, जिसका प्रारब्ध में ठीक होना होगा होगा, नहीं तो देखिए इसके लिए और एक चीज बता दो, जो रोग होता है वो प्रारब्ध से होता है, अपने कर्मों से होता है। एक समय में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक को सर्वल पालसी होती है, एक स्वस्थ होता है। माँ के गर्भ में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक को सर्वल पालसी होती है, वो जिंदगी भर अपाहिज होता है, और दूसरा क्या होता है, स्वस्थ होता है, उसने तो कोई कर्म नहीं किया।
तो इसका मतलब क्या, उसके पूर्व जन्म के कर्मों का कर्म। और देख लीजिए, जब भी आप लोन लेते हो तो उसमें एक गारंटर जरूर होता है, कभी कभी तो दो गारंटर होते हैं, ज्यादा लोन होता है तो क्या होते हैं, दो गारंटर होते हैं, और नहीं तो क्या होता है, एक गारंटर तो होता है। यदि आप नहीं लोन वापस करोगे तो कौन वापस करेगा, गारंटर। यदि आप गारंटर बन गए तो लोन आपको वापस करना है। आप हस्तक्षेप किस में कर रहे हो, ईश्वर के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हो कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप उसको ये बीमारी हुई है, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर ने चाहा कि वो अब ठीक हो जाए, इसलिए आपके पास आया है। तो उसमें आप ये मत समझे कि मेरे करने से हो गया। देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, यदि मैंने इसको बटन को बंद किया, ये माइक बंद हो गया, मैंने इसको चालू किया, माइक चालू हो गया, इसमें मेरी कौन सी खूबी है, मेरी खूबी है कोई? अब आप यदि कहने लगे मेरे कहने से, देखो मैं तो, मेरी आवाज तो कितनी दूर जाती है, मैं यदि इसको बटन दबाता हूं तो मैं तो बहुत बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो इसका मतलब क्या, आप गारंटर हो गए, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़े। हम तो ये कहते हैं कि उसकी मर्जी से आया है, उसको समर्पित है, उसका विज्ञान है, उसके लिए है, तो उसको कर रहे हैं, तो हमें क्या दिक्कत, हम गारंटर नहीं बीच में, बिल्कुल नहीं, सारी चीज उसको समर्पित है, तो हम उसमें भागीदार, उस कर्म में भागी नहीं, हम उसके आज ठीक होना था तो इसलिए हमारे पास आए। एक व्यक्ति आते आते, अब मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, ध्रुव एक बच्चे का नाम था, रुड़की के रहने वाला था, सर्वल पालसी थी, मेरे पास आया। हम लोगों ने उसको, हम लोगों का ढंग यह है, जो फीस लेते हैं वो फीस भी इसी कामों के लिए समर्पित रहती है, और मैं समझता हूँ जो 30 साल पहले जो फीस लेते थे वो आज भी लेते हैं, और लेते हैं नहीं लेते वो उसी काम आती है, ठीक है, वो फीस भी होती है, उसी व्यवस्था के लिए काम आती है, और नहीं लेते तो फिर आदमी उसकी कीमत नहीं समझता। तो जब जब जो लेनी शुरू की थी वही लेते हैं आज तक, 300 साल से जो हुए। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोगों का ये सिस्टम होता है मर्म चिकित्सा के लिए, मर्म चिकित्सा का तो कोई किसी ढंग का कहीं किसी को न, तो जिसको सिखाते हैं उससे भी हम लोग शपथ पत्र लेते हैं कि भाई इसको आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, इससे पैसा नहीं कमाना है, दूसरे इसी से वो होगा। उसमें क्या हुआ कि वो जो बच्चा आया, हम लोगों ने कहा कि इसको अंदर भेजा कि भाई ये दिक्कत है, मर्म चिकित्सा के लिए अंदर भेजा कि इसके ये मर्म के पॉइंट मार्क कर दीजिए और इसको इसको बता दीजिए ऐसे करना वैसे, 10 मिनट 15 मिनट लगाइए और उसको भेज दीजिएगा। फिर आता कि इसकी फीस क्या होती है, इसका क्या, इसका तो कुछ भी फीस नहीं होती, इसका तो रजिस्ट्रेशन भी हम लोग नहीं करते, नाम लिखते हैं फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, इसको आप जाइए। और कहा कि 1 महीने के बाद इसको आना है, 1 महीने के बाद वो नहीं आया, ठीक है। उसने सोचा कि यार मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ बड़े बड़े संस्थान में हजारों लाखों रुपए मैंने खर्च कर दिए, चलो इसका मतलब इनको कुछ पता है नहीं, वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं, किसने भेज दिया, मैं आया हूँ तो वो निकल के चला गया। अब इसके बाद वो 8 साल के बाद पुनः मेरे पास आता है, पुनः आता है कि भाई ऐसा हमें तो पहचान नहीं कि 8 साल बाद आया कि सर ये इसको ये बच्चा है फलाना ढिकाना। हमने फिर वही प्रोसेस क्या किया कि हमने उसको वही मर्म बिंदु बताए, मर्म बिंदु बताने के बाद फिर वो जो है उसको उसी सिस्टम ने कहा कि 1 महीने के बाद आइए, 1 महीने बाद जब इसका परिणाम कुछ मिलेगा तो आपको तब तक इसकी समझ भी हो जाएगी, क्योंकि ये नियमित रूप से आपको करना है। 1 महीने क्यों करना है, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको दिखेंगे तभी इस पर विश्वास होगा, नहीं तो आप सोचेंगे यदि हम उसी समय दवाई लिख देंगे तो आप सोचेंगे दवाई से कुछ फायदा हो रहा है, परिणाम इसी से मिलने, आप इसकी विधि भी सीख लेंगे, इसको ठीक से करेंगे, और ये लंबे समय तक की जाने वाली प्रक्रिया है कि भाई आप 1.5 साल करेंगे तभी इसको आप 25 वर्ष तक का जो इंडिपेंडेंस है उसको खत्म कर सकेंगे, नहीं तो डिपेंडेंट है आपके उसको ऊपर, 25 साल तक बच्चा आपके ऊपर ही है, बच्चे पेशाब भी खुद ही कराना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, लेकिन 1.5 साल यदि आप इसको करते तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने क्या किया, फिर बताया कि हमारे इसके साथ के कई लोगों ने आपको दिखाया था वो ठीक हो गया, हमने उस दिन गए थे पहले बार, हम 8 साल पहले आए थे और हमने सोचा कुछ नहीं होगा, कीजिए अब तो हम जरूर करेंगे। तो देखिए उसके प्रारब्ध में 8 साल और उनको भोगना था, इसलिए वो उठ के चल दिया। एक दूसरा और बताएं, एक व्यक्ति कोई हरिद्वार में आया होगा घूमने के लिए, बच्चा व्हीलचेयर पे था, कोई कहीं किसी घाट पे घूम रहा होगा, किसी ने बताया होगा कि भाई ये किसको इसको ये दिक्कत है, वो डॉक्टर जोशी जी इसको ठीक करते हैं, इसको मतलब इसको इसके लिए मर्म चिकित्सा बताते हैं। वो वहां आया और उसी समय वो अच्छा अनायास ही हरिद्वार आया, अनायास ही कोई व्यक्ति उसको मिला, अनायास ही वो हमारे पास आया, अनायास हम लोगों ने उसको मर्म बताया, वो बच्चा ठीक हो गया। तो ये ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है, इसलिए हम लोगों को मानना चाहिए कि आप और मैं उसके बीच में कहीं नहीं, ठीक है, तो हम ना तो गारंटर हैं ना कुछ है। हाँ बस ये चीज जो हमको समझ में आई वो, क्योंकि हमारे हम ये मानते हैं कि यदि मैं 1,00,000 लोगों के मैंने पैरों के मर्मों को करने का अवसर मिला होगा तो ये हमें महसूस होता है कि 84 लाख योनि में पता नहीं कौन कौन मेरा माता था, कौन कौन मेरी पिता था, उसकी सेवा का अवसर हमें मिला, इस बात से यदि आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये परिणामों में अंतर है, ये हमारी उसकी सोच, उनकी सोच और हमारी सोच में, वैदिक सोच में, और चाइनीज तो मार के खाने वाले लोग हैं, तो उनकी सोच में और हमारी सोच, हमारा विज्ञान उनका विज्ञान कैसे एक हो सकता है, वो तो एक तरह से काट के खाने वाले लोग हैं हम लोग। अजय जी, इसने किसी को ट्रेनिंग दिलाई हम तो कितना समय लगेगा? देखिए अभी हम लोगों ने इसको
विभिन्न माध्यमों से, जैसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में एमएससी में एक पूरा पेपर है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पूरा पेपर है, अभी हम लोग परमार्थ में एक पूरा सिस्टम वहाँ भी हम लोग एक तैयार कर रहे हैं, इसी ढंग से और अवेला में हम लोग तैयार करें कि जहाँ भी देखिए इसको बीज को अच्छी धरती पर अच्छी भूमि पर डाल देंगे तो वो अपने आप फैलता है। पतंजलि में हो रहा है, पतंजलि में मैं समझता हूँ सैकड़ों लोग मर्म चिकित्सा सीखे हुए जानते हैं और कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मर्म चिकित्सा, बहुत सारे लोग पूरे देश भर में, वो अभी लोग थे आपके यहाँ वो कहीं विदेश में है, तो कहने लगे कि एक हमारे एक दूसरे कोई शिष्य थे कि इसने कभी कुछ काम नहीं किया, कह रहे ये पता नहीं कितने लाख रुपए पता नहीं विदेशों से इस मर्म चिकित्सा के माध्यम से कमा रहा है, आपके कन्वोकेशन में मुझे मिले थे वो भी पहले के विद्यालय से हम लोग डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं तो फॉरेनर्स के लिए हम लोगों ने एक कोर्स शुरू किया है। उसमें हम लोग $10,000 की बात करते हैं, क्यों करते हैं $10,000 की बात, क्योंकि उससे हमारे विश्वविद्यालयों को संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो ये दोनों तीनों के मैं समझता हूँ कि पतंजलि में भी आपको शुरू करना चाहिए, हम फैकल्टी हम लोग दे सकते हैं, हम लोग अपना ट्रेनिंग का सिस्टम दे सकते हैं, प्रोटोकॉल दे सकते हैं, उसका एक तरह से मान्यता दे सकते हैं, उसको यहाँ भी शुरू कर सकते हैं, आधा आधा कर लीजिए, विश्वविद्यालय को फायदा आपको भी फायदा हमारे विश्वविद्यालय को भी, हम लोग तैयार हैं और यही कार्य हम लोग देव संस्कृति में भी हम लोगों ने उनसे कहा, ऐसे ही हम लोग परमार्थ में भी स्वामी जी से निवेदन किया कि भाई ऐसे, क्योंकि वहाँ भी फॉरनर्स बहुत आते हैं सीखने के इच्छुक हैं, तो उसमें भी हम लोग एक एमओयू कर, उनसे भी हम लोगों ने एक एमओयू किया है कि इस ढंग के कोर्सेज को हम लोग चला सकें, CCRS के माध्यम से भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अभी हमारे विश्वविद्यालय में हम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्स और PhD ये सब शुरू करा दिया, तो वहाँ भी हम लोग डॉक्टर्स के लिए तो कर ही रहे हैं, मैं समझता हूँ पतंजलि के भी काफ़ी डॉक्टर्स हमारे यहाँ से PhD करना चाहते हैं, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज के लोग भी आयुर्वेद वाले, हाँ PhD में कुछ कर रहे हैं। कितना समय लग जाता है सीखने में? देखिए इसमें सीखने का यह है कि मुझे तो 30 साल लगे और हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन इसका ये लगभग यह है कि 40 घंटे हम लोग कहते हैं कि 40 आवर्स यदि हम लोग करते हैं तो 20 घंटा ट्रेनिंग वो टीचिंग का है, ये अभी ये तो टीचिंग 20 घंटा हम लोग इसकी ट्रेनिंग देते हैं और 20 घंटे की प्रैक्टिकल, जब तक प्रैक्टिकल ये इस ढंग का प्रैक्टिकल ना हो, और ये नहीं जब तक एक व्यक्ति अपने ऊपर न देखे, हम चूहे बिल्ली कुत्ते पे नहीं सीखते, ये मैंने वर्षों तक अपने ऊपर मेरे कॉम्प्लिकेशन देखे, मैंने पता नहीं क्या क्या मर्मों के साथ किया अपने मर्मों के साथ, ये कॉम्प्लिकेशन कहाँ किसको कैसे करना, ये देखिए यहाँ 3 अंगुल पे किया तो ये गांठ बन गई हमारी, तो देख रहे हैं तो 3 अंगुल की जगह इसको 4 अंगुल पे शिफ्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने बदलाव किए कि कहाँ पे होना चाहिए, क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, किसमें क्या तकलीफ हो सकती है मरीजों के माध्यम से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जिसको आमवाद कहते हैं, गठिया के रोगी में हम लोगों ने बहुत सारे मर्म दबा तो दिए, लेकिन एक मर्म उसमें ऐसा क्षिप्र मर्म दबा दिया तो पता लगा वो प्रेसिपिटेट हो गया और पीछे पड़ गया, मतलब वो हमें पल्ला छुड़ाना भारी भारी बाकी थी, पता नहीं क्या दबा दिया ये बीमारी हो गई जी, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, कमर दर्द हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ों को जब जानने के बाद, क्योंकि ये लंबी यात्रा रही है 30-35 वर्षों की यात्रा रही है, तो इनके अनुभवों से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, अपने ऊपर भी इसका प्रयोग किया सबसे पहले, फिर दूसरे के ऊपर किया, फिर एक दूसरे के ऊपर किया, और इसका भी सिस्टम किया कि हम लोगों ने सकाई टेस्ट कहते हैं, एक हमारे पास एक मिस्टर सकाई जापान से आते हैं, जो जापान पे जो भी कार्यक्रम करते हैं वो मिस्टर सकाई हम लोगों के वो होते हैं एक तरह से इंटरप्रेटर, वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत सब जानते हैं, तो वो उसी के माध्यम से, तो जब भी हम लोग एक दूसरे पे मर्म सिखाते हैं तो एक सकाई टेस्ट करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं कि जब एक बार तो हमने उनको करके दिखा दिया सारे मर्म, अब दूसरे वाले जो कर रहे हैं तो कहता है 30% 40% तू ठीक नहीं कर रहा है, तो वो सकाई टेस्ट के नाम से हम लोग उसको लोगों के बीच में जापान में कहते हैं इट इज सकाई टेस्ट, जब हम एक दूसरे के ऊपर ट्रेनिंग कराते हैं क्या आप बिल्कुल ठीक ढंग से उसी ढंग से कर रहे हैं जो आइडियल है, नहीं कर पा रहे कितना कर पा रहे हैं 50% है 60% वो आप एक दूसरे को बता सकते हैं, जब अपने मर्मों को उत्प्रेरित करते हैं तो आप उसका अनुभव करते हैं, जब दूसरा आपके मर्मों को उत्प्रेरित करता है तो उसका अनुभव करते हैं, तो ये योग्या का कर्म जो है, जो योग्या जैसे शल्य कर्म में करते हैं कि भाई हम पट्टी बांधना हम यदि सीखना तो हमें किसी एक स्टैचू पे हम पट्टी बांधना सीखते हैं, यदि हमें इंसीजन लगाना तो हम किसी कद्दू पे लौकी पे तोरी पे इंसीजन लगाना सीखते हैं, मेंढक पे सीखते हैं, ऐसे योग्या का कर्म भी है किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे सीखा जाता है, तो पहले अपने मर्म को देखना, जैसे तल हृदय है, अभी आप तल हृदय सीख लिया, इसको दबाने की कोशिश कीजिए कि इसको कितना प्रेशर में कितना पेन होता है आपको महसूस होगा,
ठीक है, तो उसको दबा के देख लिया। अब आपने जैसे मैंने बताया अधिपति, अधिपति को यदि आप ऐसे दबाएंगे तो आपको महसूस होगा, अलग अलग अनुभव होंगे कि इस पे पहले दबाएंगे तो ये पेनफुल होता, चार पांच दिन के बाद ये पेनलेस हो जाता है, फिर उसके बाद अच्छा लगता है कि बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस आ गई। तो जो भी मर्म है जब तक आप अपने से नहीं दबाएंगे तब तक उसका आप उसके परिणामों को नहीं। तो ये अपने से निकला हुआ विज्ञान है कि पहले हम अपने पे देखते हैं फिर दूसरों पे करते हैं, और बाकी चीजें क्या होती है, पहले हम दूसरों पे देखते हैं फिर अपने पे देखते हैं। दवाई की ट्रायल भी हम कुत्तों पे करेंगे, चूहे पे करेंगे, आदमियों पे करेंगे, तब अपने खाएंगे ना। लेकिन ये क्या है, मर्म पहले अपने दबाएंगे फिर अपना अनुभव करेंगे फिर दूसरे के मर्मों को अनुभव करेंगे, और फिर दोनों चीजों से एक तरह से सापेक्ष कि कैसे इन कंपेरिजन टू आप, कईयों के कई नहीं मिलता, गुल्फ नहीं मिलेगा, कईयों के मोटे होंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, कईयों का मर्म इधर उधर होगा, जिसका स्पाइन तिरछा हो गया तो उसके मर्मों की गति दूसरी होगी, कई बीमारियों में जिसमें वात का वो है उसमें दर्द ज्यादा होगा, ये बहुत सारी चीजें एक उसका है। तो इसमें लगभग 40 घंटे का सामान वो समय लगता है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो फायदा नहीं। और बड़ा सरल है क्योंकि इसमें इसके लिए ना तो आपको लेबोरेटरी कहीं ढूंढनी है, नहीं कहें अस्पताल ढूंढना, अपने शरीर में सारी चीजें उसको ढूंढते नहीं करते नहीं। अब जैसे हम हाथ को ऐसे रखते, देखिए हमने ऐसे हाथ को रखा तो ये जो हमारी हड्डी है ये हमारे स्तन मूल को टच कर रही है, आप देख करके देख लीजिए, हमने ऐसे रखा हुआ, देखिए इसको हाथ को हमने ऐसे रखा, ये आनी और उर्वी, देखिए इसको हमने हमने दृष्टाभाव से देखने की कोशिश की और कुछ नहीं की। जब हम जब भी बैठते थक जाते तो क्या करते हैं, ऐसे रख लेते ना, तो ये आनी पे है, ये उर्वी पे, आनी उर्वी ये हमारे फेफड़े को और हार्ट को ठीक कर रही है, और ये जो स्तन मूल है ये हमारे ये जो हड्डी लग रही है ये यहाँ पे टच होती है, तो ये स्तन मूल है यहाँ पे। तो लिखा है कि स्तन मूल मर्म पे आघात होगा तो व्यक्ति की मृत्यु कैसे होगी, उसमें या तो फेफड़े में पानी भर जाएगा, फेफड़े में खून भर जाएगा, फेफड़े में हवा भर जाएगी, फेफड़े में मवाद भर जाएगा, चार चीज से उसकी मृत्यु हो सकती है यदि ये जो हमारा स्तन मूल है ये आघातित होता है। तो जब भी हम ऐसे रखते हैं तो ये क्या होता हमें पता नहीं था, जब पता लगने लगा तो जब हमें जरूरत है तो इसका मतलब इस समय हमें इसको दबा लेना है, इस समय इसकी जरूरत है। अब हम बैठे हैं तो हमें पेशाब का जोर लगता है तो हम क्या करते हैं, पेशाब चले जाते हैं, टट्टी का वेग आता है तो हम क्या करते हैं, टट्टी चले जाते हैं। अब हमने ऐसे हाथ को ऐसे रखा, हाथ को ऐसे रखा, अब जब हम चिंता में है तो हाथ को कैसे रख रहे हैं, ऐसे बैठे, क्यों बैठे, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये इसके हिस्से के बराबर है। अब हमारे दिमाग में विचार बहुत चिंताएं घूम रही है तो खून के सर्कुलेशन को रोकना है कि जिससे ब्रेन में नस न फट जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया कि ऐसे हाथ को रखना, ठीक समझ रहे, ऐसे बेवकूफी का काम नहीं है, समझ लीजिए मेरी बात। तो ये क्या है, ये बॉडी की लैंग्वेज है, इसको हमें दृष्टाभाव से देख के इसको इसकी कंप्लायंस करनी, तो तुरंत हमें क्या करना, चिंतन हटाना, चिंतन हटाने के लिए क्या करना, इसको हाथ को पकड़ के इसको घुमा लीजिए, ये चिंतन को दूर करने का है। आपको जब भी हम विश्राम करते हैं तो कैसे करते हैं, पीछे से ऐसे करते हैं, जब भी हम किसी अपराधी को पकड़ते हैं तो हाथ में क्या करते हैं, हथकड़ी डालते हैं। हथकड़ी डालने का मतलब ये नहीं है कि हम उसको सिर्फ हाथ बांध रहे, नहीं, उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक तब तक नहीं होगी जब तक ये उसके मणिबंध ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा विज्ञान है, विज्ञान को यदि दृष्टाभाव से देखा जाए तो समझ में आता है। अब जिसको समझ में नहीं आया, जब हमारी दिमाग नहीं सोच पाएगा तो लगता है यार तो बेवकूफी की बात है, जब हमें तिलक लगाता हो कोई आदमी दिखता है कि ये बेवकूफी की बात है, प्रपंच है, पूजा करता हुआ आदमी हमें प्रपंच दिखाई देता है तो गलत है ना। तो जितनी भी हमारी परंपराएं, हमारा वैदिक ज्ञान है वो तो सब विज्ञान है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।